जय माता दी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आज हम नए तरीके से क्लास शुरू करने जा रहे हैं, स्पेशली फेस टू फेस बैच वालों को बोलना चाहता हूं। तो क्लास थोड़ी सी प्रीपोन हो गई है आप लोगों की, और कुछ इस तरीके से हो गई जो 14th जनवरी की क्लास है। आई एम रिकॉर्डिंग ऑन 13th जनवरी सो दैट यू कैन वॉच इट ऑन 14th जनवरी। तो आज 13th ऑफ जनवरी 2015 आई एम सिटिंग हेयर। एंड आज की क्लास में जब पहली चीज आपको बोलना चाहूंगा कि जो आज हम करने जा रहे हैं, लास्ट क्लास की कॉन्टिन्यूटी तो हम ऑब्वियसली आगे लेकर चल ही रहे हैं। आज कुछ नए टॉपिक जो उठाने जा रहे हैं, दे आर वेरी रेलिवेंट फॉर एग्जाम एंड आसान है, आसान टॉपिक्स हैं, लेकिन अच्छे छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स हैं। एक दो बड़े बड़े टेक्निकल पॉइंट्स भी बीच में आएंगे एंड दे आर क्वाइट रेलिवेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम। सो कॉन्सेंट्रेशन के साथ मेरे साथ रहिए एंड देयर इज वन हम्बल रिक्वेस्ट। तो आज हम सेक्शन ऑब्वियसली जहां हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, सेक्शन 169 रिमूवल, उसके आगे शुरू कर रहे हैं। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर आपने लास्ट क्लास में कर लिया था और आज सेक्शन 170, 171, 172, ये तीनों बहुत, मैं कहूँगा, इजी सेक्शंस हैं और ये तीनों बहुत ही आसान सेक्शंस हैं जो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, विच वी आर गेटिंग स्टार्टेड। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सेक्शन 173, 174, 175, ये कुछ टेक्निकल सेक्शंस हैं। दे आर सम रियल गुड टेक्निकल सेक्शंस एंड दे आर डीलिंग विद द बोर्ड मीटिंग एंड इंक्लूडिंग द बोर्ड मीटिंग बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और सेक्शन 175 में बात करेंगे रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। तो ये आज के टॉपिक्स हैं हमारे सामने एंड वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप। क्वेरीज, ऑब्वियसली क्वेरीज आई विल टेक व्हेन वी सी ईच अदर इन द नेक्स्ट क्लास। जब हम आमने सामने बैठेंगे तो आई विल टेक ऑल द क्वेरीज विद यू पीपल एंड अभी फिलहाल शुरू करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे वेल फ्रॉम सेक्शन 170, 171 एंड 172। सो वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू जय माता दी एंड लेट अस गेट स्टार्टेड। सेक्शन 170, सबसे पहली चीज जो शुरू करने जा रहे हैं, व्हेन आई एम स्टार्टिंग विद दिस सेक्शन 170। अब एक चीज बोलूंगा, वेल दिस इज पेज नंबर 1.62, एंड गेटिंग ऑन विद दिस सेक्शन 170 में दो बातें हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले सुन ही लीजिए। सेक्शन 170 कहता है कि एवरी कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, एवरी कंपनी, हर कंपनी के दो फर्ज हैं। पहला काम उस कंपनी को क्या करना है कि एक रजिस्टर मेंटेन करना है, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें सारे डायरेक्टर्स के पर्टिकुलर्स लिखने हैं और क्या क्या लिखना है वो नीचे आगे रूल में बताया गया है। और दूसरी तरफ कंपनी में जब भी डायरेक्टर अपॉइंट होता है, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड चेंज होता है, तो ROC के पास DIR 12 फाइल करना है, दैट इज़ रिक्वायर्ड। और सिर्फ डायरेक्टर के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर ऑल KMP की मैनेजियल पर्सन। आप लोगों को याद होगा जब चैप्टर शुरू हुआ था तो हमने KMP की डेफिनेशन की थी, याद है थोड़ा सा, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, द मैनेजर, KMP ओवर देयर। और अगर कंपनी में MD, CEO, द मैनेजर कोई भी ना हो तो होल टाइम डायरेक्टर, प्लस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो CS, तो KMP होगा और CFO भी KMP होगा। आई होप सब लोगों को याद है। देन टॉकिंग अबाउट दिस, वेल आई विल से, तो सेक्शन 170 एक बार देख लेते हैं फटाफट, जस्ट रीड थ्रू दिस विद मी एंड वी से एवरी कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, शेल कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे आर रजिस्टर, एक रजिस्टर मेंटेन करना है, कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड KMP। तो सिर्फ डायरेक्टर के लिए नहीं है, एंड KMP। तो हर कंपनी को, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, उसको अपने रजिस्टर ऑफिस पे एक रजिस्टर मेंटेन करना है जिसमें किसके पर्टिकुलर्स लिखने हैं, नंबर वन सारे डायरेक्टर्स के, होल टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर, ऑल टाइप ऑफ डायरेक्टर्स, एंड नंबर टू KMP के पर्टिकुलर्स लिखने हैं, अलग से स्पेसिफाई करना है कि कौन कौन से व्यक्ति बीच में KMP हैं, प्लस रजिस्टर में ऑब्वियसली कंपनी सेक्रेटरी और CFO के पर्टिकुलर्स भी लिखने पड़ेंगे। एंड देन वी से रजिस्टर विल बी इन सच फॉर्म एज प्रिस्क्राइब्ड, पर्टिकुलर्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स, then which shall include the details of the securities held by each of them in the company, holding company, subsidiary company and आगे भी और companies हैं। तो number one क्या बोल रहे हैं, directors के particulars तो लिखने हैं और उसके साथ साथ वो जो securities hold करते हैं, securities बोले तो
मे बी इक्विटी शेयर्स, मे बी प्रेफरेंस शेयर्स, मे बी डिवेंचर्स, एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ हेल्ड बाई ईच ऑफ देम इन द कंपनी, नंबर वन, नंबर वन कंपनी, नंबर टू होल्डिंग कंपनी, नंबर थ्री सब्सिडरी कंपनी, नंबर फोर सब्सिडरी ऑफ कंपनीज होल्डिंग कंपनी। क्या मतलब हुआ? हमारी कंपनी की होल्डिंग कंपनी की कोई और सब्सिडरी है और जो हमारे यहाँ डायरेक्टर अपॉइंट हुआ वो उस दूसरी सब्सिडरी में होल्ड करता है, ही इज़ होल्डिंग द सिक्योरिटीज़ इन द अदर कंपनी ओवर देयर। एंड देन वी से एसोशिएट कंपनी, वो तो हमने डेफिनेशंस में पढ़ा ही था एसोशिएट कंपनी। तो अब क्या क्या कहानी है कुल मिलाकर? रजिस्टर मेंटेन करना है, रजिस्टर में डायरेक्टर के पर्टिकुलर्स भी चाहिए। और दूसरी तरफ नीचे भी एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं, देन आई पुट दैट इन द चार्ट वाइज फॉर्म। उसके बाद इसको थोड़ा सा चार्ट वाइज फॉर्म में देखेंगे। एक रिटर्न फाइल करनी है आरओसी के पास इन द फॉर्म DIR-12 कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स एंड द डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ऑफ द डायरेक्टर्स एंड KMP एंड शेल बी फाइल टू द ROC विद इन हाउ मच टाइम? शेल बी फाइल टू द ROC विद इन 30 days फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर और KMP एज द केस में बी एंड विद इन 30 days ऑफ एनी चेंज टेकिंग प्लेस। तो जब ये लोग पहली बार अपॉइंट होते हैं कंपनी में, जब फर्स्ट डायरेक्टर कंपनी में पहली बार अपॉइंट हुआ तो भी 30 days में DIR-12 जाएगा, मैक्सिमम 30 days है। वैसे तो कंपनीज इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ही, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जब सारे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं और IN-7 फाइल करते हैं और उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट देते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में DIR-12 तभी फाइल कर देते हैं फर्स्ट डायरेक्टर्स का। लेकिन खैर अगर इस सेक्शन की मान कर चलें तो सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि जब भी कंपनी में डायरेक्टर और KMP अपॉइंट होंगे, कंपनी शेल फाइल टू द ROC DIR-12 विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर और KMP एज द केस मे बी एंड विद इन 30 days ऑफ एनी चेंज टेकिंग प्लेस। तो अगर किसी डायरेक्टर की डेथ हो गई, उसकी जगह नया डायरेक्टर अपॉइंट किया तो DIR-12 फाइल करना है, या कोई डायरेक्टर रिजाइन करके चला गया, या किसी डायरेक्टर का ऑफिस वेकेट हो गया बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, या फिर कंपनी सेक्रेटरी या फिर CFO अगर उनका ऑफिस, अगर वो कोई नया अपॉइंट होता है, पहले वाला रिज़ाइन करके जाता है, नया अपॉइंट होता है, तो DIR-12 हर बार 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 फाइल करना पड़ेगा। और अब एक बार चार्ट वाइज फॉर्म में देख लेते हैं। तो सेक्शन 170 में दो बातें, सेक्शन 170 में दो बातें, सेक्शन 170 हैज़ टू आस्पेक्ट्स। और पहला आस्पेक्ट क्या है? एवरी कंपनी शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड KMP। एवरी कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, शेल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड KMP। और दूसरी तरफ क्या बात कर रहे हैं? सेक्शन 170 सब सेक्शन 2 में एवरी कंपनी शेल फाइल द फॉर्म DIR-12 विद इन 30 days आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ, दिस इज इम्पॉर्टेंट, आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स एंड KMP। तो जब भी कंपनी में पहली बार फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, KMP अपॉइंट होते हैं, तो DIR-12 जाएगा। और कब जाएगा? एंड विद इन 30 days आफ्टर एनी चेंज इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और KMP। जब जब चेंज होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, कॉम्पोजिशन ऑफ डायरेक्टर में, फिर से कहूँगा चेंज होने का मतलब क्या है, कोई डायरेक्टर रिजाइन करके चला गया या किसी की डेथ हो गई या कभी भी नया डायरेक्टर अपॉइंट हो गया तो भी DIR-12 जाएगा। और जब भी कंपनी में पुराना KMP चला गया और नया KMP अपॉइंट हो गया तो भी DIR-12 जाएगा, दैट विल बी देयर। तो जब पहली बार अपॉइंट होंगे फर्स्ट डायरेक्टर या KMP तब भी जाएगा DIR-12, और जब फ्यूचर में कभी चेंज आएगा, दैट ट्राइंगल और डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज, आई होप सबको मालूम है, एग्जाम में डेल्टा नहीं बनाना ऑब्वियसली, बट दैट डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज। सो आई एम रिवर्टिंग बैक वंस अगेन, पहली तरफ वापस आ जाते हैं। एवरी कंपनी शैल मेंटेन द रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड KMP, और ये रजिस्टर कहाँ मेंटेन करना है? रजिस्टर कहाँ मेंटेन करना है? एट रजिस्टर्ड ऑफिस, एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन करना है। और इस रजिस्टर में डायरेक्टर्स के सारे पर्टिकुलर्स लिखने हैं, KMP के सारे पर्टिकुलर्स लिखने हैं एज पर रूल्स। और क्या लिखना है? द सिक्योरिटीज हेल्ड बाय देम। तो पहला तो क्या लिखना है? पर्टिकुलर्स एज पर रूल्स। और दूसरा क्या लिखना है? द डिटेल ऑफ
डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय देम इन विच कंपनी. चार पांच कंपनीज हैं अपनी खुद की कंपनी में जिसमें वो अपॉइंट हो रहे हैं, होल्डिंग कंपनी में, सब्सिडरी कंपनी में, हमारी होल्डिंग कंपनी की कोई और सब्सिडरी है उसमें, और एसोसिएट कंपनी में. पांच कंपनीज में बात हो रही है. द सिक्योरिटीज हेल्ड इन द फाइव कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज. हाँ जी, और दिस इज व्हेन आई टॉक अबाउट कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. तो सेक्शन 170 फाइनली, वंस अगेन आई विल से इट हैज टू एस्पेक्ट्स. एंड आई एम रिपीटिंग दैट सिक्योरिटीज हेल्ड बाय देम कौन कौन सी कंपनी में. अच्छा एक सवाल है यहाँ पर, सिक्योरिटी मतलब क्या ये कहना चाहते हैं, क्या लॉ मेकर ये कहना चाहते हैं कि वो डायरेक्टर अभी डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, या वो KMP अभी KMP अपॉइंट हो रहा है, लेकिन जो शेयर होल्डर वो पहले से है हमारी कंपनी में या होल्डिंग कंपनी में या वट एवर. एंड द आंसर इज येस. तो वो डायरेक्टर तो वो अभी अपॉइंट हो रहा है, शेयर होल्डर वो पहले से है, तो उसकी डिटेल्स. और दूसरी बात ये भी है, अगर वो डायरेक्टर अभी अपॉइंट हो रहा है, शेयर होल्डर पहले से नहीं है, और डायरेक्ट मतलब जिस दिन डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, KMP अपॉइंट हुआ, उस दिन शेयर होल्डर नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कभी अगर वो हमारी कंपनी में सिक्योरिटीज़ एक्वायर करता है, शेयर, डिबेंचर, वट एवर, तो क्या वो उस केस में भी इन्फॉर्म करेगा कंपनी को, और कंपनी उसके पर्टिकुलर्स इस रजिस्टर में एंटर करेगी. एंड द आंसर लुक्स येस. तो मतलब दोनों बातें हो गई, जिस दिन अपॉइंट हो रहा है उस दिन भी अपॉइंटमेंट से पहले ऑलरेडी वो कंपनी में सिक्योरिटी होल्ड करता है, तो उसकी डिटेल्स भी आएंगी यहाँ पर. और अपॉइंट जिस दिन हो रहा है उस दिन सिक्योरिटी होल्ड नहीं करता, लेकिन सिक्योरिटी उसने बाद में एक्वायर की है, तो उसकी डिटेल्स भी इस रजिस्टर में एंटर होंगी. और कंपनीज को कितनी हैं, पाँच कंपनीज. अब पाँच कंपनीज कौन कौन सी हैं. नंबर वन द कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, द कंपनी. नंबर टू कौन सी कंपनी है, एच कंपनी, कहने से होल्डिंग कंपनी. नंबर थ्री कौन सी कंपनी है, एस कंपनी, दैट इज सब्सिडरी कंपनी. नंबर फोर हमारी हमारी होल्डिंग की सब्सी. हिंदी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ यार, बड़ा मुश्किल काम है. दिस इज लेट मी ट्राई. हाँ चलो, चौथी कंपनी तो खैर सीधा सीधा ले लेते हैं. चौथी कंपनी लड़े से एसोसिएट कंपनी, ए कंपनी इज एसोसिएट कंपनी. तो नंबर वन द कंपनी मतलब हमारी कंपनी जिसमें डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, नंबर टू एच कंपनी, नंबर थ्री एस कंपनी, नंबर फोर ए कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सबसी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, और फिर ऐड कर लेते हैं दैट इज हमारी एच कंपनी की, हमारी होल्डिंग कंपनी की, हमारी होल्डिंग कंपनी की कोई और सबसी कंपनी. हमारी होल्डिंग पूरा ही लिख देते हैं यार, हमारी होल्डिंग कंपनी की कोई और सबसी कंपनी. सो डिटेल्स ऑफ व्हाट, डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड ओवर देयर. अब रूल्स की बात आती है अब यहाँ पर, और ऑब्वियसली फिर DIR 12 के बारे में भी बात करेंगे थोड़ी सी, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. तो रूल में रेफर करेंगे तो रूल में पर्टिकुलर्स भी दिए हुए हैं और DIR 12 के बारे में भी है. आई टेल यू वन थिंग, रूल इज़ वेरी सिंपल, सीधा सीधा वो कंटेंट बताए हुए हैं और कुछ भी नहीं बताया, मतलब दिमाग लगाने के लिए कुछ नहीं है, सीधा सीधा लिस्ट पढ़नी है कि कौन से कॉन्टेंट्स देने हैं. सो कैन आई चेंज द स्क्रीन, येस आज तो मेरी मोनोपोली है. तो फिर से कहूँगा सेक्शन में दो बातें हैं, और पहली बात क्या है, एक रजिस्टर मेंटेन करना है, सबसेक्शन वन एक रजिस्टर मेंटेन करना है,
और दूसरी बात क्या है कि जब भी डायरेक्टर अपॉइंट होता है, केएमपी अपॉइंट होता है, तो एक रिटर्न आरओसी के पास फाइल होनी है, एंड दैट रिटर्न इज DIR 12। तो सब सेक्शन वन अलग कहानी है, सब सेक्शन टू अलग कहानी है। अब आगे बढ़ते हैं, रूल की तरफ चलते हैं। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लग रहा है मतलब सेक्शन 170 एग्ज़ाम में आने लायक है नहीं कुछ। ओल्ड कंपनीज एक्ट में ये सेक्शन 303 हुआ करता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जिसको आज हम DIR 12 बोल रहे हैं, ये फॉर्म नंबर 32 हुआ करता था ओल्ड कंपनीज एक्ट में। तो तब भी एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा इंस्टीट्यूट ने, इवन देन इट वॉज नॉट आस्ट। और अभी भी मुझे चांसेस लग नहीं रहेगी एग्जाम ने, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने लायक है। हालांकि दिमाग चलाने लायक दो तीन क्वेश्चन है, मैं सवाल पूछूंगा आपसे बाद में DIR 12 के बारे में, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मैं आपसे। बट आई विल से वो जो भी क्वेश्चन पूछूंगा दे आर मे बी रेलिवेंट फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ, बट दे आर नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम। जस्ट वेट फॉर दैट, थोड़ा सा वेट कीजिए। DIR 12 के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा मैं बाद में। रूल 17 रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड द KMP व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ, तो रजिस्टर के ऊपर सारा फोकस है, रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। एवरी कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी शेल कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस अ रजिस्टर ऑफ इट्स डायरेक्टर्स एंड KMP कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, नेमली नंबर वन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन नंबर। और KMPs के लिए नहीं है डिन नंबर ऑब्वियसली, वेल डिन नंबर इज़ फॉर डायरेक्टर्स ओनली, कंपनी सेक्रेटरी और CFO के लिए नहीं है। देन प्रेजेंट इन द प्रेजेंट नेम एंड द सर नेम इन फुल, द फॉर्मर नेम एंड सर नेम इन फुल, मतलब डायरेक्टर का नाम आज की तारीख में जो है वो पहले नहीं था, पहले नाम कुछ और था, आज नाम कुछ और है। एंड नेम एज वेल एज सर नेम, फादर्स नेम बताना है, मदर्स नेम बताना है, एंड द स्पाउस नेम इफ मैरिड। मतलब हस्बैंड डायरेक्टर बन रहा है तो वाइफ का नाम बताएगा, वाइफ डायरेक्टर बन रही है तो हस्बैंड का नाम बताएगी। दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग हाँ, मतलब अगर शादीशुदा हैं तो स्पाउस का नाम ज़रूर बताइए, एंड सर नेम्स इन फुल ओवर देयर। आजकल तो सर नेम भी डबल डबल हो जाते हैं, कपूर खान, राय बच्चन, सो जो भी है गिव द फुल सर नेम्स। तो फादर्स नेम बताइए, मदर्स नेम बताइए, स्पाउस का नाम बताइए इफ़ मैरिड, और साथ में सर नेम्स बताइए। DOB डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंशियल एड्रेस, प्रेजेंट जो है आजकल वो भी बताइए, और जो परमानेंट है वो भी बताइए। नेशनैलिटी इंडियन और फॉरेन, वेदर अ फॉरेन डायरेक्टर कैन बिकम डायरेक्टर इन द इंडियन कंपनी, आंसर इज येस। तो जो भी नेशनैलिटी है वो बताइए, दैट इज़ रिक्वायर्ड। इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिकल लाइफ में देखने के लिए मिलता है अमेरिका में, क्योंकि सिक्योरिटी इशू बहुत ज़्यादा हैं। एग्ज़ाम में लिखने के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, किसी अमेरिकन डायरेक्टर से कभी आप प्रैक्टिकली डील करेंगे जो अमेरिकन सिटीज़न है और इंडियन कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, उससे उसकी डिटेल्स पूछना बड़ा मुश्किल काम है, और वो अपनी डिटेल्स आसानी से बताते नहीं हैं। पासपोर्ट के ऊपर भी बहुत लिमिटेड डिटेल होती है, एट टाइम्स फादर्स नेम नहीं होता, एट टाइम्स एड्रेस भी नहीं होता अमेरिकन सिटीजन्स के पासपोर्ट पे, सिर्फ उनका सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, और वो उससे ज़्यादा डिस्क्लोज करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो कई बार वो अमेरिकन डायरेक्टर्स को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, और करना पड़ता है अल्टीमेटली हम लोगों को, उनको बताना पड़ता है कि सर आप हमारी इंडियन कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हुए, तो आपको इंडियन लीगल रिक्वायरमेंट्स तो फुलफ़िल करनी पड़ेंगी और अपनी डिटेल्स तो बतानी पड़ेंगी, नहीं तो हम लीगल रिक्वायरमेंट कैसे फुलफ़िल करेंगे। खैर ये सब कुछ एग्ज़ाम के लिए नहीं, अपने खुद की नॉलेज के लिए। देन ऑक्यूपेशन, अगर हमारे यहाँ जो साहब पार्ट टाइम डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, वैसे वो फुल टाइम एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, या फुल टाइम प्रैक्टिसिंग CA CS हैं, तो जो ऑक्यूपेशन है वो बताइए। द डेट ऑफ बोर्ड दर्शन इन विच द अपॉइंटमेंट इज मेड, द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड द री अपॉइंटमेंट इन द कंपनी ओवर द ईयर, सिंपल सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं। डेट ऑफ सेसेशन ऑफ ऑफिस, सेसेशन का मतलब जिस दिन ऑफिस ख़त्म हो गया, रेजिग्नेशन की वजह से या वेकेशन की वजह से या डेथ की वजह से, वट एवर, एंड द रीज़न देयर फॉर। ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ द KMP हेल्ड और रिलिंक्विश्ड ओवर देयर इन द एनी अदर बॉडी कॉरपोरेट, तो अगर वो डायरेक्टर साहब किसी अदर बॉडी कॉरपोरेट में, और बॉडी कॉरपोरेट का मतलब मे बी इन इंडिया, मे बी आउट इंडिया, मे बी इंडियन कंपनी, मे बी फॉरन कंपनी, अगर वो जो हमारे यहाँ डायरेक्टर हैं वो किसी फॉरन कंपनी में या इंडियन कंपनी में, अदर कंपनी में भी डायरेक्टर हैं या KMP हैं, तो जो ऑफिस वो होल्ड कर रहे हैं उस कंपनी का नाम, उस कंपनी के पर्टिकुलर्स, और वहाँ कौन सा ऑफिस होल्ड कर रहे हैं एज KMP एज डायरेक्टर, वो सारी डिटेल्स उनको बतानी है। या अगर उन्होंने वो ऑफिस रिलिंक्विश किया है, रिलिंक्विश किया है मतलब रिज़ाइन कर दिया, छोड़ दिया, तो उसकी डिटेल्स भी, मतलब जहाँ पर वो पहले डायरेक्टर रहे हैं वो डिटेल्स भी उनको यहाँ पर बतानी है सारी। मेंबरशिप नंबर ऑफ द ICSI इन केस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, वेल दैट इज़ ऑब्वियसली एप्लीकेबल। तो जो कंपनी में CS अपॉइंट हो रहे हैं उनको अपना
मेंबरशिप नंबर ACS या FCS नंबर डिस्क्लोज करना है, एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी और फेलो कंपनी सेक्रेटरी एज द केस में भी. नाउ इन माई केस माई FCS नंबर 5791, जस्ट फॉर कंफर्मेशन फॉर रिकॉर्ड. नाउ परमानेंट अकाउंट नंबर, व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ मैंडेटरी फॉर द KMP इफ नॉट हैविंग अ डिन ओवर देयर. सो वी से पैन नंबर देना है उन लोगों को जिन वेल उन KMPs को जिनके पास डिन नहीं है. तो CEO ऑफ द कंपनी इफ नॉट हैविंग डिन, और CFO ऑफ द कंपनी ऑब्वियसली इन दैट केस अगर उनके पास कोई डिन नहीं है, उन्होंने डिन ऑप्टेन नहीं किया हो, तो उनको अपना वेल पैन नंबर बताना है. लेकिन जो हमारी कंपनी में CFO हैं, अगर वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर हैं और डिन है उनके पास, तो वो डिन ही बताएंगे. लेकिन हमारी कंपनी में CFO हैं और कहीं भी डायरेक्टर नहीं है और उनके पास डिन भी नहीं है, तो पैन नंबर. In addition to the details of the director or the KMP, the company shall also include in the aforesaid register the details of the securities held by them in five companies. Number one, the company, जिसमें director appoint हो रहे हैं. Number two, holding company. Number three, subsidiary company. Number four, subsidiary of holding company, हमारी company की other subsidiary company. And number five is associate company. और उन securities के बारे में क्या क्या detail हैं, A, B, C, D, E, F. अब ये मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि exam में आएगा. And I tell you one thing, ये जो ABCDEFG है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ एज होमवर्क, क्योंकि मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस. तो प्लीज़ 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 डू रीड इट योरसेल्फ. कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिए, लेकिन ये बात सच है प्रॉब्लम के लायक कुछ है नहीं और एग्ज़ाम के लिए भी रेलिवेंट नहीं है. तो यहाँ मैं कहूँगा रूल 17 ख़त्म हो जाता है. रूल 18 में कुछ है ही नहीं. रूल 18 बिना पढ़े आपको ऑलरेडी मालूम है. DIR 12 जाएगा और कितने दिनों में जाएगा, विद इन 30 days from the date of first appointment of director KMP as well as within 30 days after the change in the composition of board of director or change in the KMP. एक सवाल अब यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ आपसे. When we say within 30 days from the date of appointment or 30 days of any change in the directors or in the KMPs. हमारी कंपनी में additional director appoint हुआ था. Mr. Z was appointed as additional director in the board meeting. Tenure कब तक है? अप टू नेक्स्ट AGM. नेक्स्ट AGM में वो रोटेशनल डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है. क्या कैंडिडेचर देना पड़ेगा? 1 लाख रुपीज़ देने पड़ेंगे. येस, कैंडिडेचर दिया, 1 लाख रुपीज़ दिए और अपॉइंट हो गया. अपॉइंट होने के बाद अब उसका स्टेटस चेंज हो गया, वो रोटेशनल डायरेक्टर हो गया कंपनी में. पहले एडिशनल डायरेक्टर था, अब AGM के कमेंसमेंट पे रिटायर हुआ और साथ साथ रोटेशनल डायरेक्टर बन गया. क्या इसको हम कहेंगे कि देर इज़ अ चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? Is it a change in the composition of board of director? की आदमी वही है, मिस्टर जेड. और देखा जाए तो मतलब वही पहले भी बोर्ड मीटिंग में बैठता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आज भी वही बैठ रहा है, लेकिन उसकी नेचर ऑफ डायरेक्टरशिप चेंज हो गई है. तो पहले एडिशनल डायरेक्टर था और अब वो रेगुलर डायरेक्टर हो गया कंपनी में. तो इज इट अ चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? एंड द आंसर इज येस. आंसर इज येस. तो क्या इसका भी DIR 12 देना पड़ेगा? येस. अगर लाइकवाइज अगर मैं कहूं कि कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है और वो मैनेजिंग डायरेक्टर कहता है कि मैं MD-ship की पोस्ट से रिज़ाइन कर रहा हूं और मैं एज ऑर्डिनरी डायरेक्टर कंपनी में कंटिन्यू करूंगा, मेरा टेन्योर था 5 साल एज MD, लेकिन मैं MD-ship बीच में ही छोड़ रहा हूं, आई एम रिज़ाइनिंग और एज डायरेक्टर आई विल कंटिन्यू, मैं अपनी सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट छोड़ रहा हूं. सो इज़ इट अ चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? की जो व्यक्ति कल तक MD था अब वो MD नहीं रहा. एंड द आंसर इज़ येस. लेकिन वो डायरेक्टर अभी भी और वो आज भी कंपनी में कॉन्टिन्यूड है, तो क्या इस बात का भी DIR 12 जाना चाहिए? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या जाना चाहिए? एंड द आंसर इज येस, जाना चाहिए. तो मतलब इट्स नॉट ओनली कि जब कोई नया अपॉइंट होकर आता है या जब कोई एग्जिस्टिंग अपॉइंट जो अपॉइंटेड है वो रिज़ाइन करके जाता है या ऑफिस वेकेट करके जाता है तभी DIR 12 है. वेन एवर देर इज एनी चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो DIR 12 जाना चाहिए. वन लास्ट पॉइंट, रोटेशनल डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं और वो रोटेशनल डायरेक्टर वापस रीअपॉइंट हो रहे हैं और कोई नया अपॉइंट नहीं हो रहा, तो जितने डायरेक्टर पहले थे कंपनी में उतने अब भी हैं. एनुअल जनरल मीटिंग में जो जो रिटायर हुए वो सारे रीअपॉइंट हो गए और कोई नया अपॉइंट नहीं हुआ, तो कोई चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं हुआ, तो क्या इसमें भी DIR 12 जाएगा? एंड द आंसर इज नो, इस केस में DIR 12 नहीं जाएगा. लेकिन ये सारी बातें एग्जाम में कभी नहीं आई, कभी भी नहीं पूछी गई, नेवर इन द एग्जाम. तो अपनी खुद की नॉलेज के लिए है, नॉट फॉर एग्जाम, नॉट फॉर एग्जाम, नॉट फॉर एग्जाम. एंड सेक्शन 171, तो प्रोफेशनल लाइफ में बात ये सारी बातें काम आ जाती हैं कहीं ना कहीं. सेक्शन 171 भी बड़ा सीधा सीधा सेक्शन है, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है. कंपनी में जो आप रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं सेक्शन 170 में,
रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड KMP, कोई भी मेंबर आकर इंस्पेक्ट कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, इस रजिस्टर की कॉपीज मांग सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कंपनी को वो कॉपी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इन 30 डेज। तो मैं कहूँगा सेक्शन 170 जो अभी कर लिया, ख़त्म किया, और ये जो 171 है, ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं। और मैं तो कहूँगा दो सेक्शंस दो नहीं है, एक ही हैं, एक ही कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 170 में आप रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं और 171 में आप उस रजिस्टर की इंस्पेक्शन की बातें कर रहे हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं, द रजिस्टर केप्ट इन सेक्शन 170 सबसेक्शन 1, और इसको मैं कहूँगा, इस रजिस्टर को नाम दूंगा रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड KMP। दिस रजिस्टर शैल बी केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर्स बोले तो 9 to 6, और कॉल सेंटर कंपनी भी है तो भी मैं कहूँगा 9 to 6। कॉल सेंटर कंपनी में 24 घंटे नहीं है बिजनेस आवर्स, वो ठीक है, वो कॉल सेंटर कंपनी में रात को 1 बजे 2 बजे भी वो जो कॉल सेंटर सीट्स पे बैठे हैं और कॉलिंग चल रही है, टेली कॉलिंग, फ़ोन कॉलिंग चल रही है, दैट इज़ देयर। बट द पॉइंट इज़ कि जो कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट है, जो कंपनी का अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, जो कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो भी सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट है, दे आर वर्किंग स्टैंडर्ड बिजनेस आवर्स 9 o'clock to 6 o'clock। तो यहाँ पर भी बिजनेस आवर्स का मतलब इस 9 AM to 6 o'clock रफली मानकर चलते हैं। तो ये जो रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर है इज़ ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स एंड द मेंबर्स हैव द राइट टू टेक द एक्सट्रैक्ट। मेंबर चाहें तो बीच में अपनी खुद की हैंड राइटिंग में एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, मतलब एक मेंबर अपना रजिस्टर अपनी कॉपी पेन लेकर आया है और वो लिखकर बीच में से कुछ ले जाना चाहता है एक्सट्रैक्ट, तो ले जा सकता है देयर फ्रॉम। एंड मेंबर प्रिंटेड कॉपी डिमांड कर सकते हैं, मेंबर फोटोकॉपीज डिमांड कर सकते हैं ऑन द रिक्वेस्ट मेड बाय द मेंबर, और कंपनी को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कंपनी शैल प्रोवाइड इट टू देम फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन 30 डेज। तो मेंबर बीच में से कुछ थोड़ा बहुत लिख कर ले जाना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, मेंबर अगर प्रिंटेड कॉपी डिमांड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कंपनी विल प्रोवाइड इन 30 डेज। द रजिस्टर वी आर सेइंग दिस रजिस्टर शैल ऑल्सो बी केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन एट एवरी AGM। एनुअल जनरल मीटिंग में जहाँ पर जिस भी ऑडिटोरियम में AGM हो रही है या जिस भी जगह पर AGM हो रही है, वहाँ पर ये रजिस्टर ओपन रखा जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन। और अगर कंपनी सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में मेंटेन कर रही है तो मे बी वहाँ पर एक लैपटॉप रखा जा सकता है एक तरफ रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से, कि कोई भी आकर यहाँ इंस्पेक्ट करना चाहे तो कर सकता है। तो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ये एक तरफ एक कॉर्नर पर रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स मेंटेन होगा एंड शैल बी एक्सेसिबल, जो एक्सेसिबल होना चाहिए टू एनी पर्सन अटेंडिंग द मीटिंग। तो हु इज़ द पर्सन अटेंडिंग द मीटिंग? इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रॉक्सी, क्या सबके लिए एक्सेसिबल है, स्टैचुटरी ऑडिटर, एनीबडी हु इज़ अटेंडिंग द मीटिंग? आंसर इज यस 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 यस। इक्विटी शेयर होल्डर यस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर यस, मेंबर्स, ऑल टाइप ऑफ मेंबर्स, चाहे उनके पास वोटिंग राइट है या नहीं है, प्रॉक्सी यस, तो सभी के लिए इट शैल बी मेंटेन एक्सेसिबल टू एवरी पर्सन, कोई भी आकर AGM में इंस्पेक्ट कर सकता है। तो क्लॉज ए में सिर्फ मेंबर्स हैं, मेंबर्स बोले तो दोनों, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दोनों, क्लॉज ए में सिर्फ मेंबर्स हैं, लेकिन क्लॉज बी में मेंबर्स भी हैं और मेंबर्स के अलावा प्रॉक्सी भी हैं, अदर पर्सन भी हैं, जो भी एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं वो लोग रजिस्टर इंस्पेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 171 सबसेक्शन 2, अगर कंपनी मना करती है किसी भी चीज़ के लिए, अगर कंपनी मना करती है इंस्पेक्शन के लिए, कंपनी मना करती है एक्सट्रैक्ट्स नहीं लेने देंगे, कॉपी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो उस केस में जो भी कंसर्न पर्सन है, एग्रीड पर्सन है, मेंबर और वट एवर, कैन फाइल द कंप्लेंट टू द ROC, कैन फाइल द कंप्लेंट टू द ROC की सर कंपनी ने इंस्पेक्शन करने के लिए मना कर दिया, कंपनी ने 30 डेज में कॉपी प्रोवाइड नहीं की, और उसके बाद ROC विल पास द ऑर्डर टू द कंपनी कि इंस्पेक्शन अलाउ करो या कॉपीज प्रोवाइड करो, तो कंपनी को इंस्पेक्शन अलाउ करना पड़ेगा, कंपनी को कॉपीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। सो दिस इज सेक्शन 171 सबसेक्शन 2 ओवर हेयर। और मैं कहूँगा अब वो सेक्शन जो हम कई बार पहले भी रेफर कर चुके हैं, तो पेज नंबर 1.64 ऑन द टॉप। इस पूरे चैप्टर 11 में जितना भी अभी तक आपने पढ़ा, ऑल 64 पेजेस, या इससे पहले वाले कहना चाहिए 63 पेजेस, इस पूरे चैप्टर 11 में अगर आप कोई कॉन्ट्रावेंशन करते हैं, कंपनी कोई कॉन्ट्रावेंशन करती है और उस कॉन्ट्रावेंशन का फाइन उस सेक्शन में वहां पर नहीं दिया गया था, तो उस केस में सेक्शन 172 का फाइन अप्लाई होगा।
उस पर्टिकुलर सेक्शन में कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं बताई गई थी, तो 172 अप्लाई होगा। और इस केस में कंपनी को भी और एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन की थी शुरू शुरू में, पेज नंबर 1.5 शुरू शुरू में जब हमने चैप्टर शुरू किया था, तो उस केस में कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट सबके लिए मिनिमम फाइन 50,000 एंड मैक्सिमम फाइन 5 लाख। लेकिन उस जिस सेक्शन को आपने कॉन्ट्रावीन किया था, अगर उस सेक्शन में उस सेक्शन की कॉन्ट्रावेंशन का फाइन पहले से गिवन है और कॉन्सिक्वेंसेस पहले से गिवन है, तो वही अप्लाई होगा जो उस सेक्शन में ऑलरेडी पहले से गिवन है। फिर उस केस में ये सेक्शन 172 अप्लाई नहीं होगा। आई रिपीट दैट, तो अब दो बातें हो गई, आपने जो सेक्शन कॉन्ट्रावीन किया उस सेक्शन में उस सेक्शन का फाइन ऑलरेडी पहले से गिवन है, तो वही अप्लाई होगा जो वहाँ ऑलरेडी पहले से गिवन है। एंड नाउ आई विल से, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि आप ऐसा सेक्शन कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं कोई भी 149 से लेकर 171 के बीच में जिसको कॉन्ट्रावीन करने का फाइन वहाँ पर गिवन नहीं है, तो फिर देन यू हैव टू पे द फाइन एज पर 172 एंड दिस इज मिनिमम 50,000 मैक्सिमम 5 लाख। और फाइनली फाइनली अब इस स्टेज पे आकर हम कह सकते हैं कि हमारा चैप्टर 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंप्लीट हो गया। तो सेक्शन 149 से लेकर 172 का ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो जाता है और एक बड़ा काम हमने ख़त्म कर लिया, जिसमें हमने बहुत तरीके के अपॉइंटमेंट्स भी कर लिए और साथ में डिसक्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस, डिसक्वालिफिकेशंस के बारे में भी डिस्कस कर लिया। सो फाइनली वेल आई विल से द बिग ब्लॉक 149 टू 172 इज कंप्लीट। और अब इससे पहले कि आगे बढ़े, वेल आगे जाएं, एक आपको रीकैप देना चाहता हूँ। जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वेरी फर्स्ट क्लास, उस वक्त भी हमने बात की थी कि लॉ मेकर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो चैप्टर 11 इज नाउ कंप्लीट। ये टेबल आपने शुरू शुरू में बनाई थी जब आपने चैप्टर शुरू किया था, तो उस दिन भी ये टेबल आपके सामने स्क्रीन पे थी और ये टेबल आपने बनाई थी। तो सेक्शन 149 टू 172 इज कंप्लीट। और इसके साथ साथ हमने कर लिया कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014, फॉर्म सीरीज वाज DIR। अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं, नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 12। नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 12। और चैप्टर 12 में जो हमें करना है सेक्शन 173 टू 195 एंड दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 22 सेक्शंस जो हमें यहाँ पर कवर करने हैं। और इसके अंदर जो हमें रूल्स पढ़ने हैं, वो रूल्स का नाम क्या है, कंपनीज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। तो दो बातें हैं, दो बातें क्या हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स किस प्रकार से होंगी, फिजिकल बोर्ड मीटिंग्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैसे होंगी, और दूसरा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अलग अलग पावर्स। बोर्ड मीटिंग के लिए सही बोलूं तो 2-3 सेक्शन ही है, 173, 174, 175 कहानी खत्म हो जाती है, और 175 तो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन है। उसके बाद 176 से आगे जब हम बढ़ते हैं 176 टू 195, वो सारे के सारे सेक्शंस कहीं ना कहीं दे आर पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बीच में ऑडिट कमेटी भी आएगा सेक्शन 177 में एंड ऑल दैट इज कमिंग। तो अब दो बातें हैं जिनके ऊपर फोकस है, पहला मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो फॉर्म सीरीज है MBP। ये MBP कैसे बना, MBP तो MB इज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड P इज पावर्स ओवर देयर। तो MBP सीरीज़ है और आगे हम MBP 1, MBP 2 सब कुछ देखेंगे आगे इस स्ट्रक्चर के अंदर आते हुए। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आज तो अभी हमारा फोकस एरिया इज़ 173, 174, 175, ये आज हमारा फोकस एरिया है। लेकिन इस पोर्शन में जो सबसे डेंजरस सेक्शन माने जाते हैं, प्रोविजन माने जाते हैं, और जहाँ पर कॉरपोरेट सेक्टर बहुत परेशान है आजकल, और कहना चाहिए कॉरपोरेट सेक्टर में आग लगी हुई है आजकल, वो सेक्शंस जो हैं 3-4 सेक्शंस जहाँ बहुत मेहनत होती है, सेक्शन 184, 185, 186, 188 एंड 188 इज दैट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन।
ये एरिया मैं कहूँगा दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर कॉरपोरेट सेक्टर दीज डेज, जहाँ कॉरपोरेट सेक्टर में आजकल बहुत कंसल्टेंसी मांगी जा रही है और बहुत कुछ डिस्कशन चल रहा है गोइंग ऑन ऑल ओवर इंडिया। लेकिन आज आज हम उन चार सेक्शंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। राइट नाउ आवर फर्स्ट फोकस इज सेक्शन 173, 174 एंड 175। और अब मैं कहूँगा अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ा दीजिए, क्योंकि जो अभी तक किया दैट वॉज लड्डू लॉलीपॉप, लेकिन अब जो करने जा रहे हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं ये नहीं कहूँगा मुश्किल है, मुश्किल तो नहीं है 173, लेकिन टेक्निकली ध्यान से सुनने वाली बातें हैं, टेक्निकली ध्यान से सुनने वाली बातें हैं और क्वाइट रेलिवेंट फॉर एग्जाम, द एग्जामिनेशन पॉइंट भी से काफ़ी काफ़ी रेलिवेंट हो जाता है। नाउ व्हेन वी आर गेटिंग स्टार्टेड, थोड़ा बहुत जो है इसको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा टॉपिक को समथिंग लाइक दिस। जो बोल रहा हूँ अभी वो सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दीज सेक्शंस। तो आज तीन सेक्शंस हैं हमारे पास और अभी सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग सेक्शन 173 कहता है, पहली बात, एक साल में चार बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी, या ओपीसी कंपनी में भी अगर दो डायरेक्टर हैं, दो से ज़्यादा डायरेक्टर हैं, तो उस केस में भी ओपीसी कंपनी में भी एक साल में, वेल रादर ओपीसी कंपनी के लिए तो प्रोविजन अलग है, ओपीसी कंपनी में दो मीटिंग्स चाहिए एक साल में, लेकिन नॉर्मली प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, मिनिमम मिनिमम फोर बोर्ड मीटिंग्स इन वन कैलेंडर ईयर। ओपीसी कंपनी है, वन पर्सन कंपनी है, हैविंग टू और मोर डायरेक्टर्स, हैविंग टू और मोर डायरेक्टर्स, तो मिनिमम टू बोर्ड मीटिंग्स इन वन कैलेंडर ईयर। सेक्शन 173 में सब लिखा है, आगे प्लीज़ लिखना नहीं, प्लीज़ कुछ भी, प्लीज़ 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 डोंट राइट एनीथिंग, सब कुछ 173 में लिखा हुआ है। तो पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है तो एक साल में कम से कम चार बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, मैक्सिमम देर इज़ नो लिमिट, आप कितनी भी करवाओ। अब प्राइवेट कंपनी है, दो शेयर होल्डर हैं लाला और लाली, और वही दोनों दो डायरेक्टर भी हैं कंपनी में, तो अब लाला लाली सुबह उठते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं तो बोर्ड मीटिंग है, रात को डिनर करने के लिए बैठते हैं तो बोर्ड मीटिंग है, लंच करने के लिए कभी इकट्ठे बैठ गए तो बोर्ड मीटिंग है, सिर्फ उन दिनों में बोर्ड मीटिंग नहीं हो रही जब लाली मायके गई हुई है, और मायके से बुलाने का बहाना है लाली को, अगर लाला जी मिस कर रहे हैं तो बोल सकते हैं कि लाली आई एम नॉट मिसिंग यू बट आई वॉन्ट यू टू कम हेयर फॉर अ बोर्ड मीटिंग, सेंड द नोटिस। सो आई विल से मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है, सुबह शाम आप दो बोर्ड मीटिंग कर लो कोई बात नहीं रोज़ की, वेल और एक साल में आप 700 बोर्ड मीटिंग कर लो, देर इज़ नो लिमिट, बट द पॉइंट इज़ येस, वेल मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ फोर बोर्ड मीटिंग्स। और साथ में एक चीज़ ज़रूर बोली है, दो कॉन्सिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स के बीच में टाइम गैप 120 डेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी, टू आगे सेक्शन में लिखा है, फिर से बोल रहा हूँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, टू कॉन्सिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स में टाइम गैप इज़ मैक्सिमम 120 डेज ओवर द ईयर, मैक्सिमम 120 दिन। और ओपीसी कंपनी में कहते हैं दो बोर्ड मीटिंग्स के टाइम के बीच में टाइम गैप इज मिनिमम 90 डेज, तो पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी द टाइम गैप इज मैक्सिमम 120 डेज, और ओपीसी कंपनी के केस में द टाइम गैप इज मिनिमम 90 डेज। एक छोटा सा सवाल और है यहाँ पर, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग किसको देंगे, सारे डायरेक्टर्स को देंगे या जो डायरेक्टर्स इंडिया में रहते हैं उनको देंगे और जो फॉरेन में रहते हैं उनको नहीं देंगे या सबको देंगे। अगर कोई डायरेक्टर वेल फॉरेन कंट्री में रहता है, हमें मालूम है कि उसका फॉरेन एड्रेस क्या है, तो क्या वहाँ पर भी नोटिस जाना चाहिए बाय पोस्ट, एंड द आंसर इज़ येस। एक चीज़ यहाँ स्पेशली बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ओल्ड कंपनीज एक्ट में सेक्शन 286 नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग में लिखा था कि नोटिस जो है डायरेक्टर्स को इंडियन एड्रेस पे दिया जाएगा और फॉरेन एड्रेस पे नहीं दिया जाएगा, तो अगर कोई किसी डायरेक्टर का इंडिया में कोई एड्रेस नहीं है तो उसको नोटिस नहीं जा रहा है, ये चीज़ बड़ी अजीब सी थी। वेल सेक्शन 286 ऑफ द ओल्ड कंपनीज एक्ट कि द डायरेक्टर विल बी गिवन द नोटिस ओनली एट एट द एड्रेस, यूजुअल एड्रेस इन इंडिया, दैट वॉज द वर्डिंग इन द ओल्ड कंपनीज एक्ट सेक्शन 286। न्यू कंपनीज एक्ट में ये अच्छा काम किया है इन्होंने,
दैट इज़ कि नोटिस विल बी गिवन टू द डायरेक्टर एट हिज रजिस्टर्ड एड्रेस, जो एड्रेस उसने कंपनी को बताया है, जो कंपनी के पास रजिस्टर करवाया है, नोटिस देंगे, चाहे वो एड्रेस इंडिया में हो चाहे वो एड्रेस इंडिया के बाहर हो, नोटिस तो डेफिनेटली जाएगा। और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड ईमेल भी भेज ही सकते हैं, ऑब्वियसली दैट इज़ जो ओल्ड कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा था वो न्यू एक कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। तो सेक्शन 173 में फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग भी है और सेक्शन 173 में नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग भी है। और एक चीज़ भी लिखी है साथ में, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए सिर्फ एक लाइन बोलूँगा यहाँ पर, कम से कम 7 डेज एडवांस नोटिस देना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड मीटिंग से पहले, सेक्शन में लिखा है। तो आगे इसकी डिटेल में और बात करेंगे। ओल्ड कंपनीज एक्ट में देर वॉज नो टाइम लिमिट कि कितना टाइम पहले नोटिस जाना चाहिए, लेकिन न्यू कंपनीज एक्ट में दे हैव गिवन इट दैट नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग शैल बी गिवन टू ऑल डायरेक्टर्स एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द बोर्ड मीटिंग। बाकी डिटेल के लिए इंतजार कीजिए, आई विल कम बैक फॉर दिस। सेक्शन 174 सेकेंड सेक्शन, कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग। नाउ दिस इज अ टेक्निकल सेक्शन, इस सेक्शन में दिमाग लगाने के लिए वाकई कुछ है। कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग, पहले कोरम को डिफाइन कैसे करेंगे? कोरम इज मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। कोरम मीन्स, तो डेफिनेशन, कोरम मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड टू कन्वीन द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग करने के लिए कम से कम कितने डायरेक्टर चाहिए, कितने डायरेक्टर आवश्यक हैं, कितने डायरेक्टर कंपलसरी हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड टू कन्वीन द बोर्ड मीटिंग ओवर देयर। अब कितने डायरेक्टर चाहिए कोरम के लिए, हाउ मेनी डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, हमारी पहले बात हुई है पिछली क्लासेस में, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दैट टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का 1/3। 1/3 और 1/3 करते हुए कोई फ्रैक्शन आ जाए तो फ्रैक्शन शेल बी राउंडेड ऑफ टू द हायर नंबर ओवर देयर, और टू डायरेक्टर्स, अब 1/3 और टू विच एवर इज हायर। तो मैंने एक एग्जाम्पल पहले भी लिया था, आज रिपीट कर रहा हूँ। अगर कंपनी में टोटल 10 डायरेक्टर्स हैं तो 10 का 1/3 इज 3.33 और 3.33 इज 4, तो 4 और 2 विच एवर इज हायर। तो कंपनी में अगर 10 डायरेक्टर हैं तो 10 में से कम से कम 4 तो प्रेजेंट होने चाहिए। अगर 10 में से सिर्फ 3 प्रेजेंट हैं, 10 में से सिर्फ 2 प्रेजेंट हैं, तो बोर्ड मीटिंग हो ही नहीं सकती। कम से कम 4 तो आने ही चाहिए तो ही बोर्ड मीटिंग हो पाएगी, वरना बोर्ड मीटिंग नहीं हो पाएगी। तो कोरम इज सिंपल ओवर देयर। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनीज, सर डीलिंग विद द सर्कुलेशन एंड इट इज नॉट बोर्ड मीटिंग। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी। अब ये छोटी सी मुंह दिखाई थी, अभी टॉपिक तो हमने शुरू नहीं किया, टॉपिक तो अब हम शुरू करेंगे, तो वो तो सिर्फ सेक्शंस का इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ले रहे थे, रियल टॉपिक तो अभी स्टार्ट होना है।
और जब हम रियल टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि अब लेट अस रेफर टू यूनिट टू, पहले कवर पेज ही देख लें एक बार। और याद रखिएगा अब जो शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है, दैट इज़ चैप्टर 12, चैप्टर 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट सेक्शन 173 टू 195। लेकिन अभी हमारा फोकस एरिया सिर्फ 173, 174, 175। सो गेटिंग स्टार्टेड, नाउ एज पर कंपनीज एक्ट, अच्छा ये यूनिट टू का कवर पेज भी देख लीजिए। नाउ यूनिट टू द कवर पेज एंड इट सेज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अभी सिलेक्टेड तीन सेक्शन कर रहे हैं, 173, 174, 175, बाकी सेक्शंस ऑब्वियसली धीरे धीरे आगे करते रहेंगे। एंड रूल्स का नाम कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स 2014 फॉर्म सीरीज MBP 1। तो फाइनली गेटिंग स्टार्टेड विद द यूनिट टू ओवर देयर। नाउ पेज नंबर 2.1, और सबसे पहली चीज अभी इंट्रोडक्शन है, अभी मैं कोई सेक्शन आपको शुरू नहीं करवा रहा हूँ, बट दिस इज सिंपली एन इंट्रोडक्शन हैपनिंग हियर। कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास दो ऑप्शंस हैं रेजोल्यूशंस पास करने के लिए। देर आर टू ऑप्शंस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर पासिंग देयर रेजोल्यूशन। पहला तरीका है बोर्ड मीटिंग करवाएं, चाहे फिजिकल बोर्ड मीटिंग या बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एंड पास द रेजोल्यूशन देयर एट, और वहाँ पर बैठकर रेजोल्यूशन पास करें। और दूसरा तरीका है थ्रू द रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन अंडर सेक्शन 175। बोर्ड मीटिंग ना करवाएं, अपने घर बैठे बैठे रेजोल्यूशन पास करें, आइदर आल से मतलब दैट इज सिंपली बाय पोस्ट उनके घर रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन भेज दिया जाएगा और टिक क्रॉस लगाकर साइन करके वापस दे देंगे। और इस केस में कोई आर्ग्यूमेंट्स आमने सामने बैठ कर नहीं होंगे, किसी तरीके की कोई डिस्कशन नहीं होगा किसी भी तरीके का। सो डायरेक्टर्स के पास रेजोल्यूशन पास करने के दो तरीके हैं, लेकिन किंतु परंतु हाउ एवर द 19 बिजनेस और द 19 रेजोल्यूशंस विच आर गिवन इन सेक्शन 179 सबसेक्शन 3, जो हम आने वाली क्लासेस में करेंगे, 19 बिजनेस और द 19 रेजोल्यूशंस गिवन इन सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 रेड विद द रूल्स MBP रूल्स हैव टू बी ट्रांजेक्टेड इन द बोर्ड मीटिंग ओनली एंड नॉट बाय रेजोल्यूशन। तो 19 बिजनेस की एक लिस्ट दे दी है, 19 रेजोल्यूशंस की एक लिस्ट दे दी है, ये काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, ये 19 रेजोल्यूशंस, लेकिन ये 19 रेजोल्यूशंस बोर्ड मीटिंग में बैठकर पास करेंगे, अपने घर बैठे बैठे रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से पास नहीं करेंगे। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, सो आई विल से देयर इज अ लिस्ट ऑफ 19 बिजनेस विच विल बी ट्रांजेक्टेड इन द बोर्ड मीटिंग ओनली एंड नॉट बाय रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। नाउ वी से द लिस्ट ऑफ 19 बिजनेस गिवन इन सेक्शन 179 इज इंक्लूसिव, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। उसके अलावा भी देर आर फ्यू अदर सेक्शन इन द कंपनीज एक्ट विच ऑल्सो रिक्वायर द सब्जेक्ट मैटर कंटेन्ड इन द सच सेक्शन शेल बी ट्रांजेक्टेड इन द बोर्ड मीटिंग ओनली एंड नॉट बाई रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। तो वेल अभी कहानी ये है, फॉर एग्जाम्पल हमने पहले पढ़ा अभी लास्ट टू लास्ट क्लास में, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन द कैजुअल वैकेंसी, अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर इन द कैजुअल वैकेंसी सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 शेल बी डन इन द बोर्ड मीटिंग ओनली एंड नॉट बाय रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। तो 179 में तो उन्होंने लंबी सी लिस्ट दे दी है 19 आइटम्स की, 179 सेक्शन 179 रेड विद द रूल्स टोटल 19 आइटम्स। 179 में पूरी 19 आइटम्स नहीं है, 179 में कुछ 10 आइटम दिए हैं, फिर उसके साथ जो जुड़े हुए रूल्स हैं उसमें 9 आइटम और दिए हैं, तो 10 + 9 बिकम्स 19 आइटम्स। लेकिन उन 19 आइटम्स के अलावा, उन 19 आइटम्स के अलावा भी कंपनीज एक्ट में और सेक्शन है जगह जगह, और जहाँ पर बोर्ड मीटिंग ज़रूरी है, एंड फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन द कैजुअल वैकेंसी। तो लिस्ट इज इंक्लूसिव, द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, द लिस्ट इज इंक्लूसिव। देन गोइंग ऑन फर्दर, एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है अभी यहाँ पर,
इन जनरल, अब ध्यान से सुनिएगा, एक अलग कहानी है, इन जनरल ऑल बोर्ड रेजोल्यूशंस आर पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी. सिंपल मेजॉरिटी बोले तो वो कंपनी में 15 डायरेक्टर बैठे हैं, 15 में से 8 फेवर में हैं, 7 अगेंस्ट में हैं, 8:7 मेजॉरिटी रेजोल्यूशन पास, रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजॉरिटी. तो नॉर्मली साधारणतः, साधारण तौर पर ऑल बोर्ड रेजोल्यूशंस आर पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी प्रेजेंट इन द बोर्ड मीटिंग. लेकिन कंपनीज एक्ट में दो सेक्शंस ऐसे हैं जहां पर कहा गया है यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए. दो सेक्शंस, और पहला सेक्शन कौन सा है, 186 सबसेक्शन 5, और दूसरा है 203 सबसेक्शन 3. यहां पर कहते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन शैल बी पास्ड यूनानिमसली, और यूनानिमसली का मतलब विद द एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, विद द एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द बोर्ड मीटिंग, विद द एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द बोर्ड मीटिंग. जो डायरेक्टर एबसेंट है उसकी हमें परवाह नहीं है, इग्नोर करो, उसको इग्नोर करो, लेकिन जितने आए हैं, जितने बैठे हैं, उन सबकी कंसेंट चाहिए. तो अगर मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी में टोटल 10 डायरेक्टर हैं, कंपनी में टोटल 10 डायरेक्टर हैं, 10 में से 7 प्रेजेंट हैं, 3 एबसेंट हैं. तो जो 7 प्रेजेंट हैं उन 7 की एक्सप्रेस कंसेंट चाहिए, ऑल 7 वोटिंग इन फेवर. इफ 6 आर इन फेवर 1 अगेंस्ट, रेजोल्यूशन फेल. 6 आर इन फेवर 1 साइलेंट, 6 आर इन फेवर, 6 फेवर में वोट कर रहे हैं, 1 चुप है, साइलेंट है, तो पास या फेल? आंसर इज फेल. ऑल 7 शेल वोट इन फेवर. कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स, और साथ में लिखा हुआ है एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स हुआ प्रेजेंट. तो सबकी एक्सप्रेस कंसेंट चाहिए, किसी की साइलेंट कंसेंट नहीं चाहिए, किसी की इम्प्लाइड कंसेंट, डीम्ड कंसेंट नहीं चाहिए. क्या चाहिए? वी नीड द एक्सप्रेस कंसेंट ओवर हेयर. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो थोड़ा सा ये भी जान लें, आगे तो हम डिटेल में करेंगे, इसी चैप्टर के अंदर ये दोनों सेक्शन आने वाले हैं. 186 क्या है? जब हमारी कंपनी किसी को लोन दे रही है, इन्वेस्ट कर रही है, गारंटी सिक्योरिटी दे रही है, तो सेक्शन 186. ओल्ड कंपनीज एक्ट में सेक्शन 3 की कंपनी लोन दे रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, गारंटी प्रोवाइड कर रही है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है. तो जब भी कंपनी ऐसा कोई काम कर रही है तो आपको बोर्ड मीटिंग ही करवानी पड़ेगी, और बोर्ड मीटिंग में बैठकर आपको यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से नहीं चलेगा, और बोर्ड मीटिंग में भी सिंपल मेजॉरिटी से नहीं चलेगा, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए. और सेक्शन 203 सबसेक्शन 3 हमने इसी चैप्टर के शुरू शुरू में एक बार बात की थी, और अभी लास्ट क्लास या लास्ट टू लास्ट क्लास में भी बात हो ही रही थी हमारी, कि एक आदमी को 2 कंपनीज में MD अपॉइंट कर रहे हैं. तो फर्स्ट कंपनी में नहीं, लेकिन सेकंड कंपनी में जहां उसको MD अपॉइंट कर रहे हैं, सेकंड कंपनी में जहां MD अपॉइंट हो रहा है, वहां पर यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड. सो आई विल से 186 इन्वेस्टमेंट लोन गारंटी सिक्योरिटी, एंड 203 सबसेक्शन 3 अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज MD इन द सेकंड कंपनी हु इज ऑलरेडी MD इन वन मोर कंपनी ऑलरेडी. तो सेकंड कंपनी में यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड. इसके अलावा एक यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन और भी कहीं और चाहिए. एक्ट में किसी सेक्शन में नहीं लिखा, लेकिन रूल्स में लिखा है, और वो रूल्स आपके IPCC सिलेबस में हैं, वो रूल्स आपके CA फाइनल सिलेबस में नहीं है. बताने के लिए बता देता हूँ, मतलब मालूम होना चाहिए कि यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन इन टोटैलिटी 3 चीज़ों में 3 जगह पर चाहिए, और वो तीसरा जो है वो है रूल सेवन ऑफ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014. IPCC में आपका एक चैप्टर था पब्लिक डिपॉजिट, और अभी भी वही चैप्टर है, लेकिन लीगैलिटीज़ बदल गई हैं. तो वो क्या कहते हैं वो आपको सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ, एंड जस्ट हैव अ लुक एट दिस. हमारे सिलेबस के लिए रेलिवेंट है नहीं है मुझे नहीं मालूम, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी ऑफ डिपॉजिटर्स. Appointment of trustee of depositors. And I'll come back here. यहाँ पर मैं अभी वापस आता हूँ, एक बार आपको दिखा दूँ rules का नाम क्या है, फिर वापस आ जाते हैं. Rules का नाम है Companies Acceptance of Deposit Rules 2014.
कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014, ये रूल्स का नाम है. सो दिस इज़ द पीडीएफ फाइल अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ mca.gov.in. तो आपको ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगी ऑन द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. तो कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014, और डिपॉजिट को सीधे सीधे वर्ड्स में अगर यहाँ पर बोलूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए, कि कंपनी पैसा बोरो कर रही है और डिपॉजिट का मिनिमम टेन्योर होता है 6 मंथ्स, मैक्सिमम टेन्योर होता है 36 मंथ्स. तो कंपनी पैसा बोरो कर रही है और कंपनी बदले में इंटरेस्ट पे कर रही है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट. डिबेंचर एक अलग चीज़ है, डिपॉजिट एक अलग चीज़ है. और डिपॉजिट की डेफिनेशन में ही काफ़ी अच्छे से बताया गया है कि डिबेंचर्स, कौन कौन से डिबेंचर्स को डिपॉजिट नहीं माना जाता. डिबेंचर भी बोरोड फंड्स हैं, डिपॉजिट भी बोरोड फंड्स हैं, लेकिन डिबेंचर के लिए लॉ अलग है, डिपॉजिट्स के लिए लॉ अलग है. न्यू कंपनीज एक्ट में डिबेंचर सेक्शन 71 में दिया गया है और डिपॉजिट सेक्शन 73, 74, 75, 76 में दिया गया है. नाउ टॉकिंग अबाउट रूल 7. अब रूल 7 के बारे में जब बात हो रही है तो ऑब्वियसली ये पॉइंट उठता है कि हु इज ट्रस्टी. कभी आप लोगों ने पता नहीं सुना है, नहीं सुना है डिबेंचर ट्रस्टी, और अभी नया कॉन्सेप्ट आ गया है न्यू लॉ में, डिपॉजिटर्स ट्रस्टी. डिबेंचर ट्रस्टी पहले भी होता था, अब भी है हिंदुस्तान में, पुराना कॉन्सेप्ट चला आ रहा है. डिपॉजिटर्स का ट्रस्टी एक नया कॉन्सेप्ट है इंडिया में, जो पहले ओल्ड कंपनीज एक्ट में नहीं था. तो कंपनी ने डिपॉजिटर्स से पैसा बोरो किया है, मैक्सिमम टेन्योर 36 मंथ्स, और कंपनी शराफत से रीपे कर देगी, कंपनी गड़बड़ नहीं करेगी. और सबसे बढ़िया लाइव एग्जांपल, कंपनी का नाम आप सब लोगों को मालूम है, हाँ जी, सहारा. सो आई एम टॉकिंग अबाउट सहारा एंड सुब्रता रॉय. तो कंपनी गड़बड़ नहीं करेगी, इसलिए कंपनी को एक ट्रस्टी अपॉइंट करना है. कंपनी शेल अपॉइंट अ ट्रस्टी, और वो ट्रस्टी का क्या काम करेगा, ही विल एक्ट एज केयर टेकर ऑफ डिपॉजिटर्स, ही विल एक्ट एज वॉच डॉग, ही विल एक्ट एज वॉच डॉग. और उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या फंक्शंस हैं, वो सब कुछ यहाँ रूल्स में बताया गया है. कि उसको अगर कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई मॉर्गेज, कोई चार्ज क्रिएट किया है इन द फेवर ऑफ डिपॉजिटर्स, तो ट्रस्टी को उस प्रॉपर्टी के ऊपर नज़र रखनी है कि कंपनी उस प्रॉपर्टी को कहीं मिस अप्रोप्रिएट तो नहीं कर रही है. एंड देर इज़ अ लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ ट्रस्टी विच इज़ गिवन हेयर. तो बेसिकली ट्रस्टी को कौन अपॉइंट करता है, कंपनी अपॉइंट करती है. किस लिए अपॉइंट किया जाता है, डिपॉजिटर्स का केयर टेकर है और ही इज़ एक्टिंग एज वॉच डॉग, और कंपनी के ऊपर नज़र रखता है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर नज़र रखता है जिसके ऊपर कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया इन द फेवर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स. सो ट्रस्टी अपॉइंट करना मैंडेटरी है अगर कंपनी ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं, सिक्योर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं. लेकिन अभी अपॉइंटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी कुछ और बात कर रहा हूँ. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट रिमूवल ऑफ ट्रस्टी. तो अभी फोकस जो है, दैट इज़ ऑन द रिमूवल ऑफ ट्रस्टी. रूल 7 सब रूल 4 रिमूवल ऑफ ट्रस्टी, एंड टॉक्स अबाउट दैट कि कोई भी ट्रस्टी रिमूव नहीं कर सकते हैं. अब ध्यान से सुनेगा, ये वो यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन की तरफ वापस जा रहे हैं हम लोग. तो कोई भी ट्रस्टी रिमूव नहीं कर सकते हैं फ्रॉम द ऑफिस आफ्टर द इशू ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट फॉर इन्वाइटिंग द डिपॉजिट्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स. ये शब्द इम्पॉर्टेंट है. तो कोई भी ट्रस्टी हम रिमूव नहीं कर सकते हैं. एक बार डिपॉजिटर ट्रस्टी अपॉइंट हो गया तो उसको रिमूव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द बोर्ड मीटिंग. तो अब वो बोर्ड मीटिंग में जो डायरेक्टर बैठे हैं उन सब की कंसेंट चाहिए. और अगर वही मैं कहूँगा 10 में से 7 प्रेजेंट हैं, 6 कहते हैं रिमूव करो, 1 कहता है नहीं रिमूव मत करो, तो रिमूवल नहीं होगा. सो प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ कंपनी विच इज रिक्वायर्ड टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, याद है कंपनी रिक्वायर्ड टू हैव द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उस केस में एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी प्रेजेंट इन सच बोर्ड मीटिंग. उस केस में उस बोर्ड मीटिंग में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होना चाहिए. अगर आपको थोड़ा सा याद है सेक्शन 149 सबसेक्शन 4, कौन सी कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. नंबर 1 लिस्टेड कंपनीज, नंबर 2 अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोर और मोर, या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ रुपीज 100 करोर और मोर, या फिर पब्लिक कंपनी हैविंग द बोरोइंग्स इंक्लूडिंग बैंक लोन्स एंड डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट सब मिलाकर बोरोइंग्स ऑफ एक्सीडिंग 50 करोर ओवर देयर. रिमेंबर दैट ओवर देयर. तो
ऐसी कंपनी जहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से ज़्यादा चाहिए। वैसे तो लिस्टेड पब्लिक कंपनीज में 1/3 चाहिए था, और ये जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज क्राइटेरिया में फॉल करती है वहाँ पर मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए चाहिए, आपको पता है। तो हम यही करें, ऐसी कंपनी जहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की आवश्यकता है, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल बी प्रेजेंट इन सच बोर्ड मीटिंग जहाँ पर यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो रहा है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एबसेंस में यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रेजेंस में यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। हाँ, हमारी कंपनी ऐसी कंपनी है जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए नहीं, तो बात ही अलग है, तो बात खत्म हो गई। फिर तो उस केस में बोर्ड मीटिंग करवाएंगे, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे और रिमूव कर देंगे। तो अब दो बातें हो गई, वो कंपनीज जहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए और वो कंपनीज जहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए। जहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए वहाँ पर सिंपली बोर्ड मीटिंग करवाएंगे, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, द डायरेक्टर्स हु आर प्रेजेंट, जो एबसेंट हैं इग्नोर करो। और वो कंपनीज जहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए उसमें भी कह रहे हैं यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, सारे डायरेक्टर्स जो प्रेजेंट हैं वो फेवरेबल वोट देंगे और उनमें से कोई एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज़रूर होना चाहिए। तो कंपनी में टोटल 15 डायरेक्टर हैं, 15 में से 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, 10 अदर डायरेक्टर्स। हमारी कंपनी में टोटल 15 डायरेक्टर हैं, उसमें से 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और 10 अदर डायरेक्टर हैं। अब बोर्ड मीटिंग करवाई तो टोटल 15 है, मान लेते हैं प्रज्यूम 15 में से 8 प्रेजेंट हैं। अब जो 8 प्रेजेंट हैं उनमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और बाकी 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एबसेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। अब लेकिन जो 8 प्रेजेंट हैं और उनमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो 8ों के 8ों फेवर में वोट दे रहे हैं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी फेवर में वोट दे रहा है फॉर रिमूवल ऑफ डिपॉजिटर्स ट्रस्टी, तो वो रिमूव हो गया। लेकिन ये सब हमारे सिलेबस में है नहीं, दिस इज़ नॉट इन द सिलेबस, दिस इज़ एक्चुअली CA IPCC। अभी तो सिर्फ इतना कहूँगा, सिंपली सेइंग दिस, कि अगर याद रख सकते हैं तो एक लाइन में याद रख लीजिए, और वो क्या है, दैट कंपनी एक्सेप्टिंग द कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स ओवर देयर व्हेन वी टॉक अबाउट दिस 2014 रूल 7 सब रूल 4 में यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए फॉर रिमूवल ऑफ डिपॉजिटर ट्रस्टी। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में लिखने की कोई आवश्यकता है, और मैं भी यहाँ ऐड कर लेता हूँ आप लोगों के साथ साथ। तो दो तो सेक्शन है, वापस आ जाते हैं पेज नंबर 2.1। पहली बात, दो तो सेक्शन है, सेक्शन 186 सबसेक्शन 5 इन्वेस्टमेंट लोन गारंटी सिक्योरिटी, और दूसरा है सेक्शन 203 सबसेक्शन 3 अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज एमडी इन सेकंड कंपनी हु इज ऑलरेडी एमडी इन फर्स्ट कंपनी। लेकिन इसके साथ ऐड क्या करने जा रहे हैं अब हम, नाउ यू कैन राइट डाउन ऑल्सो रेफर रूल 7 सब रूल 4 ऑफ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स 2014 एंड दैट इज रिमूवल ऑफ ट्रस्टी ऑफ डिपॉजिटर्स बाय यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन विद द कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स। तो अगर मैं इसको मिला लूँ बीच में, तो मैं कहूँगा पूरे कंपनी लॉ में, चाहे सेक्शंस हो या रूल्स हो, पूरे कंपनी लॉ में सिर्फ तीन तीन रिक्वायरमेंट्स हैं या तीन रेजोल्यूशंस हैं जिसके लिए बोर्ड मीटिंग में यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, उसके अलावा रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी इन द बोर्ड मीटिंग दैट इज रिक्वायर्ड। अभी ऑल सेड एंड डन, इसको एक बार सम अप कर लेते हैं। आप लोगों को जल मीटिंग याद है, आपको थोड़ा सा आईपीसीसी की तरफ ले ही जा रहा हूँ, आई एम टेकिंग यू टूवर्ड्स आईपीसीसी ओवर देयर। अगर आप लोगों को थोड़ा सा जल मीटिंग याद है, कंपनी में रेजोल्यूशन पास करने की ताकत किस किस के पास है? बेसिकली कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? हु हैव
कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर्स। तो हम मोटा मोटा बात करते हैं, बाकी छोटी छोटी चीज़ें और बहुत सारी आ जाती हैं। हम मोटा मोटा बात करते हैं किसके हाथ में कंट्रोल रहता है कंपनी का। एक तरफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स बोले तो मेंबर्स ऑफ द कंपनी, और दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स दो प्रकार के रेजोल्यूशन पास करते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ग्रेटर देन 50% मेजॉरिटी, स्पेशल रेजोल्यूशन इज 75% और मोर। नॉर्मली दो प्रकार के रेजोल्यूशन पास करते हैं। और ये रेजोल्यूशन जो पास कर, इसकी आल से एक्सेप्शंस मैं इसमें भी दे सकता हूँ आपको, बट लेट मी नॉट गो इन टू द डिटेल ऑफ दैट। नॉर्मली दो प्रकार के रेजोल्यूशन पास करते हैं। अब और वो रेजोल्यूशन कैसे पास करते हैं, रेजोल्यूशन कैसे पास करते हैं? हाँ जी, या तो जल मीटिंग में पास करते हैं, इन AGM और EGM, इन एनुअल जल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जल मीटिंग, या फिर आजकल हम कहते हैं बाय पोस्टल बैलेट पास करते हैं, या बाय ई वोटिंग पास करते हैं, और बाय ई वोटिंग अंडर सेक्शन 108। नाउ इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट इन द न्यू कंपनीज एक्ट, जो ओल्ड कंपनीज एक्ट में नहीं था, और बाय पोस्टल बैलेट अंडर सेक्शन 110। लेकिन ये बोलूँगा ये सब कुछ जो भी आप कर रहे हैं, AGM, EGM, ई वोटिंग, पोस्टल बैलेट, ये सब कुछ अब वो IPCC में था। इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ CA फाइनल रियली, बट इट इज़ द पार्ट ऑफ IPCC। सो आई एम नॉट गोइंग द डिटेल ऑफ दैट एज सच। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दो प्रकार के रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजॉरिटी, रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजॉरिटी, और दूसरा है यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन। अब एक चीज़ खास बोलना चाहूँगा यहाँ पर, एग्ज़ाम में कृपया करके इसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मत लिखना, टेक्निकली गलत हो जाएगा, टेक्निकली गलत हो जाएगा। डोंट राइट इट एज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, इट इज़ रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजॉरिटी, रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजॉरिटी। व्हेन आई से 8 इन फेवर एंड 7 आर अगेंस्ट, द रेजोल्यूशन इज पास। तो इट इज़ रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजॉरिटी, बट दिस इज शुड नॉट, हम लोग टेक्निकली इसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं कह सकते, क्योंकि जो ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन लॉ मेकर ने डिफाइन किया है, दैट इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ शेयर होल्डर्स, दैट इज़ नॉट फॉर द पर्पज़ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजॉरिटी है या फिर यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन है, अब इनको भी पास करने के कितने तरीके हैं, वट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ पासिंग दम। अब इनको पास करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, हाउ मेनी मेथड्स वी हैव। वंस अगेन आल से, या तो बोर्ड मीटिंग में कर सकते हैं, या फिर रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, ईदर इन, लेट मी मेक अ चेंज ओवर हेयर। जो यूनानिमस हैं वो तो सिर्फ बोर्ड मीटिंग में ही हैं, और रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से नहीं है, तो यूनानिमस को तो यहाँ जोड़ना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इट विल बी रियली एक्चुअली रॉन्ग।
तो ये जो रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी है, इसमें अगर बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो यहां पर आपके पास दो ऑप्शन है, ईदर इन बोर्ड मीटिंग फिजिकली और वीसी, फिजिकल बोर्ड मीटिंग जहां सारे डायरेक्टर खुद पर्सनली आए हैं, प्रेजेंट हैं, फिजिकली प्रेजेंट हैं, और बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और सेकंड ऑप्शन इज, हाँ जी, और सेकंड ऑप्शन एंड दैट इज बाय रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन अंडर सेक्शन 175। तो दो तरीके हैं, लेकिन ये जो यूनानिमस यूनानिमस बोर्ड सॉल्यूशन है, दिस इज ओनली इन बोर्ड मीटिंग, ओनली इन बोर्ड मीटिंग एंड नॉट बाय आरबीसी, नॉट बाय रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, ये तो अलाउड नहीं है। तो ये अब थोड़ा सा मैं कहूँगा बाइफर्केशन है, इसकी और डिटेल समझ में आएगी, अभी मैं और उस डिटेल में अभी नहीं जा सकता, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। कुछ रेजोल्यूशन ऐसे भी हैं, जब आगे 19 रेजोल्यूशंस पढ़ेंगे, जो फिजिकल बोर्ड मीटिंग में ही होने चाहिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अलाउड नहीं है, तो एक ब्रेकअप हम देखेंगे आगे कि वो अभी अभी समय नहीं आया है, वहाँ तक पहुँचेंगे, सेक्शन 179 भी करेंगे, अभी 173 के आगे भी हमें रूल 3 रूल 4 देखना है, उसमें भी कुछ बातें समझ में आएंगी, वहाँ से भी कुछ क्लैरिटी आएगी, तो मे बी हम इस चार्ट में वापस आएंगे, लेकिन वो रूल 3 रूल 4 पढ़ने के बाद वो चीज़ें मैं शायद अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा और पॉसिबल भी नहीं है, तो जस्ट वेट फॉर दैट। तो कुल मिलाकर दिस इज़ द स्टोरी दैट वी हैव व्हेन वी टॉक अबाउट द पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। सो नाउ वी आर कमिंग बैक हेयर, अब पेज नंबर 2.1 पे वापस आ रहे हैं, पेज नंबर 2.1 पे वापस आ रहे हैं, एंड गोइंग ऑन फर्दर, कैन ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग बी कन्वीन। तो ये तो बातें हो गई यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन के बारे में, और ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, कैन ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग, ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग, आई एम नॉट सेइंग एडजर्न बोर्ड मीटिंग, आई एम सेइंग ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग, कैन इट बी कन्वीन ऑन अ पब्लिक हॉलीडे। क्या ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग हम पब्लिक हॉलीडे वाले दिन करवा सकते हैं या फिर नेशनल हॉलीडे वाले दिन करवा सकते हैं, पब्लिक हॉलीडे और नेशनल हॉलीडे आफ्टर द बिजनेस आवर्स, क्या हम बिजनेस आवर्स के बाद भी करवा सकते हैं, रात को 2 बजे भी करवा सकते हैं, एट एनी प्लेस इन इंडिया और मे बी आउटसाइड इंडिया, एंड द आंसर इज येस येस येस। आप बोर्ड मीटिंग 15 अगस्त वाले दिन भी करवा सकते हैं, 26 जनवरी वाले दिन भी करवा सकते हैं, 2 अक्टूबर भी करवा सकते हैं, संडे को भी करवा सकते हैं। ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग के लिए लॉ इज़ साइलेंट, लॉ मेकर ने लॉ में कुछ नहीं बताया। एडजर्न बोर्ड मीटिंग, एडजर्न फॉर द वॉन्ट ऑफ कोरम, वो आगे हम 174 में देखेंगे, वहाँ फिर भी कुछ है, लेकिन ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग के लिए लॉ मेकर ने लॉ में कुछ नहीं बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग हम नेशनल हॉलीडे वाले दिन या पब्लिक हॉलीडे वाले दिन करवा सकते हैं, आंसर इज़ येस। और क्या हम रात को 2 बजे करवा सकते हैं, येस, शमशान घाट के पीछे, येस। क्या हम एरोप्लेन में करवा सकते हैं, येस, लेकिन उस केस में फिर प्लेस ऑफ बोर्ड मीटिंग लिखेंगे क्या हम मिनट्स में, ये सोचने वाली बात है कि हमने बोर्ड मीटिंग कहाँ करवाई, हवा में, तो क्या किसी मैनेजिंग डायरेक्टर के पास पर्सनल एरोप्लेन है, पर्सनल एयरक्राफ्ट है अपना, क्या उसमें भी बोर्ड मीटिंग करवा सकते हैं, आंसर इज येस। बस मिनट्स बनाते हुए सोचना पड़ेगा कि उसमें क्या लिखें कि हमारी बोर्ड मीटिंग कहाँ हुई थी। देन कैन, सो कैन द ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग बी कन्वीन ऑन अ नेशनल हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे, येस, आफ्टर बिजनेस आवर्स, येस, एट एनी प्लेस इन इंडिया, येस, और मे बी एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, आंसर इज वंस अगेन येस। लॉ इज साइलेंट, लॉ इज साइलेंट, लॉ इज साइलेंट। तो अगर मैं बोलूँ कि हमारी कंपनी जो है वो लेट अस से वॉल्ट डिजनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, लेट अस से एंड प्रज्यूम कि हमारी कंपनी में 12 डायरेक्टर हैं और 12 में से सिर्फ 2 डायरेक्टर इंडियन हैं, बाकी 10 डायरेक्टर्स अमेरिकन हैं, बिकॉज अवर कंपनी सब्सिडरी ऑफ वॉल्ट डिजनी यूएसए, तो वो 10 अमेरिकन डायरेक्टर्स इंडिया आएंगे और यहाँ अगर बोर्ड मीटिंग करेंगे तो आने जाने का एक्सपेंस ज़्यादा होगा, और अगर ये 2 डायरेक्टर यहाँ से वहाँ चले जाएंगे और तो उस केस में आने जाने का एक्सपेंस कम होगा, तो उन दोनों डायरेक्टर से पूछा जाता है क्या आप वहाँ जाने की, और कंपनी का CFO और कंपनी सेक्रेटरी उनसे पूछा जाता है क्या आप वहाँ जाने की तकलीफ़ उठाएंगे, आपको
हॉलीवुड जाना है, क्या आने जाने की तकलीफ लेने के लिए आप तैयार हैं न्यूयॉर्क जाने के लिए? तो मैं कहूँगा आंसर इज़ हैप्पीली येस, कैन वी गो एंड डू द बोर्ड मीटिंग देयर एंड कम बैक? आंसर इज़ येस। तो लॉ इज़ साइलेंट अबाउट दिस, तो जहाँ लॉ साइलेंट है वहाँ फ़ायदा उठाइए। IPCC में ये ज़रूर पढ़ा था आप लोगों ने कि एनुअल जल मीटिंग के लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और वो एनुअल जल मीटिंग के लिए आपने ये पढ़ा था कि एनुअल जल मीटिंग शेल बी कन्वीन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, एनुअल जल मीटिंग शेल बी कन्वीन आइदर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और विद इन द सेम सिटी टाउन और विलेज वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, एनुअल जल मीटिंग शेल बी कन्वीन ऑन अ डे विच इज़ नॉट अ पब्लिक हॉलीडे, अभी न्यू कंपनी लॉ में कहते हैं ऑन अ डे विच इज़ नॉट अ नेशनल हॉलीडे, एनुअल जल मीटिंग शेल बी कन्वीन ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, लेकिन वो सारी रिस्ट्रिक्शंस एनुअल जल मीटिंग के लिए हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जल मीटिंग के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बोर्ड मीटिंग के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन इन द लॉ। अब फाइनली अब हम शुरू करने जा रहे हैं पहला सेक्शन, सेक्शन 173। एंड वेन आई एम सेइंग सेक्शन 173 द मीटिंग ऑफ बोर्ड, नाउ लिसन टू दैट वेरी केयरफुली, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो एक साल में कितनी बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए? चार। लेकिन कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है सबसे पहली बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए विद इन 30 डेज। एवरी कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी शेल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज, एंड कैन आई से फर्स्ट स्टैचुटरी ऑडिटर यहाँ पर अपॉइंट कर देना चाहिए, शुड बी अपॉइंटेड। तो एवरी कंपनी शेल, एंड शेल मीन्स कंपल्सरी, शेल मीन्स कंपल्सरी, एवरी कंपनी शेल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन मैक्सिमम 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, और उसके बाद एंड देयर आफ्टर होल्ड मिनिमम 4 मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन एवरी ईयर। हर साल 4 बोर्ड मीटिंग्स तो आपको करवानी है। इन एवरी ईयर, एवरी ईयर बोले तो फाइनेंशियल ईयर में करवानी है या कैलेंडर ईयर? सो मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स इन एवरी ईयर। अब एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब जब लॉ साइलेंट होता है, जब लॉ पढ़कर ये समझ में ना आए कि फाइनेंशियल ईयर है या कैलेंडर ईयर है, तो हम रेफ़र करते हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। और जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 कहता है कि ईयर मीन्स कैलेंडर ईयर, ईयर मीन्स कैलेंडर ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो ऑल ओवर इंडिया कोई भी लॉ आप पढ़ रहे हैं और उसमें ईयर लिखा हो और ये समझ में ना आ रहा हो कि वो कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है, तो ऑटोमेटिकली प्रज्यूम करेंगे, क्या प्रज्यूम करेंगे? कैलेंडर ईयर। तो मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स इन एवरी कैलेंडर ईयर इन सच अ मैनर दैट नॉट मोर देन 120 डेज शेल इंटरवीन और नॉट मोर देन 120 डेज शेल एक्सपायर बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स। 2 कॉन्सिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स के बीच में 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम गैप इज 120 डेज बिटवीन द 2 बोर्ड मीटिंग्स। ओल्ड कंपनीज एक्ट में प्रोविजन कुछ और ही था। अगर मैं ओल्ड कंपनीज एक्ट में बोलूँ तो वहाँ 120 डेज नहीं लिखा हुआ था कंपनीज एक्ट में। ओल्ड कंपनीज एक्ट में तो कहते थे हर कैलेंडर क्वार्टर में एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च 1 बोर्ड मीटिंग, अप्रैल मई जून 1 बोर्ड मीटिंग, जुलाई अगस्त सितंबर 1 बोर्ड मीटिंग, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1 बोर्ड मीटिंग। तो एक साल में 4 और हर कैलेंडर क्वार्टर में एक। ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 की बात बता रहा हूँ आपको। न्यू कंपनीज एक्ट में वो क्वार्टर का चक्कर नहीं है, कैलेंडर क्वार्टर का चक्कर नहीं है, सिर्फ क्या है कि 2 कॉन्सिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स के बीच में 120 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और साथ में एक एक्सेप्शन दे रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट CG में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अगर चाहे तो नोटिफिकेशन इशू कर सकती है इन द ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया डायरेक्ट दैट प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शेल नॉट अप्लाई। ये सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होता और 4 बोर्ड मीटिंग्स करवाने की जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो अप्लाई नहीं होती इन रिलेशन टू एनी क्लास ऑफ कंपनीज एज स्पेसिफाइड ओवर हेयर इन द बाय CG बाय नोटिफिकेशन। लेकिन न्यू कंपनीज एक्ट में CG ने अभी तक कुछ नोटिफाई नहीं किया है। सो एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनीज, वेल जिसको एग्जम्प्ट करना चाहें एग्जम्प्ट कर सकते हैं, या जिसके लिए लॉ मॉडिफाई करना चाहें मॉडिफाई कर सकते हैं। ओल्ड कंपनीज एक्ट में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को एग्जम्प्ट किया था कि 1 साल में 2 करवा लो सिर्फ, और 1 साल में 4 करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन न्यू कंपनीज एक्ट आने के बाद ऐसा कोई सर्कुलर आया नहीं है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो मैं कहूँगा वो सेक्शन 25 कंपनीज ओल्ड कंपनीज एक्ट और सेक्शन 8 कंपनीज न्यू कंपनीज एक्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, डेफिनेटली वो लोग इंतजार कर रहे होंगे कि वो जो सर्कुलर पहले था वैसा ही सर्कुलर, वैसा ही नोटिफिकेशन दोबारा आना चाहिए।
लेकिन आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि जब तक नया नोटिफिकेशन नहीं आता तो फिर वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एग्जम्प्ट नहीं है। अब एक सवाल आपके सामने दिया गया है यहाँ पर, वेदर फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग इज अलाउड और नॉट, जो नीचे अरेंजमेंट दिया गया वो अलाउड है या नहीं है। और हम कह रहे हैं एक साल में, एक कैलेंडर ईयर में चार कैलेंडर क्वार्टर होते हैं, चार कैलेंडर क्वार्टर होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हमने पहली बोर्ड मीटिंग करवाई 23 मार्च, और उसके बाद हमने अप्रैल मई जून में कोई बोर्ड मीटिंग नहीं करवाई, चलेगा। हमने नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग करवाई 8 जुलाई, सेकेंड बोर्ड मीटिंग, और अगर मैं 23 मार्च और 8 जुलाई देखता हूँ, अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो 23 मार्च एंड देन 31 मार्च तक, 23 प्लस 8 8 दिन हो गए, 31 मार्च, अप्रैल मई जून 30 डेज इन अप्रैल, 31 डेज इन मई एंड 30 डेज इन जून, तो 8 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30, एंड देन जुलाई में 7 जुलाई तक +7 कर दीजिए, तो कुल मिलाकर लगभग कितने दिन आ रहे हैं, 120 डेज से कम है, 120 डेज पूरे नहीं हुए। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग दैट इज़ आई से 23 मार्च एंड सेकेंड बोर्ड मीटिंग ऑन 8 जुलाई, और दोनों के बीच में टाइम गैप 120 डेज से कम है, चलेगा। एंड द आंसर इज यस, चलेगा। अप्रैल मई जून क्वार्टर में कोई बोर्ड मीटिंग नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग मतलब क्वार्टर के हिसाब से करना अलाउड नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दो कॉन्सिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स के बीच में टाइम गैप 120 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फोर्थ क्वार्टर में हम दो दो करवा रहे हैं, 11 अक्टूबर को थर्ड बोर्ड मीटिंग और 28 दिसंबर को एक और बोर्ड मीटिंग, चलेगा। एंड आंसर इज़ यस। तो 8 जुलाई के बाद 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर के बाद 28 दिसंबर, और चारों बोर्ड मीटिंग्स में कहीं भी 120 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं है, तो इज इट अलाउड। एंड द आंसर इज़ यस, दिस इज़ वेरी मच अलाउड। फिर आगे बढ़ते हैं, बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। So we take a break over here.
सो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. दिस इज बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. तो एक नया प्रोविजन है न्यू कंपनीज एक्ट में, और ये प्रोविजन ओल्ड कंपनीज एक्ट में नहीं था. इट वाज नॉट देयर इन द ओल्ड कंपनीज एक्ट, इट इज़ अ न्यू प्रोविजन इन द न्यू कंपनीज एक्ट. और यहाँ कह रहे हैं कि अब आज की तारीख में 1 अप्रैल 2014 के बाद पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर्स इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दो तरीके से, दो प्रकार से हो सकता है. पहला, डायरेक्टर खुद आता है, पर्सनली आता है, बोर्ड मीटिंग अटेंड करता है, फिजिकली बैठता है, तो भी अच्छी बात है. और पर्सनली नहीं आता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करना चाहता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी के थ्रू अटेंड करना चाहता है, तो भी अच्छी बात है. जिसमें मतलब वो ऑडियो विजुअल फैसिलिटी है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग की बात नहीं हो रही है. टेली कॉन्फ्रेंसिंग जिसमें सिर्फ ऑडियो फैसिलिटी है और वीडियो फैसिलिटी नहीं है, उसकी बात नहीं हो रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेली कॉन्फ्रेंसिंग. तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब जिसमें ऑडियो और विजुअल दोनों फैसिलिटीज़ हैं, या फिर कह रहे हैं एनी अदर ऑडियो विजुअल मीन्स. अभी एनी अदर ऑडियो विजुअल मीन्स शायद आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया हो. देर इज़ अ वेबसाइट स्काइप, स्काइप सर्विसेज, SKYPE ओवर देर. तो स्काइप या स्काइपे आप जो भी उसको बोलते हैं, उसके उसमें भी ऑडियो विजुअल अवेलेबल है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है और मल्टीपल पीपल आर विजिबल एट वन टाइम ऑन द स्क्रीन. लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये समझ लें रुक कर कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या है. हाँ जी, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब ज़रूर समझ लेते हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आगे रूल्स में, रूल 3 में बताया गया है, रूल 3 में लिखा हुआ है. रूल 3 कहता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों फैसिलिटीज़ हों, और जितने लोग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हैं वो सारे लोग साइमल्टेनियसली एट अ टाइम एक दूसरे को देख सकें और सुन सकें, एट अ टाइम साइमल्टेनियसली, और उन सबके बीच में कोई बिचौलिया ना हो, इंटरमीडियरी ना हो जो उनका एक दूसरे का कनेक्शन मिलाता रहे, बिठाता रहे. ऐसा ना हो तो कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ऑल पीपल इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे आर एबल टू वॉच, दे आर एबल टू सी, एंड दे आर एबल टू लिसन ईच अदर एट वन टाइम साइमल्टेनियसली. ये बात रूल 3 में आगे लिखी हुई है जो हम देखेंगे. सो द पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर्स इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तीन प्रकार से यहाँ लिखा है, लेकिन मैं कहूँगा बाद वाली दो प्रकार मुझे एक जैसी ही लगती हैं वैसे. या तो डायरेक्टर खुद आ सकता है इन पर्सन, या फिर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ सकता है और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू भी प्रेजेंट हो सकता है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स. और अब रूल्स का नाम क्या है, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड पावर्स रूल्स 2014. लेकिन और फैसिलिटी कुछ ऐसी होनी चाहिए विच आर केपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग, जिसमें रिकॉर्डिंग भी हो सके और जिसका हम रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें अपनी कंपनी के सर्वर पे या व्हाटएवर हार्ड डिस्क मेंटेन कर सकें, रिकॉर्डिंग हो सके और रिकॉग्नाइज भी हो सके द पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर. जो डायरेक्टर सामने दिख रहे हैं वो एक्चुअली नज़र आने चाहिए, उनकी शक्ल दिखनी चाहिए कि वो लोग कौन हैं, वो रिकॉग्नाइजेबल होने चाहिए. एंड पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफ रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ सच मीटिंग्स अलॉन्ग विद द डेट एंड टाइम. तो रिकॉर्डिंग कुछ इस प्रकार की हो जिसमें स्क्रीन के ऊपर वो डेट और टाइम विजिबल होगी, मीटिंग कब शुरू हुई, मीटिंग कब खत्म हुई, दैट शुड बी विजिबल ऑन द स्क्रीन ऑल्सो एट द सेम टाइम. प्रोवाइडेड दैट द CG मे बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई सच मैटर्स विच शेल नॉट बी डेल्ट इन अ मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बताएगा कि कौन कौन से काम हैं जो फिजिकल बोर्ड मीटिंग में हो सकते हैं और बोर्ड मीटिंग बाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं हो सकते हैं. तो CG ने रूल 4 में वो लिस्ट दी है, ज़्यादा नहीं है, 5 कामों की लिस्ट है जिसके लिए वो कहते हैं कि ये 5 काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोर्ड मीटिंग में नहीं हो सकते हैं और ये 5 काम सिर्फ फिजिकल बोर्ड मीटिंग में ही हो सकते हैं. तो दिस इज़ अ स्मॉल लिस्ट ऑफ 5 एक्टिविटीज़ हम बात करेंगे अभी. तो 5 काम ऐसे हैं जो फिजिकल बोर्ड मीटिंग में हो सकते हैं और बोर्ड मीटिंग बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं हो सकते हैं. या एक काम करते हैं, पहले हम फटाफट थोड़ा सा आगे जाते हैं, एक दो पेज आगे जाना पड़ेगा, रूल 4 देख लेते हैं, फिर हम वापस आते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो वो 5 काम कौन कौन से हैं, नाउ दिस इज पेज नंबर 2.7 ऑन द बॉटम, पेज नंबर 2.7 ऑन द बॉटम. द मैटर्स नॉट टू बी डेल्ट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आई रिपीट दैट, पेज नंबर 2.7, पेज नंबर 2.7 ऑन द बॉटम. कुछ काम ऐसे हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करना अलाउड नहीं है, नॉट टू बी डेल्ट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और नॉट टू बी डेल्ट थ्रू ऑडियो विजुअल मीन्स ओवर देयर. द फॉल मतलब ये जो नीचे दिए गए काम हैं ये सिर्फ फिजिकल बोर्ड मीटिंग में होने चाहिए, ओनली इन फिजिकल बोर्ड मीटिंग.
The following matters shall not be dealt with in any meeting held through video conferencing or through the audio visual means. The approval of, पहला क्या है, approval of financial statement in section 134. ये आपने books of accounts के chapter में किया था, जब आपने board report किया था उससे just पहले. तो annual general meeting से 45 days पहले board meeting करवाते हैं, और उस board meeting में company की balance sheet, profit and loss account, ऑडिट रिपोर्ट सब कुछ वहाँ पर बैठकर अप्रूव करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट साइन करते हैं, ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट साइन करता है, फिर चेयरमैन बोर्ड रिपोर्ट साइन करता है. वो जो काम है वो फिजिकल बोर्ड मीटिंग में ही होना चाहिए, और वो काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं हो सकता है. देन वन मोर थिंग एट द सेम टाइम एडिंग ऑन टू दिस, एंड दैट इज वही सेकेंड उसी के साथ ऐड ही हो जाता है, मैं तो कहूँगा एक ही बोर्ड मीटिंग में सारे काम हो रहे हैं. एंड दैट इज़ वंस अगेन बोर्ड रिपोर्ट भी जो हमने पढ़ी थी सेक्शन 134 सब सेक्शन 3 में, वो काम भी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बोर्ड मीटिंग में होना चाहिए, अप्रूव वहाँ होनी चाहिए, चेयरमैन के साइन होंगे, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं हो सकता है. और ये दोनों काम कब हो रहे हैं, ये वन और टू सिंगल बोर्ड मीटिंग में एक साथ हो रहे हैं, 45 डेज अप्रॉक्सीमेटली बिफोर द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग. और उसी बोर्ड मीटिंग में वी आर फिक्सिंग द डेट टाइम प्लेस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग साइमल्टेनियसली. तीसरा है अगर कंपनी पब्लिक इशू लॉन्च कर रही है, आईपीओ एफपीओ एंड मे बी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस बुक बिल्डिंग, शायद आप लोगों को याद होगा आईपीसीसी में पढ़ा था. तो चाहे कंपनी नॉर्मल प्रॉस्पेक्टस अप्रूव कर रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, फिजिकल बोर्ड मीटिंग में आमने सामने बैठकर अप्रूव करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है. कंपनी अपना पब्लिक इशू कुछ हज़ार करोड़ का मे बी लॉन्च कर रही है शायद, मे बी. तो ये ऐसा काम फिजिकल बोर्ड मीटिंग में आमने सामने ही होना चाहिए, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं होना चाहिए. और फिर कंपनी के डायरेक्टर्स को प्रॉस्पेक्टस के ऊपर साइन भी करना होता है, जो लीगल रिक्वायरमेंट है प्रॉस्पेक्टस की. देन ऑडिट कमेटी की मीटिंग है, अब ये बोर्ड मीटिंग नहीं है, ये बोर्ड मीटिंग नहीं है, क्या है, ऑडिट कमेटी सेक्शन 177 जो आगे आएगा नेक्स्ट क्लास में, आने वाली क्लासेस में करेंगे. ऑडिट कमेटी की मीटिंग है फॉर कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, पीनल अकाउंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ एनी. अगर कंपनी की सबसी कंपनी के साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो भी, जिसको फाइनली अप्रूव कौन करेगा, टू बी फाइनली अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. लेकिन अब यहाँ पर मैं कहूँगा ये ऑडिट कमेटी मीटिंग फिजिकली होनी चाहिए, और ये ऑडिट कमेटी मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं हो सकती है. एंड देन फाइनली द लास्ट वन, अप्रूवल ऑफ द मैटर कनेक्टेड विद नंबर वन अमलगमेशन. अमलगमेशन और मर्जर एक ही चीज़ है, आगे पूरा चैप्टर आना है. तो दो कंपनीज को मिलाकर सिंगल कंपनी बना रहे हैं, ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड इज इक्वल टू सी लिमिटेड इज अमलगमेशन और मर्जर, या ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड इज इक्वल टू ए लिमिटेड इज वंस अगेन आई विल से अमलगमेशन और मर्जर. और इनकम टैक्स एक्ट में भी आप उठाकर देखना, सेक्शन 2 क्लॉज 1 कैपिटल बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, डेफिनेशन ऑफ अमलगमेशन और मर्जर. तो एक ही बात है, दो कंपनीज को मिलाकर एक नई कंपनी बनाना तो भी मर्जर है, और एक एग्जिस्टिंग कंपनी को दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी में मर्ज कर देना तो भी मर्जर है या अमलगमेशन है. सेक्शन 2 क्लॉज 1B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. डी मर्जर, एक एग्जिस्टिंग कंपनी को तोड़कर उसकी दो या दो से ज़्यादा कंपनीज बना देना इज डी मर्जर. एक्विजिशन एंड टेक ओवर, मैं कहूँगा एक ही बात है. तो एक कंपनी दूसरी कंपनी का टेक ओवर कर रही है, और आपको बहुत सारे टेक ओवर केसेस ऑलरेडी पता हैं, और आजकल भी इंडिया में चल ही रहे हैं. सन फार्मास्यूटिकल ने अभी टेक ओवर किया रेनबैक्सी लेबोरेटरीज का, एंड अप्रॉक्सीमेटली 75% शेयर्स एक्वायर कर लिए ऑफ रेनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड. तो वेल दैट इज़, जब इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मर्जर डी मर्जर एंड टेक ओवर, तो ये बड़े बड़े काम सिर्फ फिजिकल बोर्ड मीटिंग में होने चाहिए, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं होने चाहिए. तो एक बार बिना पढ़े वो पाँचों एक्टिविटीज़, पहला फर्स्ट एक्टिविटी आल से नंबर वन, दैट इज अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, वट एवर. सेकेंड वन, अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट इन द बोर्ड मीटिंग. थर्ड वन एंड दैट इज आल से ऑडिट कमेटी मीटिंग्स. फोर्थ वन अमलगमेशन टेक ओवर्स. एंड फिफ्थ वन अप्रूवल ऑफ प्रॉस्पेक्टस. तो पाँच काम फिजिकल बोर्ड मीटिंग में होने चाहिए, और शुड नॉट बी बाय द बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. और रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से तो हो ही नहीं सकते ये पांचों काम, ये तो कहने वाली बात ही नहीं है. तो वापस जा रहे हैं जहां से आए थे, और सेक्शन 173 में वापस जा रहे हैं. तो गोइंग बैक पेज नंबर 2.2, पेज नंबर 2.2 ऑन द बॉटम, एंड दिस इज सेक्शन 173 सबसेक्शन 2.
तो फाइनली नटशेल में सिर्फ इतना कहेंगे सम अप करते हुए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, किसी भी डायरेक्टर के पास मीटिंग अटेंड करने के लिए तीन रास्ते हैं, या तो इन पर्सन अटेंड करेगा, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, या फिर किसी और ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल स्काइपे और स्काइप व्हाटएवर। लेकिन उस जो भी जिस भी तरीके से अटेंड करेगा उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग और स्टोरिंग होनी चाहिए, और उसमें डेट टाइम प्लेस नज़र आना चाहिए। और फाइनली पांच काम ऐसे हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं हो सकते हैं, अलाउड नहीं है। नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। नाउ मैंने ऐसे नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग ये टच करने से पहले वैसे ही दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन आया। मान लीजिए कि हमारी कंपनी में 12 डायरेक्टर हैं, एक डायरेक्टर इंडिया के बाहर बैठा है, और वो कहता है कि मैं अब इंडिया में नहीं हूँ, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट बिजनेस हो रहा है कंपनी में, अमलगमेशन वगैरह टेक ओवर का काम चल रहा है, तो मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ कि मैं भी वो सारी प्रोसीडिंग्स होते हुए देखूँ, और मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ले लो प्लीज़। वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ले लो प्लीज़। तो 11 डायरेक्टर इंडिया में फिजिकल बोर्ड मीटिंग करवा रहे हैं, और 12वां जो इंडिया के बाहर बैठा है, शायद कंपनी के ही किसी काम से गया है, कंपनी ने ही भेजा है, वो कह रहा है मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ले लो प्लीज़। तो क्या हम उसकी रिक्वेस्ट मानकर उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ले सकते हैं कि वो लाइव बोर्ड मीटिंग होती हुई देख सकें? लेकिन हम उसको बोल देते हैं कि आप कोरम में काउंट नहीं होंगे, हम जब बोर्ड मीटिंग के मिनट्स बनाएंगे तो आप बीच में आपका नाम नहीं रखेंगे कि आप प्रेजेंट थे। आप देखना चाहो आप लाइव टेलीकास्ट देख लो, लेकिन एज पर लॉ आप बोर्ड मीटिंग में नहीं हो, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द बोर्ड मीटिंग। क्या हम उसको ये अपॉर्चुनिटी अपनी मर्जी से वॉलंटियरली दे सकते हैं? एंड मुझे ऐसा लगता है आंसर इज येस, दे सकते हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर कंपनी का डायरेक्टर है और वो बोर्ड मीटिंग्स की प्रोसीडिंग्स होते हुए देखना चाहता है, लेकिन उसको बोल देंगे साफ साफ कि सर आप डिस्कशन में और वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और अगर आप कुछ बोलेंगे तो वो रिकॉर्डिंग में नहीं लिया जाएगा, मतलब उसको ऑन रिकॉर्ड मिनट्स में नहीं लिखा जाएगा, बिकॉज ये काम ऐसा है जो बोर्ड मीटिंग में फिजिकली ही होना चाहिए। तो जो भी वीडियो, मतलब बात समझ में आ गई आप लोगों को कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बैठना चाहता है, देखना चाहता है, देख सकता है, लेकिन उसको कोरम और बोर्ड मीटिंग में काउंट नहीं करेंगे और वो डिस्कशन वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। और नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग से कितने दिन पहले दिया जाना चाहिए? एटलीस्ट 7 days इन एडवांस। कैन इट बी 8 days इन एडवांस? कैन इट बी 9 days, 10 days इन एडवांस? आंसर इज येस। मिनिमम इज एटलीस्ट 7 days इन एडवांस और नॉट लेस देन 7 days, एग्जैक्ट 7 days और मोर देन 7 days नोटिस इन राइटिंग। और किस किस को देना है? टू एवरी डायरेक्टर, सभी डायरेक्टर्स को नोटिस भेजना है। एंड कहाँ भेजना है? एट हिज एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी, जो उसने अपना एड्रेस कंपनी को बताया है, रेजिडेंशियल एड्रेस कंपनी को बताया है और कंपनी के रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर में लिखवाया है, उस एड्रेस पे भेजना है। और ये एड्रेस ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में ही हो, फॉरेन डायरेक्टर है, फॉरेन कंट्री में रहता है, उसने अपना फॉरेन एड्रेस दिया है कंपनी को, तो नोटिस उसके फॉरेन एड्रेस पे जाएगा, इंडियन एड्रेस होना कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। एक सवाल और आता है दिमाग में, अगर मान लीजिए कि कोई डायरेक्टर है जिसके 2 एड्रेस हैं, एक उसका एक बंगलो इंडिया में भी है, एक प्रॉपर्टी इंडिया में है, एक प्रॉपर्टी लंदन में है, लेकिन उसने लंदन वाला एड्रेस कंपनी को दिया हुआ है, उसने इंडियन एड्रेस कंपनी को नहीं दिया हुआ, लेकिन कंपनी को कहीं से पता चल गया कि उसका इंडियन एड्रेस क्या है, दूसरे डायरेक्टर्स मिलते जुलते रहते हैं, सब जान पहचान के हैं, तो कंपनी कौन से एड्रेस पर भेजेगी? जो इंडियन एड्रेस हमें पता चल गया है वहाँ पर, या जो लंदन वाला एड्रेस उसने कंपनी को दिया है, रजिस्टर करवाया है वहाँ पर? तो आंसर इज लंदन वाला एड्रेस जो उसने कंपनी के पास रजिस्टर करवाया, वहाँ पर नोटिस भेजेंगे, इंडियन एड्रेस पे तो भी नोटिस नहीं भेजेंगे, चाहे उसके पास दोनों एड्रेस हैं, इंडियन एड्रेस और फॉरेन एड्रेस, लेकिन जो एड्रेस उसने कंपनी के पास रजिस्टर करवाया है, नोटिस उसी एड्रेस पे दिया जाएगा। एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी एंड देन सच नोटिस शैल बी सेंट बाय 3 methods। नोटिस भेजने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है हैंड डिलीवरी, दूसरा तरीका है बाय पोस्ट, और तीसरा तरीका है बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। तो इलेक्ट्रॉनिक मींस में ईमेल भी आ जाएगा और फैक्स भी आ जाएगा, इंटरनेशनल फैक्स कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मींस में दोनों आ जाएंगे। पोस्ट का मतलब क्या? ऑर्डिनरी पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, और ऐसा लगता है इट सीम्स तीनों होने चाहिए। तो हैंड डिलीवरी से उसके घर जाकर देकर आ सकते हैं, ये भी चलेगा। तो मे बी द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी गोज टू हिज हाउस एंड गिव्स इट बाय हैंड डिलीवरी, या कंपनी के किसी स्टाफ को, एम्प्लॉई को भेज दिया कि आप जाकर डिलीवर कराइए। लेकिन एक चीज़ लगती है यहाँ पर जो लॉ मेकर मिस कर गया शायद, कुरियर सर्विसेज। क्योंकि जब लॉ मेकर पोस्ट शब्द लिखता है तो हम लोग मानकर चलते हैं पोस्ट का मतलब भारतीय डाक सेवा, कुरियर सर्विस DHL वर्ल्ड वाइड या DTDC
पोस्ट नहीं माना जाता, वो अलग अलग चीज़ है, कुरियर बाय अ प्राइवेट कंपनी बाय अ प्राइवेट एजेंसी। तो ऐसा लगता है कि लॉ मेकर को यहाँ कुरियर भी लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखा है, तो आई एम हेल्पलेस। अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप एग्ज़ाम में भी कुरियर नहीं लिखोगे, इट इज़ ओनली बाय हैंड डिलीवरी और बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। प्रोवाइडेड दैट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड मे बी कॉल्ड एट अ शॉर्टर नोटिस, वो जो बोर्ड मीटिंग है वो शॉर्टर नोटिस पे बुलाई जा सकती है। शॉर्टर नोटिस बोले तो छोटा कर देंगे उसको, उसका फॉन्ट बड़ा छोटा सा कर देंगे, इतना सा छोटू सा नोटिस बना देंगे, शॉर्टर नोटिस। ऑब्वियसली वेल जोक्स अपार्ट आंसर इज नो, शॉर्टर नोटिस का मतलब लेस देन 7 डेज नोटिस। तो बोर्ड मीटिंग से 2 दिन पहले नोटिस दे रहे हैं, बोर्ड मीटिंग से 3 दिन पहले नोटिस दे रहे हैं सारे डायरेक्टर को, सर प्लीज़ ज़रूर आना, दिस इज़ शॉर्टर नोटिस। तो लेस देन 7 डेज नोटिस दे रहे हैं, लेस देन 7 डेज बिफोर द बोर्ड मीटिंग, दैट इज़ शॉर्टर नोटिस। तो लॉ मेकर कहता है बोर्ड मीटिंग आप बुला सकते हो, इट मे बी कॉल्ड बाई गिविंग द शॉर्टर नोटिस टू ट्रांजेक्ट द अर्जेंट बिजनेस सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट एट लीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी इन द कंपनी शेल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। तो कोई अर्जेंट बिजनेस है, कोई अर्जेंट बिजनेस है, वो अर्जेंट बिजनेस के लिए आप शॉर्टर नोटिस पे बोर्ड मीटिंग करवा सकते हैं और कुछ फटाफट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन उस बोर्ड मीटिंग में एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट वन। एक से ज़्यादा प्रेजेंट हैं, 2 प्रेजेंट हैं, 3 प्रेजेंट हैं चलेगा, कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए इफ़ एनी, अगर कंपनी में है तो, मतलब सेक्शन 149 सबसेक्शन 4। अगर कंपनी में कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं तो फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रेजेंस नहीं चाहिए। अगर कंपनी बहुत छोटी कंपनी है और 149 सबसेक्शन 4 में फॉल नहीं करती है और उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की कोई लीगल रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो फिर ऐसी केस में फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रेजेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन कंपनी ऐसी कंपनी लिस्टेड कंपनी है या फिर वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ और मोर, और बोरोइंग्स ऑफ मोर देन 50 करोड़, तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी लेकिन क्राइटेरिया में फॉल करती है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है, तो ऐसी कंपनी में फिर हम कहेंगे वेल दैट एट लीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आया, मान लो मैं कहता हूँ कंपनी में 15 डायरेक्टर हैं और 15 में से 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और 10 नॉर्मल डायरेक्टर हैं, अब आउट ऑफ 15 10 बैठे हैं लेकिन उन 5ों में से कोई भी नहीं आया, तो फिर आपकी बोर्ड मीटिंग नहीं हो सकती, वॉइड है, और कोई रेजोल्यूशन भी पास कर दिया तो इनवैलिड है, वॉइड है। कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज़रूर आना चाहिए, और 15 में से 5 आए हैं और उन 5ों में से 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, 1/3 5 और उनमें से 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, चलेगा, बोर्ड मीटिंग आपकी हो गई, चाहे आपने शॉर्टर नोटिस दिया है। एक चीज़ और भी कह रहे हैं कि अगर मान लो एक और फ्लेक्सिबिलिटी दी है, एक्सेप्शन की एक्सेप्शन, पहले मेन प्रोविजन की एक्सेप्शन 173 सबसेक्शन 3 की एक्सेप्शन प्रोवाइडेड दैट में दी है, और फिर एक्सेप्शन की एक्सेप्शन प्रोवाइडेड फर्दर दैट में दी है, और वो कह रहे हैं ऐसी कंपनी है जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और ज़रूरी है और नहीं आया, एब्सेंट है, तो भी काम चला लेंगे। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फ्रॉम सच अ बोर्ड मीटिंग डिसीजंस टेकन एट द बोर्ड मीटिंग शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल डायरेक्टर्स, कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को सर्कुलेट करना है, जो प्रेजेंट थे उनको भी, जो एब्सेंट थे उनको भी, एंड शैल बी फाइनल, द डिसीजन शैल बी फाइनल ओनली ऑन द रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन बोले तो ओनली ऑन द कन्फर्मेशन देयर ऑफ बाय एट लीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी ओवर देयर। तो क्या बोल रहे हैं, वेल अगर कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं था, एब्सेंट थे सारे के सारे, तो भी आपकी बोर्ड मीटिंग वैलिड है, लेकिन बोर्ड मीटिंग के जो भी मिनट्स आपने बनाए, जो भी रेजोल्यूशन पास किए, जो भी मिनट्स बनाए, वो आपको सर्कुलेट करने हैं, वो आपको सर्कुलेट करने हैं किसको, टू ऑल डायरेक्टर्स, चाहे प्रेजेंट थे उस बोर्ड मीटिंग में चाहे एब्सेंट थे, एंड वो सारे डिसीजन फाइनल होंगे ओनली ऑन द रेटिफिकेशन देयर ऑफ बाय एट लीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेटिफाई करेगा, रेटिफाई करना मतलब कन्फर्म करेगा, रेटिफाई करना मतलब कन्फर्म करेगा, रेक्टिफिकेशन नहीं है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं है, रेटिफिकेशन है, रेटिफिकेशन मीन्स कन्फर्मेशन। तो नॉर्मल नोटिस 7 डेज, शॉर्टर नोटिस लेस देन 7 डेज, और फिर 2 बातें हो सकती हैं, हो सकता है कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, हो सकता है कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोरम आया, कोरम बैठ गया, रेजोल्यूशन पास कर दिए, फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। उस केस में आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रेजेंस नहीं चाहिए। लेकिन जिन कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, वहाँ दो बातें हो सकती हैं। और वहाँ दो बातें क्या हो सकती हैं, या तो कोई एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए उस बोर्ड मीटिंग में, या फिर अगर कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं था, नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वॉज प्रेजेंट, देन द मिनट्स ऑफ दैट बोर्ड मीटिंग शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल डायरेक्टर्स हु वर प्रेजेंट एंड हु वर एब्सेंट। एंड देन फाइनली वी से कि उस केस में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको रेटिफाई ज़रूर करेगा, तो आपकी बोर्ड मीटिंग वैलिड मान ली जाएगी। आई होप क्लियर टू एवरीबडी। इसका एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं, लेट अस मेक वन चार्ट। So when we say section 173 subsection 3, notice of board meeting, और अब दो बातें, number one, notice shall be given at least 7 days in advance before board meeting। और दूसरी तरफ बात करते हैं, if the notice of board meeting is given less than 7 days before the board meeting, then now we said two possibilities। अब दो situations हो गई। सिचुएशन वन, सिचुएशन टू। सिचुएशन वन, कंपनी, अ कंपनी विच फॉल्स इन सेक्शन 149 सबसेक्शन 4, और जहां पर कहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज कंपल्सरी। और दूसरी केस में सिचुएशन टू, अ कंपनी विच डज नॉट फॉल इन, विच डज नॉट फॉल इन 149 सबसेक्शन 4, और जहां कहेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड, और जहां कहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज कंपलसरी, अब यहां पर फिर से दो बातें हैं। वो दो बातें क्या हैं, आइदर वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी प्रेजेंट, आइदर either at least one independent director shall be present in board meeting, or
सेकेंड ऑप्शन इफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज, इफ नन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज प्रेजेंट, इफ नन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज प्रेजेंट, कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं था. इफ नन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज प्रेजेंट इन सच बोर्ड मीटिंग, देन मिनट्स ऑफ सच बोर्ड मीटिंग then the minutes of such board meeting shall be circulated to all the directors of company and at least one independent director shall ratify such minutes shall ratify such minutes of board meeting. तो दो बातें हो सकती हैं, या तो present होना चाहिए, या फिर अगर present नहीं था, कोई भी present नहीं था, none of them was present in the board meeting, then the minutes of such board meeting are circulated to all directors and at least one independent director shall ratify such minutes of board meeting. दूसरी तरफ अब आ जाइए, दूसरी तरफ well, a company which does not fall in section 149 subsection 4, तो एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की आवश्यकता नहीं है. इस केस में well, हम कहेंगे well, जो भी इस तरफ लिखा हुआ है वो सब कुछ अप्लाई नहीं होता है, जो भी यहाँ लिखा हुआ है इसमें से कुछ भी अप्लाई नहीं होता है, ना तो ये अप्लाई होता है और ना ही ये अप्लाई होता है. और यहाँ पर कहेंगे सिंपली द डायरेक्टर्स कम एंड कन्वीन द बोर्ड मीटिंग नॉर्मली. हालांकि ऐसा लगता है यहाँ पर लॉ मेकर को कुछ तो बताना चाहिए था, कुछ तो स्पेशल बोलना चाहिए था, ये शॉर्टर नोटिस है, लेकिन ठीक है वो आ रहे हैं. अब लॉ मेकर ने कुछ बताया नहीं, आ रहे हैं बैठ रहे हैं नॉर्मली. विल कम एंड कन्वीन द बोर्ड मीटिंग नॉर्मली इफ कोरम इज प्रेजेंट, अगर सारे पहुँच गए तो, इफ कोरम इज प्रेजेंट. अगर कोरम नहीं पहुँचा तो फिर वो मीटिंग अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, अपने आप ही एडजर्न हो जाएगी. मतलब डायरेक्टर्स के ऊपर छोड़ दिया कि अगर पहुँच गए तो बढ़िया है, नहीं और कोरम है तो अच्छी बात है, लेकिन और हो गई मीटिंग आपकी और आपने रेजोल्यूशन पास कर ली तो वैलिड है. और अगर कोरम नहीं पहुंच पाया उस दिन क्योंकि शॉर्टर नोटिस था तो मीटिंग हो ही नहीं पाएगी, फिर मीटिंग ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वीक के लिए एडजर्न हो जाएगी. एंड इफ दैट डे इज़ अ नेशनल हॉलीडे देन सक्सीडिंग डे विच इज़ नॉट अ नेशनल हॉलीडे, वो जो 174 में आगे लिखा हुआ है. लेकिन यहाँ लगता है कि कुछ और बेटर होना चाहिए, लॉ मेकर को कुछ यहाँ पर और बेटर लिखना चाहिए कि अगर मान लो कि शॉर्टर नोटिस की वजह से वेल एक दो लोग नहीं पहुँच पाए, आना चाहते थे लेकिन नहीं पहुँच पाए और वो गुस्सा है कि शॉर्टर नोटिस दिया हम तो नहीं पहुँच पाए. कंपनी ऐसी कंपनी है जहाँ पर आईडी नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, 10 में से 6 आ गए, 4 नहीं आ पाए और वो चिल्ला रहे हैं कि हम इसलिए नहीं पहुँच पाए क्योंकि शॉर्टर नोटिस था. तो
उस केस में वेल क्या कंपनी को फिर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी देनी चाहिए, मतलब ये सब अब प्रैक्टिकल बातें हैं। वो किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी हो ही ना तो भी एक प्रॉब्लम आएगी, आपस में झगड़े हो जाएंगे कि ये शॉर्टर नोटिस क्यों दिया। तो वेल शॉर्टर नोटिस दिया, कोरम आ गया, 6 डायरेक्टर पहुँच गए, रेजोल्यूशन पास कर लिए, 4 डायरेक्टर्स किसी ऐसी जगह पर थे जहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी भी नहीं थी और वो चिल्ला रहे हैं। तो वेल डिस्प्यूट्स हैं, इंटरनल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं और मामला कहीं मिसमैनेजमेंट वगैरह में इट मे गो टू द वेल आई से इन द न्यू लॉ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और इन द ओल्ड एक्ट टू द कंपनी लॉ बोर्ड कि सर मिसमैनेजमेंट हो रहा है कंपनी में। लेकिन वो फिर प्रैक्टिकल बातें सारी अलग चीज़ें हैं। सिर्फ मैं यहाँ कहूँगा थोड़ा सा अच्छा होता कि लॉ मेकर ने कुछ प्रोवाइड किया होता है यहाँ, लेकिन लॉ मेकर ने कुछ प्रोवाइड नहीं किया, मतलब सिर्फ लॉ मेकर ने यहाँ पर इतना यहाँ तक छोड़ दिया कि अगर कोरम पहुँच गया तो बोर्ड मीटिंग हो जाएगी, कोरम नहीं पहुँचा तो बोर्ड मीटिंग नहीं हो पाएगी। तो लॉ मेकर ने इतने पे ही कहानी को रोक दिया है, ख़त्म कर दिया है। एंड देन गोइंग ऑन फर्दर सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 एंड नाउ सेक्शन 173 सबसेक्शन 4 कहता है कंपनी का वो ऑफिसर जिसका फर्ज था ड्यूटी थी नोटिस भेजना और उसने वो अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं की, उसने नोटिस नहीं भेजा एंड ही फेल्स टू फुलफिल हिज ड्यूटी, तो उस ऑफिसर को पेनल्टी होगी एग्जैक्ट ₹25,000 एंड दिस पेनल्टी विल बी इम्पोज बाय ROC। इसके लिए कोई कंपनी लॉ बोर्ड या कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, पेनल्टी विल बी इम्पोज बाय ROC। फाइन होता है तो मामला कोर्ट में जाता है या हायर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ के पास जाता है, पेनल्टी है तो इट इज़ सिंपली डन बाय द ROC इन द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 में ये भी एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है, फ़ाइन है तो मामला कोर्ट में है और कोर्ट फाइन इम्पोज कर रहा है, और अगर मामला सिर्फ पेनल्टी का है तो पेनल्टी इज़ इम्पोज बाय द ROC। ओल्ड कंपनीज एक्ट में ये पेनल्टी और फाइन का अलग अलग बाइफर्केशन नहीं था, न्यू कंपनीज एक्ट में वी हैव दिस बाइफर्केशन ऑफ पेनल्टी एंड फाइन। अब फाइनली कुछ थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 का, एंड इन दिस एनालिसिस वी आर टॉकिंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट अबाउट दिस व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। सेक्शन के लिए एक चीज़ बोलूँगा विल सबसेक्शन 3 में कहीं भी बताया ही नहीं है, सबसेक्शन 3 में बस बोला है कि नोटिस राइटिंग में होना चाहिए और सारे डायरेक्टर्स को देंगे, लेकिन नोटिस के कंटेंट्स क्या होंगे ये चीज़ कहीं सबसेक्शन 3 में लॉ मेकर ने बताई नहीं है। तो एक चीज़ तो कॉमन सेंस से ही निकल आती है कि हम नोटिस में डेट टाइम प्लेस बताएंगे, विल बी टेलिंग द डेट टाइम प्लेस ओवर देयर और कि बोर्ड मीटिंग कब हो रही है, कहाँ हो रही है, कितने बजे हो रही है। और दूसरा है कि एजेंडा देना चाहिए या नहीं देनी चाहिए, लिस्ट ऑफ रेजोल्यूशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, लिस्ट ऑफ बिजनेस देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो हम कहते हैं कि एजेंडा देना कहीं कंपलसरी नहीं है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ नॉट कंपलसरी टू गिव द एजेंडा इन द नोटिस, एजेंडा देना कंपलसरी नहीं है, बट इट शुड बी गिवन एज अ मैटर ऑफ गुड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। तो एजेंडा देना कंपलसरी नहीं है, एजेंडा बोले तो लिस्ट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड इन द बोर्ड मीटिंग, तो वो कंपलसरी नहीं है बट इट शुड बी गिवन एज अ मैटर ऑफ गुड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। हाँ, एक केस में एजेंडा देना कंपलसरी है पूरे कंपनी लॉ में, और वो क्या है, जब वो आप सेकंड कंपनी में MD अपॉइंट कर रहे हैं, एक आदमी जो पहले से एक कंपनी में MD है उसको सेकंड कंपनी में MD अपॉइंट कर रहे हैं, तो सेकंड कंपनी में जब आप यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं तो सेक्शन 203 में ये आगे हम पढ़ेंगे लिखा हुआ है कि यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने से पहले उस बोर्ड मीटिंग में नोटिस में एजेंडा में ये बात लिखी होनी चाहिए कि मिस्टर स्टूडेंट्स हो जो पहले से एक कंपनी में MD है ABC लिमिटेड में या जो भी है और वो उसको हम अपनी कंपनी में MD अपॉइंट कर रहे हैं, तो ये बात पहले से एजेंडा में नोटिस में लिखी होनी चाहिए कि हम यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं। अगर हमने नोटिस में ये बात नहीं लिखी कि हम यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं और बोर्ड मीटिंग में हम बैठ भी गए और हमने यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन 100% कंसेंट के साथ पास कर भी लिया तो भी वो रेजोल्यूशन वॉइड एब इनिशियो है। तो ये ज़रूर है एजेंडा मस्ट कंटेन द रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन द सेक्शन 203 सबसेक्शन 3 इफ़ द बिजनेस इज प्रपोज टू बी ट्रांजेक्टेड इन द बोर्ड मीटिंग। तो अगर हमारी बोर्ड मीटिंग में टोटल 10 बिजनेस ट्रांजेक्ट करने हैं और उनमें से एक है दैट इज़ आई विल से सेक्शन 203 सबसेक्शन 3, तो बाकी 9 आइटम आप मत दो एजेंडा में, लेकिन ये एक आइटम तो आपको एजेंडा में डालनी ही पड़ेगी, मैंडेटरी है। मोर ओवर एक पॉइंट और है छोटा सा, कंपनी शेल ऑल्सो कम्प्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट। अगर कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है और वहाँ पर किसी आइटम के लिए बोला हुआ है कि एजेंडा में देना कंपलसरी है,
तो कंपलसरी है, और कंपनी शैल ऑल्सो कंप्लाई विद द लोन एग्रीमेंट. अगर कंपनी में वो नॉमिनी डायरेक्टर है फ्रॉम द लेंडिंग बैंक लेंडिंग इंस्टीट्यूशन और लोन एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि फुल एजेंडा देना कंपलसरी है, तो फिर फुल एजेंडा देना कंपलसरी है. तो कंपनी को सिर्फ कंपनी से कंप्लाई नहीं करना, कंपनी को उसके साथ साथ अगर लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टिंग एग्रीमेंट भी कंप्लाई करना है, और अगर बैंक लोन लिया हुआ है तो लोन एग्रीमेंट भी कंप्लाई करना है. प्लस अगर कंपनी के अपने खुद के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि एजेंडा देना कंपलसरी है और फुल एजेंडा देना कंपलसरी है, तो फिर है. तो कंपनी को सिर्फ कंपनी सेक्ट, आई रिपीट दैट, कंपनी को सिर्फ कंपनी सेक्ट नहीं कंप्लाई करना, चार चीज़ें कंप्लाई करनी है. कंपनी सेक्ट भी कंप्लाई करना है प्लस अलॉन्ग विद द रूल्स. नंबर टू, अपने आर्टिकल्स कंप्लाई करने हैं. नंबर थ्री, अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टिंग एग्रीमेंट कंप्लाई करना है. नंबर फोर, अगर कंपनी अगर पैसा बोरो किया है, बोरोड फंड्स है, नॉमिनी डायरेक्टर है, लोन एग्रीमेंट है, तो लोन एग्रीमेंट भी कंप्लाई करना है. तो टोटल चार चीज़ें कंप्लाई करनी है. अगला छोटा सा सवाल है, अगर हम नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग एक पर्टिकुलर डायरेक्टर को नहीं देते, 15 में से 14 डायरेक्टर को नोटिस दिया, एक डायरेक्टर को नोटिस नहीं दिया, तो क्या होगा? क्या फुल बोर्ड मीटिंग वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो है? आंसर इज नो. बोर्ड मीटिंग इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ सच डायरेक्टर, इट इज नॉट वॉइड एब इनिशियो. अगर वो डायरेक्टर ऑब्जेक्शन करता है कि मुझे नोटिस क्यों नहीं दिया और पूरी बोर्ड मीटिंग वॉइड है, मैं कहता हूँ बोर्ड मीटिंग वॉइड है, तो फिर पूरी बोर्ड मीटिंग फुल बोर्ड मीटिंग वॉइड है और सारे रेजोल्यूशन जो भी पास किए वो सारे इनवैलिड हैं. लेकिन जिस डायरेक्टर को नोटिस नहीं दिया वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, नोटिस नहीं दिया मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप नोटिस देते भी तो मैं आता नहीं, तो मैं आता नहीं नाउ इन दिस केस. और वो कह रहा है कि जो आपने कर लिया वो सब बढ़िया है, जो रेजोल्यूशन पास कर लिया वो बढ़िया, तो मीटिंग रिमेन्स वैलिड और जितने भी रेजोल्यूशन पास किए वो ऑल ऑफ देम रिमेन वैलिड. लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, अब उसको नोटिस नहीं दिया तो लीगल कॉन्ट्रावेंशन तो है, क्योंकि नोटिस देना स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट है, स्टैचुटरी ऑब्लिगेशन है. तो जिस ऑफिसर का फ़र्ज था, जिस ऑफिसर की ड्यूटी थी नोटिस देना, उसको वो पेनल्टी ज़रूर होगी. आई विल नॉट से फाइन, ये गलत वर्ड है, आई से पेनल्टी. उस ऑफिसर को पेनल्टी ज़रूर होगी एंड दैट इज़ अ पेनल्टी ऑफ ₹25,000. इट इज़ नॉट फाइन, इट इज़ पेनल्टी एंड दिस इज पेनल्टी ऑफ एग्जैक्ट ₹25,000, ना कम ना ज़्यादा, जो सेक्शन 173 सब सेक्शन 4 में लिखा है, एंड पेनल्टी एज इम्पोज बाय द ROC. तो दो बातें हैं, दो कॉन्सिक्वेंसेज हैं. एक तो पेनल्टी है ₹25,000 की उस ऑफिसर के लिए जिसकी ड्यूटी थी नोटिस देना और उसने नोटिस नहीं दिया. तो सबके लिए नहीं है, ओनली फॉर दैट ऑफिसर एंड होपफुली द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ दैट कंपनी. और दूसरा क्या है, बोर्ड मीटिंग इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ सच डायरेक्टर, कंसर्न डायरेक्टर जिसको नोटिस नहीं दिया. अब एक सवाल यहाँ ज़रूर उठता है और वो ये है, क्या कंपनी ये डिफेंस मांग सकती है कि गलती से नोटिस देना रह गया, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो पर्टिकुलर डायरेक्टर चिल्ला रहा है मुझको नोटिस क्यों नहीं दिया, पूरी बोर्ड मीटिंग वॉइड है, रेजोल्यूशन इनवैलिड है, कंपनी डिफेंस मांग रही है कोर्ट के अंदर खड़े होकर, केस चल रहा है और कंपनी कह रही है कि सर गलती से देना रह गया, हमने तो प्रिंट तो करवाया था लेकिन रह गया, तो 14 को दिया, इनको देना गलती से रह गया, अब रेजोल्यूशन उसको वैलिड रहने दो. क्या कंपनी डिफेंस मांग सकती है कि बाय जेन्युइन मिस्टेक रह गया? आंसर इज नो. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जल मीटिंग के चैप्टर में IPCC में तब भी पढ़ा था और आज भी न्यू कंपनीज एक्ट में भी है, आज भी न्यू कंपनीज एक्ट में भी है कि अगर कुछ शेयर होल्डर्स को गलती से नोटिस देना रह गया और कंपनी प्रूव कर देती है कि जेन्युइन मिस्टेक है, तो जनरल मीटिंग रिमेन्स वैलिड और रेजोल्यूशन जो पास किए वो जनरल मीटिंग में दे रिमेन वैलिड, चाहे कुछ शेयर होल्डर्स को नोटिस नहीं मिला. और वो ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं कोर्ट में कि मीटिंग को वॉइड डिक्लेयर करो, अगर कोर्ट में कंपनी प्रूव कर देती है कि हमारी जेन्युइन मिस्टेक थी और कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं थी, तो उस केस में जनरल मीटिंग विल रिमेन वैलिड एंड इट विल नॉट बिकम इनवैलिड. तो जनरल मीटिंग में और बोर्ड मीटिंग में थोड़ा सा मैं कहूँगा कॉन्सेप्ट उल्टा है, कॉन्सेप्ट उल्टा है. जनरल मीटिंग के अंदर डिफेंस मिल जाता है कि गलती से नोटिस देना रह गया, बोर्ड मीटिंग में डिफेंस नहीं मिलता. और रीज़न हो सकता है कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लाखों शेयर होल्डर्स हैं, इक्का दुक्का शेयर होल्डर्स को गलती से नोटिस देना रह जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन बोर्ड मीटिंग है, सिर्फ 15 डायरेक्टर्स हैं और वट एवर अप्रॉक्सीमेटली 15 डायरेक्टर्स हैं, उनमें से एक को नोटिस देना रह गया, तो ये बात समझ में आती नहीं है, ये तो लापरवाही है, केयरलेसनेस है. आगे बढ़ते हैं. तो अगर एक दो यही क्वेश्चन आंसर में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग इज नॉट सेंट टू वन और टू डायरेक्टर्स, वेदर द कंपनी कैन आस्क फॉर द डिफेंस ऑफ इन एडवर्टेंस. इन एडवर्टेंस का मतलब जेन्युइन मिस्टेक और एक्सीडेंटल ओमिशन, गलती से रह गया. क्या कंपनी डिफेंस मांग सकती है? आंसर इज नो, द कंपनी कैन नॉट आस्क फॉर डिफेंस. द नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग वॉज
if that notice was not given due to inadvertence or whatever. यहाँ एक स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक कर लीजिएगा. दिस इज इनएडवर्टेंस, वो डबल टाइपिंग है. हाउएवर द डिफेंस ऑफ इनएडवर्टेंस इज अवेलेबल इन केस ऑफ जल मीटिंग. जल मीटिंग्स में ये हम माफ़ी मांग लेते हैं कि सर गलती से रह गया, और कोर्ट माफ़ कर देता है और मीटिंग रिमेन्स वैलिड. देन टॉकिंग अबाउट दैट, एक और खास सवाल है. कंपनी में 5 डायरेक्टर हैं, उनमें से एक डायरेक्टर ने राइटिंग में लिख कर दिया है कि मुझे नोटिस मत देना, और मुझे नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, ना ईमेल करना, ना बाय पोस्ट देना, मुझे नोटिस मत देना. जब भी बोर्ड मीटिंग होगी मैं अपने आप ही पता कर लूँगा कि बोर्ड मीटिंग कब हो रही है, मैं खुद ही पता चला लूँगा, और आना होगा तो आ जाऊँगा, नहीं आना होगा तो नहीं आऊँगा, तो प्लीज़ मुझे नोटिस मत देना. उसने राइटिंग में लिख कर दिया है रिटन वेवर, क्या उसको भी नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग जाना चाहिए? क्या कंपनी की ड्यूटी है कि उसको भी नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग देंगे ही देंगे? आंसर इज यस, इट इज़ कंपल्सरी दैट कंपनी हैज़ टू गिव द नोटिस टू सच डायरेक्टर ऑल्सो. और कहना चाहिए नोटिस देना जो है वो एक स्टैचूटरी ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है. अगर कंपनी की कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होती टुवर्ड्स डायरेक्टर, तो डायरेक्टर उस कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को नलीफाई कर सकता है, वेव ऑफ कर सकता है कि जाओ मैंने आपको फ्री किया फ्रॉम द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन. लेकिन जो नोटिस भेजना है वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, वो स्टैचुटरी ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन है. तो कोई डायरेक्टर उसको कैसे वेव ऑफ कर सकता है, कोई इंडिविजुअल लॉ को कैसे नलीफाई कर सकता है? दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. तो क्वेश्चन नंबर 4 यही है कहानी नीचे, कि एक डायरेक्टर ने राइटिंग में रिटन वेवर दिया है कंपनी को कि मुझको नोटिस मत देना, क्या उसको भी नोटिस देना कंपलसरी है? आंसर इज यस. लेकिन अब एक सवाल और उठता है साथ में, मान लो हमने उसको नोटिस नहीं दिया, उसने रिटन वेवर दिया था, हमने उसको नोटिस नहीं दिया, तो क्या उस केस में भी 25,000 का फाइन होगा? आंसर इज यस, 25,000 की पेनल्टी, नॉट फाइन, 25,000 की पेनल्टी होगी. और क्योंकि हमने स्टैचुटरी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की, दैट इज क्लियर टू एवरीबडी. एक चीज और, क्या वो डायरेक्टर जिसको उसको हमने नोटिस नहीं दिया, क्या वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है दैट होल मीटिंग इज वॉइड और वॉइडेबल एट माय ऑप्शन? अब यहां पर मैं कहूंगा रूल ऑफ एस्टॉपल लगता है. रूल ऑफ एस्टॉपल बोले तो ही इज स्टॉप्ड बाय हिज ओन कंडक्ट. ही इज स्टॉप्ड बाय हिज ओन कंडक्ट मतलब उसने खुद तो राइटिंग में लिख कर दिया था कि मुझे नोटिस नहीं देना, और फिर अगर हमने उसको नोटिस नहीं दिया तो हमने क्या गलत किया? उस केस में फिर वो हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता, उसका ऑब्जेक्शन रेज करने का राइट खत्म हो गया क्योंकि उसने राइटिंग में लिख कर दिया था. हाँ, हमने नोटिस नहीं दिया, उसकी पेनल्टी हम देंगे 25,000 रुपीज़, स्टैचुटरी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की, तो जो लॉ में लिखा है पेनल्टी 25,000 रुपीज़, वो हमें देना पड़ेगा. लेकिन मीटिंग इज़ नॉट वॉइडेबल एट हिज ऑप्शन अगर हमने उसको नोटिस नहीं दिया, क्योंकि उसने रिटन वेवर दिया था. तो दिस इज़ रूल ऑफ एस्टॉपल, और यही चीज़ यहाँ नीचे लिखी हुई है. इफ़ यू रीड दिस आंसर के अंदर, तो क्वेश्चन वही है, जिसने रिटन वेवर दिया उसको नोटिस देना पड़ेगा या नहीं? आंसर इज यस, नोटिस उसको भी देना पड़ेगा. और अगर उसको हम नोटिस नहीं देते हैं तो उस केस में भी पेनल्टी ऑफ रुपीज 25,000 उसमें भी होगी. तो यहाँ पर भी एक इम्प्रूवमेंट कर लीजिएगा, दिस इज पेनल्टी ऑफ रुपीज 25,000 इस केस में भी होगी अगर हमने उसको नोटिस नहीं दिया. सॉरी, पेनल्टी ऑफ रुपीज 25,000 इस केस में भी होगी अगर हमने उसको नोटिस नहीं दिया. बट द बोर्ड मीटिंग इज नॉट अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ सच डायरेक्टर, दैट इज ही कैन नॉट ऑब्जेक्ट टू द वैलिडिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड ही इज स्टॉप्ड बाय हिज ओन कंडक्ट, रूल ऑफ एस्टॉपल. देन टॉकिंग अबाउट दैट, और एक छोटा सा सवाल है, और वो सवाल ये है कि हमारी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि हर महीने एक बोर्ड मीटिंग होगी, और एक साल में 12 बोर्ड मीटिंग होगी, और हर महीने 3rd Friday 11 AM there will be a board meeting. सुबह 11 बजे बोर्ड मीटिंग होगी एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. क्या इस केस में भी हर बार 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 नोटिस देना पड़ेगा? ऑलरेडी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी ने अपने लिख दिया एक बार, और आप लोगों को अगर थोड़ा सा याद है, आपने IPCC में किया होगा इन द चैप्टर ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब कंपनी बनाते हैं तो हम अपना MOA AOA मेमोरेंडम और आर्टिकल ROC के पास फाइल कर देते हैं, और एक बार वो ROC की वेबसाइट पे चला गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे चला गया, तो इट इज़ अ नोटिस टू द वर्ल्ड एट लार्ज एंड इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं है, बट इट वॉज देयर इन द सिलेबस ऑफ IPCC.
डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब नोटिस टू द वर्ल्ड एट लार्ज. तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर ऑन द वेबसाइट ऑफ एमसीए एंड दे आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, दे आर नोटिस टू द वर्ल्ड एट लार्ज. तो सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है. आर्टिकल्स में तो कंपनी ने पहले दिन से शुरू से लिखा ही हुआ है कि हर महीने एक बोर्ड मीटिंग होगी, एवरी मंथ थर्ड फ्राइडे 11 AM. इस केस में मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या हर बार फ्रेश नोटिस देंगे, या जो एक बार बता दिया वंस फॉर ऑल आर्टिकल्स में लिख दिया सफिशिएंट है? तो यहाँ पर कोर्ट केस हुआ और कोर्ट केस में कोर्ट ने कहा कि एक बार जो आर्टिकल्स में लिख दिया वो सफिशिएंट है, क्योंकि जो आर्टिकल्स में लिखा है वो भी तो राइटिंग में है एंड इट इज़ द कंस्ट्रक्टिव नोटिस टू द वर्ल्ड एट लार्ज. क्या ये आर्टिकल्स हर महीने बाय पोस्ट डायरेक्टर के पास भेजें या बाय हैंड डिलीवरी डायरेक्टर के पास भेजें? हाँ जी, क्या लगता है? अब कोर्ट ने इस केस में ना कॉमन सेंस यूज किया है. सिर्फ ओल्ड एक्ट में भी कहते थे नोटिस शैल बी गिवन राइटिंग एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इन इंडिया, ओल्ड एक्ट में भी कहते थे. कोर्ट ने कहा कि इन इंडिया भी भेजना क्या जरूरी है, मतलब उसके एड्रेस पे भेजना जरूरी नहीं है. कोर्ट ने कहा एक बार आर्टिकल्स में बोल दिया तो बोल दिया और हमारा जो लॉ का पर्पज़ है वो सर्व हो रहा है. तो यहाँ पर कोर्ट जो है वो लॉ से हटकर एक जजमेंट दे रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कॉमन सेंस के हिसाब से देखें तो जजमेंट इज़ करेक्ट. और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो लॉ में नहीं लिखा था, ना ओल्ड लॉ में लिखा था ना न्यू लॉ में लिखा है, वो कोर्ट यहाँ पर अप्लाई कर रहा है. तो वेल मेरे हिसाब से जो लॉजिक कोर्ट ने तब दिया था एज पर द ओल्ड एक्ट या एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, वो लॉजिक आज भी इंडिया में एप्लीकेबल है. तो ये जजमेंट जो पहले एप्लीकेबल थी ये आज भी एप्लीकेबल है एज इट इज़. तो अरुणाचलम चेतियार वर्सेस कालेश्वर मिल्स लिमिटेड ओवर देयर द नेम ऑफ द केस एंड वी टॉक अबाउट दिस. एंड इन दिस केस एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा. कोर्ट ने कहा वेयर द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी एक्सप्रेसली प्रोवाइड दैट बोर्ड मीटिंग विल बी कन्वीन्ड एवरी मंथ ऑन थर्ड फ्राइडे एट 10 AM एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, द कोर्ट हेल्ड दैट देयर इज नो नीड ऑफ सेंडिंग द फ्रेश नोटिस और यू कैन से नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग अ फ्रेश फॉर एवरी बोर्ड मीटिंग बिकॉज द नोटिस गिवन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज सफिशेंट. बट देयर इज वन एक्सेप्शन, लेकिन उसके बाद एक एक्सेप्शन है और वो क्या है? सेक्शन 203 सबसेक्शन 3. और उसमें तो जो सेकेंड कंपनी में हम MD अपॉइंट कर रहे हैं एक पर्सन को, सेकेंड कंपनी में सेकेंड MDship दे रहे हैं, वो तो आपको स्पेसिफिक नोटिस देना ही देना है. क्योंकि अगर आप स्पेसिफिक नोटिस नहीं दोगे, वो एजेंडा में नहीं दोगे, तो फिर वो रेजोल्यूशन आप पास कर भी लोगे यूनानिमसली तो रेजोल्यूशन वॉइड है. तो ऊपर जो रूल दिया गया है वो एक जनरल रूल है जो केस है, और उसकी एक एक्सेप्शन है न्यू कंपनी लॉ में अंडर सेक्शन 203. और मैं एक क्यों बोल रहा हूँ, जबकि मैंने शुरू में डिस्कशन के शुरू में बात की थी पेज नंबर 2.1 पे कि यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन तो पूरे कंपनी लॉ में 3 जगह चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ कि एक है, कारण है क्योंकि जो बाकी दोनों यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन हैं वहाँ पर सेक्शन में या रूल में कहीं नहीं लिखा कि उसका एडवांस नोटिस दो और एक्सप्रेस नोटिस दो. और 203 सबसेक्शन 3 में लिखा है कि एडवांस नोटिस दो. तो यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन वाली भी जो 3 आइटम हैं उन 3 आइटम्स को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, एक तरफ 203 सबसेक्शन 3 और एक तरफ 186 सबसेक्शन 5 एंड दैट रूल 7 सब रूल 4 ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014. तो 203 सबसेक्शन 3 में पहले एडवांस नोटिस देंगे, उसके बाद यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे. और बाकी दोनों में एडवांस नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, लॉ में नहीं लिखा, डायरेक्टली यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास कर लेंगे ऑन द स्पॉट बोर्ड मीटिंग में बैठकर, तो चलेगा, दैट विल डू. उसमें कहीं लॉ मेकर ने लॉ में मेंशन ही नहीं किया कि आपको एडवांस नोटिस देना है बाकी दोनों आइटम्स में. नॉट टॉकिंग अबाउट दिस फर्दर. तो यहाँ तक कहानी समझ में आई. एज पर कोर्ट अगर आर्टिकल्स में एक बार लिख दिया तो इट इज़ सफिशियंट नोटिस फॉर ऑलवेज, और हर बार आप फ्रेश नोटिस भेजना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक एक्सेप्शन 203 सबसेक्शन 3 में ज़रूरी है. फिर एक छोटा सा सवाल है, हमारा ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया के बाहर है 3 महीने या उससे ज़्यादा के लिए, उसका ऑल्टरनेट डायरेक्टर इंडिया में हमने अपॉइंट कर दिया, अब दोनों हैं, ओरिजिनल भी है और ऑल्टरनेट भी है, तो नोटिस किसको देंगे, ओरिजिनल को देंगे या ऑल्टरनेट को देंगे? एंड द आंसर इज दोनों को देंगे. और दोनों का भी जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस हमारे पास है उसके हिसाब से नोटिस दोनों को दिया जाएगा. तो इट इज़ नॉट कि ऑल्टरनेट को देंगे सिर्फ और ओरिजिनल को नहीं देंगे. नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग शैल बी गिवन टू बोथ ऑफ देम, ओरिजिनल डायरेक्टर ऑल्सो एंड ऑल्टरनेट डायरेक्टर ऑल्सो, दोनों को नोटिस देंगे. और क्या पता ओरिजिनल डायरेक्टर को लगे कि इस
नोटिस में कुछ स्पेशल है, एजेंडा में कुछ स्पेशल है, कोई स्पेशल आइटम है या कोई स्पेशल रेजोल्यूशन है जिसके लिए मुझे इंडिया जाना चाहिए, तो ही मे कम बैक टू इंडिया टू अटेंड द बोर्ड मीटिंग, या बोल सकता है मैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करना चाहता हूँ, तो कुछ भी कह सकता है। और उस केस में फिर जब वो खुद अटेंड करेगा थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो मैं कहूँगा ऑल्टरनेट डायरेक्टर को कायदे से फिर उस केस में अटेंड नहीं करना चाहिए, वहाँ पर नहीं बैठना चाहिए इन दैट पर्टिकुलर केस। लेकिन इसको लेकर थोड़ा सा मैं कहूँगा न्यू कंपनीज एक्ट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को और अच्छे से क्लैरिफाई करना चाहिए इन चीज़ों को। लेकिन ये चीज़ ज़रूर क्लियर है कि नोटिस तो दोनों ही डायरेक्टर्स को देना पड़ेगा एज पर सेक्शन 173, दैट इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट, नोटिस शैल बी गिवन टू ऑल डायरेक्टर्स एट देयर रजिस्टर्ड एड्रेस विच इज़ गिवन टू द कंपनी। देन बोर्ड मीटिंग, अब स्पेशल प्रोविजन हम बात करने जा रहे हैं इन OPC कंपनी, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डॉर्मेंट कंपनी। OPC कंपनी हमें मालूम है, देर इज़ ओनली वन शेयर होल्डर, ओनली एग्जैक्ट वन शेयर होल्डर, दो द डायरेक्टर में भी वन और मोर देन वन। स्मॉल कंपनी भी हमें मालूम है, इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी जिसमें पेड ऑफ कैपिटल 50 लाख या 50 लाख से कम होती है और टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम होती है। ये हमने टाइप ऑफ कंपनीज के चैप्टर में डील किया था, बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर ऑफ द कंपनी लॉ। एंड देन डॉर्मेंट कंपनी, नाउ व्हेन आई से द डॉर्मेंट कंपनी, ये हमारा पहले कभी बात नहीं हुई इसके बारे में, हमारी पहले कभी कोई बात नहीं हुई, कोई डिस्कशन नहीं हुआ। डॉर्मेंट कंपनी इज़ अ न्यू फैसिलिटी इन द न्यू कंपनीज एक्ट, जो ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 में नहीं था। डॉर्मेंट कंपनी में क्या कहानी है कि हम एक कंपनी बना रहे हैं आज की तारीख में, लेकिन हम बिज़नेस अभी शुरू नहीं करना चाहते, बिज़नेस हम करना चाहते हैं 3 साल बाद 4 साल बाद, बट विद इन 5 ईयर्स। अभी हम उस कंपनी को बनाकर उसके नाम से एक लैंड, एक प्रॉपर्टी खरीद कर छोड़ देना चाहते हैं, और अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है और हम चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी मिस ना हो, लेकिन बिज़नेस अभी शुरू करने का हमारा इरादा नहीं है। तो हम शुरू से ही ROC को जो डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं उसी में बता देते हैं कि सर दिस कंपनी इज़ गोइंग टू बी अ डॉर्मेंट कंपनी, और अभी डॉर्मेंट का मतलब सो रही है कंपनी, स्लीपिंग कंपनी, और ये कंपनी अभी बिजनेस नहीं करेगी, लेकिन इस कंपनी को हम एक्टिव कर लेंगे विद इन मैक्सिमम 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर अंदर एक्टिव करेंगे। तो उस डॉर्मेंट कंपनी को कंपनी लॉ में बहुत सारी रिलैक्सेशंस मिलती हैं, डॉर्मेंट कंपनी को कुछ स्पेशल रिलैक्सेशंस कंपनी लॉ में मिलती हैं जो कि दूसरी कंपनीज के लिए नहीं है। तो उनमें से एक रिलैक्सेशन ये भी है, नाउ दिस इज़ वन ऑफ द रिलैक्सेशन, और बाकी डॉर्मेंट कंपनी आगे कहीं ना कहीं डिटेल में उठेगा, दैट विल बी कमिंग अप ओवर देयर। अभी फ़िलहाल मैं कहूँगा, फ़िलहाल सिर्फ इतना छोटा सा दिमाग में रखिए, क्योंकि मेन टॉपिक से मैं हटना नहीं चाहता और मेन टॉपिक पे फोकस रखना चाहता हूँ। तो डॉर्मेंट कंपनी क्या है, कंपनी अभी बना ली है और ROC को शुरू से बता दिया है कि कंपनी डॉर्मेंट कंपनी है, रजिस्टर इट एज अ डॉर्मेंट कंपनी, बट वी प्रॉमिस वी विल कन्वर्ट इट इन एन एक्टिव कंपनी विद इन 5 ईयर्स, विद इन मैक्सिमम 5 ईयर्स, और अगर हम एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट ना करें तो आप इस कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर देना फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, जैसे कि कंपनी की डेथ हो गई है। तो हम प्रॉमिस करते हैं कि 5 साल के अंदर अंदर हम इसको एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट कर लेंगे। नौ सेक्शन वापस फोकस एरिया लेकर आते हैं जहां होना चाहिए, अब वापस आते हैं बोर्ड मीटिंग में। OPC कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, डॉर्मेंट कंपनी है, इन तीनों के लिए इट शैल बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, मान लिया जाएगा कि उन्होंने ये पूरा सेक्शन 173 कंप्लाई कर लिया, इफ एट लीस्ट वन मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज कंडक्टेड इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। अगर ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर बोले तो 1 January to 30 June एंड 1 July to 31 December, इस बीच में अगर एक एक बोर्ड मीटिंग करवा लेते हैं, वन बोर्ड मीटिंग इन फर्स्ट हाफ, वन बोर्ड मीटिंग इन सेकेंड हाफ, तो ये ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि ये सेक्शन कंप्लाई हो गया। तो मतलब कहने का मतलब इन तीनों को 4 बोर्ड मीटिंग नहीं करवानी एक साल में, सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग करवानी है, एक बोर्ड मीटिंग फर्स्ट हाफ में, एक बोर्ड मीटिंग सेकेंड हाफ में, तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि उनकी 4 बोर्ड मीटिंग हो गई, या फिर ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि ये सेक्शन कंप्लाई हो गया। तो OPC कंपनी, स्मॉल कंपनी और डॉर्मेंट कंपनी शैल बी डीम्ड, मान लिया जाएगा, शैल बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, कि उन्होंने 173 कंप्लाई कर लिया, इफ अगर एटलीस्ट वन बोर्ड मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ बीन कंडक्टेड इन ईच हाफ ऑफ अ कैलेंडर ईयर, फर्स्ट हाफ वन, सेकेंड हाफ वन, एंड द गैप बिटवीन द 2 बोर्ड मीटिंग्स इज नॉट लेस देन 90 डेज, गैप मिनिमम 90 डेज, कम से कम 90 दिन का गैप होना चाहिए, ये मैक्सिमम 90 डेज नहीं है, ये मिनिमम 90 डेज है। 90 डेज से ज़्यादा का गैप है 120 डेज, 150 डेज, 180 डेज, 200 डेज चलेगा,
बट 90 डेज से कम का गैप नहीं होना चाहिए. तो एक बोर्ड मीटिंग फर्स्ट हाफ में, एक बोर्ड मीटिंग सेकेंड हाफ में, और दोनों के बीच में कम से कम 90 दिन का गैप ज़रूर होना चाहिए. लेकिन एक सवाल ज़रूर आता है यहाँ पर भी दिमाग में, सोचिए, थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, क्या ये कंपनी अपनी मर्जी से एक साल में 3 बोर्ड मीटिंग करवा सकती है? क्या ये कंपनी एक साल में अपनी मर्जी से 3, 4, 5 बोर्ड मीटिंग करवा सकती है अपनी मर्जी से वॉलंटियरली? मुझे लगता है आंसर इज यस, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ. ये तो पहला लीगल रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो गई अगर आपने दोनों तरफ एक एक करवा ली. एक एक से ज़्यादा करवाना चाहते हैं, फर्स्ट हाफ में 2-3 करवा ली, सेकेंड हाफ में भी 2-3 करवा ली, तो मना कोई नहीं करता. बस इतना याद रखना, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ जो आप बोर्ड मीटिंग करवा रहे हैं, मिनिमम गैप हैज़ टू बी 90 डेज जो दिख रहा है यहाँ पर. सो द टू बोर्ड मीटिंग्स, द गैप बिटवीन द टू बोर्ड मीटिंग्स इज नॉट लेस देन 90 डेज, इट हैज़ टू बी मेंटेन. देन टॉकिंग अबाउट दैट, लास्ट पॉइंट है, अगर इस सेक्शन के अंदर अगर आपकी ओपीसी कंपनी है और उसमें केवल एक ही डायरेक्टर है, क्योंकि ओपीसी कंपनी में 1 और मोर एंड अप टू 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, अगर आपकी ओपीसी कंपनी है और सिर्फ एक ही डायरेक्टर है, तो नथिंग कंटेंड इन दिस सबसेक्शन 5 एंड इन सेक्शन 174 शेल अप्लाई टू ओपीसी कंपनी वेयर देयर इज ओनली 1 डायरेक्टर. तो ऐसी ओपीसी कंपनी में ना तो ये सबसेक्शन अप्लाई, मतलब उस ओपीसी कंपनी को 2 बोर्ड मीटिंग भी करवाने की आवश्यकता नहीं है. 4 तो दूर की बात है, 2 भी नहीं करवानी, क्योंकि डायरेक्टर सिर्फ एक है. तो जिस ओपीसी कंपनी में सिर्फ एक डायरेक्टर है, ना उसको 2 बोर्ड मीटिंग करवानी है ना 4 बोर्ड मीटिंग करवाने की कोई लीगल रिक्वायरमेंट है ही नहीं, बिकॉज देयर इज ओनली 1 डायरेक्टर. और एट द सेम टाइम उस ओपीसी कंपनी में सेक्शन 174 जो अगला सेक्शन है कोरम, वो भी अप्लाई नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल. नाउ इफ देयर इज ओनली 1 डायरेक्टर, अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो मैं कहूंगा सेक्शन 173 के साथ जुड़ा हुआ रूल 3 है. रूल 3 एंड रूल 3 इज मीटिंग ऑफ बोर्ड थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स. और रूल 3 मैं कहूंगा लड्डू है, लॉलीपॉप है. रूल 3 इज एक्चुअली अ वेरी सिंपल लॉलीपॉप ओवर देयर. आई एम जस्ट रनिंग थ्रू दिस, इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल है नहीं. एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट बीच में आता है, नहीं तो सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं. मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा रहे हैं तो मोटा मोटा बात कर लेते हैं इसके बारे में पढ़ने से पहले. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी और वो जो ऑडियो विजुअल मीन्स फैसिलिटी है, इक्विपमेंट अरेंज करना है, सॉफ्टवेयर चाहिए या वो फैसिलिटी अरेंज करनी है, वो सारी जिम्मेदारी, वो सारा दारोमदार रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? 2 लोगों के ऊपर. नंबर 1 चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, नंबर 2 कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, CS इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो रूल 3 में लिखा है. इनकी जिम्मेदारी है वो सारा इक्विपमेंट और वो सारा अरेंजमेंट पूरा करें. दूसरा इनकी जिम्मेदारी है कि वो जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोर्ड मीटिंग चल रही हो तो बीच में ट्रांसमिशन टूटना नहीं चाहिए, डिस्कशन टूटना नहीं चाहिए, और किसी भी एंड पे, कहीं भी, किसी भी एंगल पे, किसी का भी, मतलब किसी भी डायरेक्टर का पर्सनल ट्रांसमिशन बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए. अगर ब्रेक होता है किसी का पर्सनल ट्रांसमिशन, तो वो डायरेक्टर जब वापस ट्रांसमिशन में आता है तो वो रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे एब्सेंस में जो जो भी आपने डिस्कस कर लिया वो कृपया करके मुझे बता दीजिए और थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दीजिए कि मेरी एब्सेंस में क्या क्या डिस्कस हुआ. तो हमें उसके लिए रिपीट करना पड़ेगा, दैट इज़ रिक्वायर्ड. फिर ऑब्वियसली प्रॉपर रिकॉर्डिंग पूरी होनी चाहिए उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, अलॉन्ग विद द डेट एंड टाइम प्रॉपर रिकॉर्डिंग ज़रूर होनी चाहिए, कंपलसरी है. और फिर उसको स्टोर भी करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, स्टोरेज भी होनी चाहिए. अगर कोई डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बोर्ड मीटिंग अटेंड करना चाहता है तो वो कंपनी को पहले एडवांस में बताएगा. और इसमें 2 ऑप्शन है, ध्यान से सुनेगा. पहली ऑप्शन है जब हम उसको नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग देंगे उस वक्त वो कंपनी को बताएगा एडवांस में, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग मिलने के बाद और एक्चुअल बोर्ड मीटिंग होने से पहले, कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मीटिंग से 3 दिन पहले 4 दिन पहले सफिशेंटली इन एडवांस ताकि कंपनी अरेंजमेंट्स कर सके. तो एक तो ऑप्शन ये है डायरेक्टर के पास, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग रिसीव करते ही कंपनी को इन्फॉर्म करते कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करना चाहता हूँ और मैं फिजिकली नहीं आऊँगा. और एक ऑप्शन और है, कैलेंडर ईयर स्टार्ट होते ही 1 जनवरी आते ही शुरू में ही इन्फॉर्म करते कि इस कैलेंडर ईयर में 1 जनवरी 2015 to 31 December 2015 आई विल अटेंड ऑल द बोर्ड मीटिंग्स बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. तो वो जो एक बार इन्फॉर्म कर देगा, इट इज़ वैलिड फॉर 1 full year. फिर नेक्स्ट ईयर वो इन्फॉर्म करना चाहे दोबारा करे, ना करना चाहे ना करे. तो बेसिकली एज पर रूल 3 हम डायरेक्टर को 2 ऑप्शन दे रहे हैं,
या तो वो कैलेंडर ईयर की बिगनिंग में ही इन्फॉर्म कर सकता है फॉर द होल कैलेंडर ईयर, या फिर अगर वो बिगनिंग में इन्फॉर्म नहीं करता तो वो केस टू केस बेसिस हर बोर्ड मीटिंग के लिए इंडिविजुअली सेपरेटली सेपरेटली भी इन्फॉर्म कर सकता है। ये सारी बातें रूल थ्री में लिखी हुई हैं, दे आर मैंशन ओवर हेयर। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर, रादर छोटा सा पॉइंट है, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अटेंडेंस कैसे नोट करेंगे, मतलब जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अब हमारी कंप्यूटर स्क्रीन को हम 9 पार्ट्स में, लेट अस प्रज्यूम 9 बॉक्सेस में डिवाइड कर देते हैं या 15 बॉक्सेस में डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी लैपटॉप स्क्रीन अब 15 बॉक्सेस में डिवाइडेड है, या वो प्रोजेक्टर प्रोजेक्शन जा रहा है 15 बॉक्सेस में डिवाइडेड है, और हम उन 15 डायरेक्टर्स को एट अ टाइम देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, साइमल्टेनियसली उन 15 डायरेक्टर्स को देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं, और हर डायरेक्टर वो स्क्रीन देख पा रहा है और वो अपने आप को भी देख पा रहा है और दूसरों को भी देख पा रहा है कि हाँ हम सब लोग एट अ टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और साइमल्टेनियस डिस्कशन चल रहा है। तो जब शुरू होगी बोर्ड मीटिंग तो एक रोल कॉल होगा और हर डायरेक्टर को रोल कॉल में पार्टिसिपेट करना है और वो बताएगा कि माय नेम, पहले तो अपना नाम बताएगा, माय नेम इज़ दिस, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ और मैं सो एंड सो लोकेशन में बैठा हूँ, इन जोहान्सबर्ग या इन लंडन या इन न्यूयॉर्क, मैं किस लोकेशन पर बैठा हूँ, ये वो साथ में डिस्क्लोज करेगा और एक स्टेटमेंट देगा कि जो मैं सामने दिख रहा हूँ, मैं अकेला ही बैठा हूँ और कोई अनऑथराइज पर्सन मेरे आसपास इस रूम में प्रेजेंट नहीं है, आई एम द ओनली वन हु इज सिटिंग इन दिस रूम एंड अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग, कोई अनऑथराइज पर्सन, कोई दूसरा व्यक्ति मेरे राइट पे या मेरे लेफ्ट पे नहीं बैठा हुआ है जो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को देख रहा हो, तो आई एम द ओनली वन हु इज प्रेजेंट, ये डिक्लेरेशन उसको साथ में देनी है। लेकिन इसमें रूल थ्री एक चीज़ और भी कहता है कि अगर कोई डायरेक्टर डिसेबल्ड है, इसको रादर सेक्शन में डिसेबल्ड नहीं लिखा है, रूल में डिसेबल्ड नहीं लिखा है, लिखा है डिफरेंटली एबल्ड है, अगर कोई डायरेक्टर डिफरेंटली, एंड दैट इज़ हाउ वी विल गिव द रिस्पेक्ट ओवर हेयर, कि अगर कोई डायरेक्टर डिफरेंटली एबल्ड है तो अगर उसको किसी के सहारे की ज़रूरत है तो वो शुरू में ही एडवांस में रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर उस बोर्ड मीटिंग में मैं अकेला नहीं बैठ पाऊँगा, मेरे साथ एक अटेंडेंट आएगा साथ में, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसेंट देते हैं तो ऑब्वियसली ही कैन कम विद द अटेंडेंट ऑल्सो एट द सेम टाइम। सो इन जनरल डायरेक्टर जब बोर्ड मीटिंग में बैठेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो जिस रूम में वो बैठेगा इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन वहाँ पर वो अकेला होना चाहिए, उसके साथ और कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए एक्सेप्शन है कि वो अपने साथ अपना अटेंडेंट ला सकते हैं, अपना हेल्पिंग हैंड ला सकते हैं। एक और छोटा सा पॉइंट और वो ये है कि अगर कोई हमें ऑन द स्पॉट कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, कोई रजिस्टर साइन करना है, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, अब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसपे सारे डायरेक्टर्स के सिग्नेचर चाहिए जो कि उस वक्त की रिक्वायरमेंट है, साइन कैसे करेंगे वो लोग, हाउ विल दे पुट द सिग्नेचर। नाउ इट इज़ वेरी फनी, रूल थ्री में लिखा हुआ, अब ये बड़ा अजीब सा फनी सा पॉइंट है कि सभी डायरेक्टर्स वर्बली बोल देंगे हाँ मैंने साइन किया, अब मेरा नाम ये है और मैं सो एंड सो लोकेशन पे बैठा हूँ और मैं वर्बली साइन कर रहा हूँ, हाँ मैंने साइन किया, तो मान लेंगे डीम्ड है कि उन्होंने फिजिकली साइन कर दिया, मैनुअली साइन कर दिया, और ये मान लेंगे कि वो डॉक्यूमेंट साइन हो गया बाय ऑल द डायरेक्टर्स हु हैव गिवन द वर्बल कंसेंट फॉर सिग्नेचर। सो इट लुक्स लिटिल फनी ओवर हियर, बट रूल थ्री में ये बातें लिखी हुई हैं कि सिग्नेचर भी बोल कर दिए जाएंगे और कहानी ख़त्म हो जाएगी। सो फ्यू aspects, और अब एक बार जस्ट रन अक्रॉस कर लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था रूल थ्री का, काफ़ी सारे पॉइंट्स तो पता चले गए हैं, तो रूल थ्री एक बार फटाफट बीच में से वेल रीड आउट कर लेते हैं। तो कंपनी शैल कंप्लाई विद द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर कन्वीनिंग कंडक्टिंग द बोर्ड मीटिंग्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और थ्रू द अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, और फिर से बोलूँगा वो अदर ऑडियो विजुअल मीन्स लुक्स लाइक स्काइप और स्काइपे, एंड ऐसा लगता है कि मतलब कोई भी ऑडियो विजुअल मीन्स हो, बस ऐसा होना चाहिए जिसमें सारे डायरेक्टर्स एट अ टाइम एक दूसरे को देख सकें और सुन सकें साइमल्टेनियसली विदाउट एनी इंटरमीडियरी इन बिटवीन। कंपनी शैल मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू अवॉइड द फेलियर ऑफ वीडियो और ऑडियो विजुअल कनेक्शन, कंपनी को सारे अरेंजमेंट करने के बीच में कहीं कोई कनेक्शन फेलियर ना हो। चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग एंड द कंपनी सेक्रेटरी इफ एनी, अगर कंपनी में है कोई कंपनी सेक्रेटरी तो दोनों की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको रीजनेबल केयर लेनी है इन सब चीजों के लिए, सारे अरेंजमेंट्स के लिए। सेफगार्ड ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ मीटिंग होना चाहिए कि कोई बाहर वाला प्रेजेंट ना हो। सिक्योरिटी प्रॉपर होनी चाहिए और आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर भी प्रॉपर होना चाहिए, सबको प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जा सके। देन टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट प्रॉपर होने चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रांसमिशन होना चाहिए।
रिकॉर्ड प्रोसीडिंग्स एंड प्रिपेयर द मिनट्स ऑफ द मीटिंग. रिकॉर्ड कीजिए प्रोसीडिंग्स को, प्रॉपरली रिकॉर्ड कीजिए एंड प्रिपेयर द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ओवर देयर. स्टोर ऑफ सेफ कीपिंग फॉर सेफ कीपिंग, स्टोर फॉर द सेफ कीपिंग. एक आपके पास अपना खुद का सर्वर रूम टाइप्स होना चाहिए, जहाँ पर आपकी कंपनी का इंटरनल आईटी डिपार्टमेंट टाइप कुछ होना चाहिए, वट एवर कुछ. वेल प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए सेफ कीपिंग के लिए एंड मार्किंग द टेप रिकॉर्डिंग और अदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म एज अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी एट लीस्ट बिफोर द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑडिट. कंपनी का स्टैचुटरी ऑडिट, या अगर कंपनी में सेक्रेटरियल ऑडिट भी होना है तो सेक्रेटरियल ऑडिट वेल कंप्लीट होने से पहले पहले प्रॉपर स्टोरेज हो जानी चाहिए, ताकि ऑडिट रिपोर्ट में आए कि हाँ सब कुछ ठीक से स्टोर किया गया है और सारे सेफ गार्ड्स लिए गए हैं. कंपनी सेक्रेटरी चेयरपर्सन शेल इंश्योर, द कंपनी सेक्रेटरी चेयरपर्सन शेल इंश्योर दैट नो पर्सन शेल अदर देन द कंसर्न डायरेक्टर आर अटेंडिंग और हैविंग द एक्सेस टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. तो चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी को एक बार क्या ऑन द स्पॉट वहाँ बोर्ड मीटिंग में अनाउंसमेंट करके पूछना चाहिए कि हम सब लोगों से पूछना चाहते हैं, सभी डायरेक्टर से पूछना चाहते हैं कि आप कंफर्म करो, आप वेल वो कसम खाकर बोलो कि आप इस रूम में आप जहाँ पर भी बैठे हो दुनिया के जिस भी कोने में, आप कंप्यूटर सिस्टम के सामने अकेले बैठे हो और आपके लेफ्ट राइट पे इधर या उधर कहीं भी और कोई नहीं बैठा हुआ है, क्या हम उनसे कसम खिलवाएंगे? कंपनी सेक्रेटरी शेल इंश्योर, द चेयरपर्सन शेल इंश्योर. नाउ दैट इज़ लिटिल फनी हाँ, कि वो उस रूम में अकेला बैठा है. क्या बोलेंगे डायरेक्टर को कि आप एक काम करो, आपका जो लैपटॉप है उसको उठाओ, उसमें जो आगे ऑब्वियसली वेब कैम लगा हुआ है उसको एक बार घुमाओ पूरे कमरे में, रोटेट करो और हमें पूरा कमरा ऊपर नीचे दिखाओ कि उस वक्त कमरे में और कोई प्रेजेंट नहीं है. आई डोंट नो प्रैक्टिकली कैसे होने वाला, मुझे नहीं मालूम, लेकिन लॉ मेकर ने लॉ में लिखा है. वी एंश्योर दैट नो पर्सन अदर देन द कंसर्न डायरेक्टर अटेंडिंग. तो अपनी तरफ से रीजनेबल केयर ले लीजिए बस. To ensure that the participants attending the meeting through the audio-visual are able to hear and see the other participants clearly during the course of meeting. Proper communication होना चाहिए, transmission break नहीं होना चाहिए. जो directors differently abled हैं, they may make request, वो चाहें तो request कर सकते हैं to the board of directors to allow a person, the attendant to accompany them or to accompany him. वो directors को request कर सकते हैं, directors may allow कि आप अपने साथ. ऑब्वियसली अब जान पहचान के लोग हैं डायरेक्टर्स, कोई अननोन पर्सन तो है नहीं एक दूसरे से, दे नो ईच अदर वेरी वेल और वो एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को, मजबूरियों को भी समझते हैं. तो इंटरनल मैटर है, दे मे अलाउ द पर्टिकुलर डायरेक्टर. क्या उस बोर्ड मीटिंग में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है, क्या कंपनी का स्टैचुटरी ऑडिटर और क्या कंपनी का बैंकर जो हमें लोन देने वाला है जिससे लोन मिला नहीं है, क्या वो लोग भी आ सकते हैं? जहाँ चेयरपर्सन बैठे हैं, कंपनी सेक्रेटरी बैठे हैं, क्या वो लोग भी आ सकते हैं? तो क्या अदर देन डायरेक्टर, स्टैचुटरी ऑडिटर, सेक्रेटेरियल ऑडिटर, बैंकर ऑफ द कंपनी, क्या ये लोग भी प्रेजेंट हो सकते हैं? आंसर इज येस, अगर चेयरमैन ने उनको ऑथराइज किया है वो लोग भी प्रेजेंट हो सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर के अलावा कोई और नहीं हो सकता, हो सकता है, जिसकी आवश्यकता है, ज़रूरत है, CFO ऑफ द कंपनी और CEO ऑफ द कंपनी, जो कंपनी में डायरेक्टर नहीं है लेकिन उसके बिना हम बोर्ड मीटिंग में ज़्यादा फ्रूटफुल डिस्कशन नहीं कर सकते और हमें लगता है कि वो बोर्ड मीटिंग में होगा तो डिस्कशन ज़्यादा अच्छे से होगा. चेयरपर्सन कैन ऑथराइज अदर्स कि आप भी बोर्ड मीटिंग में आ सकते हैं. नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग शैल बी गिवन टू ऑल डायरेक्टर्स, वो तो यहाँ कहने की बात ही नहीं है, एज पर सेक्शन 173 सबसेक्शन 3, एट देयर एड्रेस गिवन टू देम और बाई ई मेल. नोटिस ऑफ मीटिंग शैल इन्फॉर्म द डायरेक्टर्स, कि वो नोटिस में ये बात डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म की जा रही है कि अगर वो चाहें तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं या ऑडियो विजुअल मीन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं. And notice shall provide all necessary information to enable the directors to participate through the video conferencing mode. अगर कोई login देना है, login ID password देना है, तो वो दिया जाए कि वो video conferencing mode के through कैसे login करेंगे और how will they get associated through video conferencing. Director intending to participate through the video conferencing or audio visual means shall communicate his intention to the chairperson or to the company secretary. तो जो भी director video conferencing के through attend करना चाहता है वो board meeting से पहले company को advance में बताएगा ताकि company उसके लिए arrangement कर सके. And मैं कहूँगा जो ऊपर point C में है वही ditto नीचे point D में repeat हो रहा है कि director जो भी जिसकी इंटेंशन है कि मैं participate करना चाहता हूँ through video conferencing, जिसका इरादा है, he shall give the prior intimation to the effect sufficiently in advance, board meeting से ये नहीं कि सिर्फ एक घंटा पहले बता रहा है, sufficiently in advance, so that the company is able to make suitable arrangement in this behalf. Then we say, director who desires to participate may intimate his intention of participation through the electronic mode at the beginning of the calendar year
एंड सच डिक्लेरेशन शैल बी वैलिड फॉर वन कैलेंडर ईयर. तो डायरेक्टर के पास दूसरी ऑप्शन है. पहली ऑप्शन सी और डी में दी गई है ऊपर, क्लॉज सी क्लॉज डी में, और थर्ड ऑप्शन जो सेकेंड ऑप्शन दी गई है वो क्लॉज ई में दी गई है कि डायरेक्टर जिसका शुरू से इरादा है कि मुझे आने वाले कैलेंडर ईयर में सारी बोर्ड मीटिंग्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही करनी है, तो वो एक बार ही बता देगा एडवांस इंटीमेशन फॉर द फुल ईयर एट द बिगनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर फर्स्ट जनवरी के आसपास. एट द बिगनिंग का मतलब फर्स्ट जनवरी ही होना चाहिए या थोड़ा सा रीजनेबल, मतलब कैलेंडर ईयर में कोई भी बोर्ड मीटिंग होने से पहले, तो इन द मंथ ऑफ जनवरी कभी भी बता देता है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर कि सर अभी तो इस साल कोई बोर्ड मीटिंग अभी तक हुई भी नहीं है, तो मैं पहले ही एडवांस में बता रहा हूँ कि थ्रू आउट द कैलेंडर ईयर आई विल अटेंड ऑल द बोर्ड मीटिंग्स थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड सच डिक्लेरेशन शैल रिमेन वैलिड फॉर वन कैलेंडर ईयर. नेक्स्ट कैलेंडर ईयर वो चाहे तो दोबारा डिक्लेरेशन दे या इंटीमेशन दे, इरादा बताए या ना बताए, उसकी मर्जी है. देन वी से इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंटीमेशन, अगर उसने ऐसी कोई इंटीमेशन नहीं दी है क्लॉज सी में, हमने उसको नोटिस दिया, ना उसने एनुअल इंटीमेशन दी थी और ना ही उसने बोर्ड मीटिंग का नोटिस रिसीव करने के बाद ऐसी कोई इंटीमेशन दी है कि मैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड करना चाहता हूँ, तो इट इज़ ऑटोमेटिकली एज्यूम्ड, इट इज़ ऑटोमेटिकली प्रज्यूम्ड कि वो फिजिकली प्रेजेंट होगा और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं आना चाहता. सो डायरेक्टर शेल अटेंड, देन इन दैट केस इट इज़ प्रज्यूम दैट डायरेक्टर शेल अटेंड द मीटिंग इन पर्सन. और अगर वो एबसेंट है तो आपको मालूम है अगर वो 12 महीने तक अपने आप को एबसेंट करता है तो ऑफिस बिकम्स वैकेंट ओवर द ईयर. कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग में एक रोल कॉल लिया जाएगा सभी डायरेक्टर्स का एंड व्हेन एवरी डायरेक्टर शेल स्टेट, क्या बोलेगा डायरेक्टर, अपना नाम बताएगा, अपनी लोकेशन बताएगा कि मैं न्यूयॉर्क में बैठा हूँ या टोक्यो में बैठा हूँ, वेयर एवर, एंड ही हैज़ रिसीव्ड द एजेंडा, मैंने एजेंडा रिसीव कर लिया है अलॉन्ग विद द ऑल रेलिवेंट मटीरियल्स. अब इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि एजेंडा इज़ कंपल्सरी, लेकिन मैं कहूँगा सेक्शन में एजेंडा कंपलसरी नहीं है, तो यहाँ पर भी लिखा ज़रूर है लॉ मेकर ने, इसको देखकर एक फील ज़रूर आता है कि एजेंडा देना चाहिए. और हम वैसे भी कह रहे हैं इट इज़ अ गुड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस कि एजेंडा देना चाहिए. लिस्टेड कंपनीज हैं, एजेंडा देना कंपलसरी है, लोन एग्रीमेंट में लिखा है तो भी एजेंडा देना कंपलसरी है. एंड देन वी से एंड नो वन अदर देन कंसर्न डायरेक्टर इज अटेंडिंग और हैविंग एक्सेस टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग एट लोकेशन. अब वो डायरेक्टर डिक्लेयर कर रहा है, वो डायरेक्टर डिक्लेयर कर रहा है कि मैं डिक्लेयर करता हूँ मेरे अलावा कोई और इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टाइम पे इस रूम में नहीं बैठा, जिस वक्त मैं इस रूम में बैठा हूँ मैं अकेला हूँ और मेरे साथ और कोई नहीं है, आई एम सिटिंग अलोन. तो ये डिक्लेरेशन वो दे रहा है. आफ्टर द रोल कॉल, आफ्टर द रोल कॉल, रोल कॉल के बाद जब सब लोगों ने अपनी अटेंडेंस रिकॉर्ड करवा दी, तो चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी वो इन्फॉर्म करेंगे इन जनरल कि हम सब डायरेक्टर्स के नाम एक बार रिपीट कर रहे हैं कि आज कौन कौन बैठे हैं अबाउट द, और उसके साथ साथ वो भी बताएंगे कि डायरेक्टर्स के अलावा और कौन आज हमारे साथ बैठे हुए हैं. नेम ऑफ द पर्सन्स अदर देन डायरेक्टर्स कि हमारे साथ आज कौन कौन बैठे हुए हैं, और कन्फर्म करेंगे कि कोरम इज़ कम्प्लीट साथ में. तो चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी बोलेंगे कि जिस रूम में चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी बैठे हैं उसी रूम में हमारे साथ दूसरे लोग भी बैठे हैं, या मे बी नॉट रियली इन द सेम रूम बट ऑन द डिफरेंट लोकेशन, द स्टैचुटरी ऑडिटर और सीईओ और बैंकर वेयर एवर दे आर सिटिंग हु आर प्रेजेंट इन द सेट मीटिंग एट द रिक्वेस्ट और विद द परमिशन ऑफ चेयरपर्सन, या तो हमने उनको रिक्वेस्ट करके बुलाया है बोर्ड मीटिंग फ्रूटफुल तरीके से करने के लिए, या फिर उन्होंने चेयरपर्सन से परमिशन मांगी है और चेयरपर्सन ने उनको परमिशन ग्रांट की है, और साथ में ये ज़रूर कन्फर्म कर रहे हैं कि हाँ कोरम प्रेजेंट है. देन डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग इन द मीटिंग थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और द ऑडियो विजुअल मीन्स शैल बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ कोरम अनलेस ही इज़ टू बी एक्सक्लूडेड फॉर एनी आइटम ऑफ बिजनेस अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट और द रूल्स. अब ये चीज़ थोड़ी सी टेक्निकल है, इंटरेस्टिंग है. जो डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आएगा बैठेगा वेल या ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू, तो उसको हम कोरम में काउंट करेंगे, ही विल बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ कोरम ओवर देयर अनलेस ही इज़ टू बी एक्सक्लूडेड. क्या मतलब है, सेक्शन 184 आने वाली क्लासेस में हम करेंगे कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करता है इन द रेजोल्यूशन इन विच ही इज़ इंटरेस्टेड, वहाँ पर दो तीन रेजोल्यूशन दिए हुए हैं, और उसके बाद जिस रेजोल्यूशन में वो इंटरेस्टेड है उसमें वो डिस्कशन में वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और कोरम में काउंट नहीं होगा. सेक्शन 184 रेड विद द रूल 15 हम देखेंगे आगे. सो आप यही कह रहे हैं कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बैठा हुआ है वैसे तो वो कोरम में काउंट होगा, लेकिन उन आइटम्स के लिए वो कोरम में काउंट नहीं होगा
जिन आइटम्स के लिए, जिन आइटम्स में वो इंटरेस्टेड है, जिन रेजोल्यूशंस में वो कॉन्ट्रैक्ट्स में अरेंजमेंट्स में इंटरेस्टेड है, तो वहाँ उसको कोरम में काउंट नहीं करेंगे। क्या उस वक्त वो उस रूम से उठकर चला जाएगा? क्या वो उस वक्त वो रूम छोड़कर चला जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सामने से कि आप ये काम ख़त्म कर लो फिर मैं वापस आ जाता हूँ, या फिर वो उस रूम में बैठा रहेगा और चुपचाप बिना डिस्कशन में वोटिंग में पार्टिसिपेट किए जो भी डिस्कशन वोटिंग चल रही है वो देखता रहेगा? तो इट लुक्स लाइक, ऐसा लगता है कि वो उस रूम में तो वहाँ बैठा रहेगा लेकिन कोरम में काउंट नहीं होगा और डिस्कशन में वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ही विल सिट साइलेंट एंड वॉच साइलेंटली ओवर देयर। तो इन जनरल नॉर्मली कोरम में काउंट होते हैं। अब एक चीज़ और, एट द सेम टाइम तो ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया के बाहर है, ऑल्टरनेट इंडिया में, और ओरिजिनल कह रहा है मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करूंगा, तो अब ओरिजिनल अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड कर रहा है तो वो कोरम में काउंट होगा। तो क्या उसका ऑल्टरनेट भी अगर आधा चाहता है कि हम उसको बिठाएंगे, क्या उसको कोरम में काउंट करेंगे? ऐसा लगता है नो, नहीं होना चाहिए। सो आई डोंट नो, मतलब जहाँ अच्छी बड़ी कंपनीज हैं और जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज़ हैं वहाँ फिर देखा जाए तो लॉजिकली ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करने का कोई लॉजिक बचता नहीं है। छोटी कंपनीज हैं जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज़ नहीं हैं, या कि वेल डायरेक्टर किसी ऐसी लोकेशन पे गया है जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी नहीं है, तो आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन डायरेक्टर किसी ऐसी लोकेशन पे गया है जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी है, तो फिर मतलब ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करना, यू अंडरस्टैंड कि लॉजिकली कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और जिस डायरेक्टर ने शुरू में ही कैलेंडर ईयर के स्टार्ट में ही बोल दिया आई विल अटेंड ऑल बोर्ड मीटिंग्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और वो इंडिया के बाहर जा रहा है फॉर 3 मंथ्स, तो वहाँ तो फिर ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करना मतलब इलॉजिकली लग रहा है कि अगर वो इंडिया के, क्योंकि उसने कैलेंडर ईयर के बिगनिंग में ही बता दिया आई विल अटेंड ऑल बोर्ड मीटिंग्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देन टॉकिंग अबाउट दिस, सो वैसे कोरम में काउंट होता है बट अनलेस ही इज टू बी एक्सक्लूडेड। और फिर से एक बार बोलूँगा रूल 4, वो 5 आइटम्स यहाँ पर याद दिलवा दूँ आपको, रूल 4 वो 5 आइटम्स जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करना अलाउड नहीं है। और हमारे 12 में से 12 में से आउट ऑफ 12 11 डायरेक्टर्स आर सिटिंग फिजिकली इन द बोर्ड मीटिंग। वन हु इज़ एबसेंट रिक्वेस्ट करता है कि सर मैं देखना चाहता हूँ और मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दिखा दो, लेकिन उस केस में वो अब वो 5 आइटम्स हैं, प्रॉस्पेक्टस साइन कर रहे हैं, अमलगमेशन मर्जर व्हाटएवर, उसमें वो देखेगा लेकिन कोरम में काउंट नहीं होगा और ऑब्वियसली डिस्कशन में वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, क्लॉज बी, द चेयरपर्सन शैल इंश्योर दैट रिक्वायर्ड कोरम इज प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। द चेयरपर्सन शैल इंश्योर दैट रिक्वायर्ड कोरम शैल बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। और कोरम सिर्फ शुरू में नहीं चाहिए, थ्रू आउट द मीटिंग चाहिए, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ओवर देयर। एनुअल जनरल मीटिंग में अगर किसी को याद हो, ओल्ड कंपनीज एक्ट में, न्यू कंपनीज एक्ट में एक कॉमन आस्पेक्ट है, कोरम इज रिक्वायर्ड ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग एंड नॉट थ्रू आउट द जनरल मीटिंग। हाँ, दो बैठे रहने चाहिए, एक नहीं होना चाहिए एनुअल जनरल मीटिंग में, लास्ट तक भी दो बैठे हैं तो कोरम हो गया आपका। लेकिन बोर्ड मीटिंग की बात कर रहे हैं तो थ्रू आउट बोर्ड मीटिंग, शुरू से लेकर आखिर तक कोरम जरूर होना चाहिए। देन सब रूल 6 कुछ फनी था पहले, अभी लॉ मेकर ने सुधार दिया है। और यहाँ वेल सब रूल 6 में लिखा हुआ था, रूल 3 सब रूल 6 में, कि अगर बोर्ड मीटिंग बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है तो बेसिकली इट शैल बी इन इंडिया, इट शैल बी इन इंडिया। जबकि अगर फिजिकल बोर्ड मीटिंग हो रही है और सारे डायरेक्टर फिजिकली प्रेजेंट हैं तो उसके लिए लॉ इज साइलेंट। कंपनीज एक्ट में सेक्शन 173 में कहीं कुछ नहीं लिखा। और फिजिकल बोर्ड मीटिंग के लिए लॉ इज साइलेंट, तो आप इंडिया में भी करवा लो, इंडिया के बाहर भी करवा लो, कहीं भी करवा लो। लेकिन ये चीज़ बड़ी फनी सी थी रूल 3 सब रूल 6 में इनिशियली, कि शेड्यूल्ड वेन्यू जो है, अगर आप बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, एवरी बोर्ड मीटिंग कंडक्टेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो उस केस में द शेड्यूल्ड वेन्यू ऑफ द मीटिंग एज गिवन इन द नोटिस कन्वीनिंग द मीटिंग, वो लिखा होना चाहिए विच शैल बी इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी द प्लेस ऑफ द बोर्ड मीटिंग। तो बोला गया कि ये नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग में लिखना पड़ेगा कि इस बोर्ड मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी है एंड द वेन्यू ऑफ द बोर्ड मीटिंग इज अ प्लेस इन इंडिया। तो जहाँ चेयरमैन बैठा है या जहाँ कंपनी सेक्रेटरी और चेयरपर्सन एक साथ बैठे हैं, मे बी दैट इज़ अ वेन्यू। तो लॉ मेकर को बाद में लगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को, ये तो हमने कुछ गलत लिख दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने फाइनली फिर इस रूल को अमेंड किया और ये 4 शब्द 5 शब्द डिलीट कर दिए, विच शैल बी इन इंडिया। तो अभी क्लियर हो गया, अभी आज की तारीख में, तो एज ऑफ टुडे जनवरी 2015 वी कैन से दैट कि चाहे आपकी बोर्ड मीटिंग फिजिकल बोर्ड मीटिंग है, ऑल डायरेक्टर्स आर फिजिकली प्रेजेंट, चाहे आपकी बोर्ड मीटिंग बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इट मे बी इन इंडिया, इट मे बी आउटसाइड इंडिया। तो इन इंडिया होना कंपलसरी नहीं है दोनों ही केसेस में।
तो लेकिन लेकिन ये बात जरूर है कि अभी भी नोटिस में आपको एक प्लेस ऑफ मीटिंग तो बताना ही है, शेड्यूल्ड वेन्यू ऑफ मीटिंग तो आपको नोटिस में बताना ही है, और वो वेन्यू इंडिया में भी हो सकता है, इंडिया के बाहर भी हो सकता है, और जो वेन्यू आप नोटिस में लिखोगे ये मान लिया जाएगा, डीम्ड है कि दैट इज़ द प्लेस ऑफ सेट बोर्ड मीटिंग, और जब मिनट्स बनेंगे ऑन पेपर तो उसमें लिखा जाएगा दैट इज़ द प्लेस ऑफ बोर्ड मीटिंग। ऑब्वियसली जो मिनट्स में आप ऊपर ऊपर टाइटल में लिखते हैं, डीम्ड टू बी द प्लेस ऑफ सेट मीटिंग एंड ऑल रिकॉर्डिंग्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स एट द मीटिंग शेल बी डीम्ड टू बी मेड एट सच प्लेस। तो ये माना जाएगा कि वो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स उसी जगह पर हुई हैं। स्पेशली बोलना चाहूँगा इफ़ यू आर अलॉटिंग द शेयर्स और शेयर सर्टिफिकेट आप इशू कर रहे हैं तो स्टैम्प ड्यूटी आपको देनी पड़ती है, और स्टैम्प ड्यूटी इंडिया में स्टेट टू स्टेट चेंज हो जाती है, दिल्ली में अलग है, हरियाणा में अलग है, डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग है, दिल्ली स्टेट स्टैम्प एक्ट, बॉम्बे स्टेट स्टैम्प एक्ट एंड सो ऑन। तो जिस स्टेट का आप बोल रहे हैं कि दिस इज़ द वेन्यू, उस स्टेट की स्टैम्प ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी। तो सोच समझ कर ऐसी स्टेट चुनिएगा जिस स्टेट में स्टैम्प ड्यूटी मिनिमम है, और वहाँ पर वेन्यू रखिए ताकि आपकी स्टैम्प ड्यूटी सेविंग हो जाए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और मे बी अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। देन वी से स्टैचुटरी रजिस्टर, अगर कोई बोर्ड मीटिंग में आपको प्लेस करना है और साइन करवाना है तो साइन कैसे करवाएंगे? जो सब लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठे हैं क्या वो कंप्यूटर में से अपना हाथ बाहर निकाल कर साइन करेंगे? विल दे बी साइनिंग ओवर देयर? हाँ जी, ऑब्वियसली वी डिस्कस दैट, कोई भी हाथ बाहर नहीं निकालेगा, एवरीबडी विल बी साइनिंग वर्बली। तो हर कोई सिर्फ बोल कर कंसेंट देगा, जहाँ पर रजिस्टर का साइन करना आवश्यक है, रजिस्टर इज रिक्वायर्ड टू बी साइन, इट इज़ डीम्ड टू बी साइन इफ दे हैव गिवन द कंसेंट टू द इफेक्ट एंड इट इज़ सो रिकॉर्डेड इन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। तो उन्होंने वर्बल कंसेंट दे दिया ऑन द स्पॉट, और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिकॉर्डिंग में भी स्टोर हो गया है, और हमने उसको मिनट्स में भी लिखा कि उन्होंने अपनी वर्बल कंसेंट दिया, तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि वो रजिस्टर साइन हो गया। एंड एवरी पार्टिसिपेंट शेल रिकॉग्नाइज हिमसेल्फ। एंड गोइंग ऑन फर्दर विद दिस, पेज नंबर 2.6 बॉटम लाइन ऑन द बॉटम, सबसे नीचे नीचे, सबरू रेट एवरी पार्टिसिपेंट शेल आइडेंटिफाई हिमसेल्फ फॉर रिकॉर्ड बिफोर स्पीकिंग ऑन एनी आइटम। हर बार बोलने से पहले हर किसी को बताना है मेरा नाम ये है, आई एम दिस एंड दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट आई एम गिविंग। नाउ हर बार बोलने से पहले अपना आइडेंटिफिकेशन देना है, तो एक बार आइडेंटिफिकेशन शुरू में दिया रोल कॉल के टाइम पे, और हर बार अपना आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा बिफोर स्पीकिंग। तो कुछ भी बोलो बाद में, फर्स्ट ऑफ ऑल से आई मिस्टर सो एंड सो वॉन्ट टू सबमिट दिस, आई वॉन्ट टू मेक दिस सबमिशन, तो ये पहले बोलना पड़ेगा ऑन एनी आइटम इन द एजेंडा और एनी आइटम इन द यू कैन से नोटिस। इफ अ स्टेटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर इन द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स इज इंटरप्टेड और गार्बल्ड, बीच में वो गायब हो गई है, स्क्रॉल आ गया है स्क्रीन के ऊपर या जो भी है, तो अगर किसी का भी अगर ऑडियो वीडियो डिस्टर्ब हुआ है तो जैसे ही वो रिस्टोर होता है वो रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे लिए सब कुछ रिपीट किया जाए। तो चेयरपर्सन कंपनी सेक्रेटरी शेल रिक्वेस्ट फॉर रादर चेयरपर्सन कंपनी सेक्रेटरी शेल रिक्वेस्ट फॉर रिपीट और रीइटरेशन बाय सच बाय द डायरेक्टर। तो किसी डायरेक्टर का चलते चलते अगर किसी डायरेक्टर के बोलते बोलते उसका ट्रांसमिशन अगर गड़बड़ हो गया है, तो जब उसका ट्रांसमिशन वापस रिस्टोर करेंगे तो उसको बताएंगे सर आप बोल रहे थे लेकिन आपका ट्रांसमिशन हिल गया था, तो आप कृपया करके जो आपने बोला वो दोबारा बोलिए, तो उसको रिक्वेस्ट करेंगे उस डायरेक्टर को दोबारा से बोलना। और अगर उसकी एब्सेंस में अगर उसके ट्रांसमिशन कट होने के बाद दूसरे डायरेक्टर कुछ बोल रहे थे, क्या उनको बोलते बोलते चुप हो जाना चाहिए? क्या उनको साइलेंट हो जाना चाहिए जब तक ट्रांसमिशन रिस्टोर नहीं होता? तब तक के लिए चुप हो जाते हैं, जब ट्रांसमिशन रिस्टोर हो जाएगा तो हम डिस्कशन दोबारा स्टार्ट करेंगे। इट सीम्स येस। इफ़ अ मोशन इज ऑब्जेक्टेड, अगर किसी रेजोल्यूशन के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन आ गया है, कोई डायरेक्टर कहता है मैं तो इसके अगेंस्ट में हूँ, वर्बली बोल रहा है कि मैं सो एंड सो रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में हूँ, तो वोटिंग करवानी आवश्यक है, कंपलसरी है, और चेयरमैन उस वक्त एक बार फिर से रोल कॉल करेगा और सभी डायरेक्टर्स का वोट नोट करेगा। तो हर डायरेक्टर अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा वाइल कास्टिंग हिज वोट, आई मिस्टर सो एंड सो वोट इन द फेवर ऑफ रेजोल्यूशन, आई मिस्टर सो एंड सो कास्ट माई वोट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। तो हर किसी को अपना नाम बोलना है और साथ में आई कास्ट माई वोट इन फेवर या आई कास्ट माई वोट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन स्टेटमेंट को कम्प्लीट करना है। तो एक तरीका है वोटिंग करवाने का, और एक एक डायरेक्टर से वोटिंग करवानी चाहिए। अगर सारे डायरेक्टर्स एक साथ बोलना शुरू हो जाते हैं आई सो एंड सो कास्ट माई वोट इन फेवर और अगेंस्ट, और पता चला 15 डायरेक्टर्स आर स्पीकिंग साइमल्टेनियसली, तो वो ऑडियो वीडियो सब गड़बड़ हो गया,
मतलब वीडियो तो दिख रहा है लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कौन फेवर में कौन अगेंस्ट में, तो क्या एक एक डायरेक्टर को एक एक करके बोलते जाना चाहिए सीक्वेंस में? इट लुक्स यस, एक मेथड डेवलप करना चाहिए। तो ये सारी प्रैक्टिकल बातें हैं जो प्रैक्टिकली अब कंपनी अपने तरीके से, इंटरनल मैनेजमेंट अपने तरीके से करेगी। एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग एंड अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, नो पर्सन अदर देन द चेयरपर्सन, डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, एनी अदर ऑथराइज प्रेजेंस पर्सन शैल बी अलाउड टू एक्सेस द प्लेस वेयर द मीटिंग इज गोइंग ऑन। इट्स अ रेपिटेशन अगेन एंड अगेन। तो कोई बाहर वाला नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ चेयरपर्सन, चेयरपर्सन की परमिशन से हो सकता है, नॉट अदरवाइज। एट द एंड ऑफ डिस्कशन ऑफ ईच आइटम, हर आइटम पे डिस्कशन खत्म होने के बाद द चेयरपर्सन विल अनाउंस द समरी ऑफ डिसीजन कि हमने क्या फैसला लिया। तो 4-6 लाइनों में वो चेयरपर्सन अनाउंस करेंगे कि फाइनल डिसीजन क्या हुआ, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हर डिस्कशन, हर एजेंडा आइटम पे, हर रेजोल्यूशन पे डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद, अलॉन्ग विद द नेम ऑफ डायरेक्टर्स इफ एनी हु डिसेंटेड, साथ में उस डायरेक्टर का नाम ज़रूर बोलेंगे जिसने डिसेंट दी है कि मैं तो इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में हूँ। एक या दो डायरेक्टर जो भी अगेंस्ट में हैं उनका नाम भी बोलना ज़रूरी है। एंड देन फाइनली डिसाइडिंग कि मेजॉरिटी फेवर में है या मेजॉरिटी अगेंस्ट में है। सो आई विल से मतलब दो बातें हैं, समरी अनाउंस करनी है और जो भी डिसेंटिंग डायरेक्टर हैं एक या दो उनके नाम भी साथ में अनाउंस करने हैं, जो रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन पास हो गया लेकिन जो भी नेगेटिव वोट दे रहे हैं उनके नाम क्या हैं वो अनाउंस करना ज़रूरी है। मिनट्स शेल डिस्क्लोज द पर्टिकुलर्स ऑफ द डायरेक्टर हु हैव अटेंडेड द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और थ्रू ऑडियो विजुअल मीन्स। तो मिनट्स में लिखा होना चाहिए आउट ऑफ 15 डायरेक्टर्स 12 डायरेक्टर्स वर पर्सनली प्रेजेंट, 3 डायरेक्टर्स वर प्रेजेंट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये मिनट्स में दिखना चाहिए कितने पर्सनली आए फिजिकली और कितने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्रेजेंट इन पर्सन और थ्रू VC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। रूल 3 सब रूल 12 द ड्राफ्ट मिनट्स, मिनट्स 15 दिन में सर्कुलेट करने हैं, 15 डेज में। तो जब मीटिंग हो गई तो उसके मिनट्स बनेंगे और मिनट्स बनाने के बाद ऑब्वियसली द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी इज प्रिपेयरिंग द मिनट्स एंड विद द हेल्प ऑफ मे बी असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी। तो उसके बाद वो जो ड्राफ्ट मिनट्स हैं वो सर्कुलेट किए जाएंगे टू ऑल डायरेक्टर्स विद इन 15 डेज। और जब हम कह रहे हैं ऑल द डायरेक्टर्स विद इन 15 डेज, तो कौन से डायरेक्टर जो उस दिन एबसेंट थे उनको भी सर्कुलेट करेंगे? आंसर इज येस, जो प्रेजेंट थे उनको तो करेंगे, जो एबसेंट थे उनको भी सर्कुलेट करेंगे विद इन 15 डेज ऑफ द मीटिंग, आइदर इन राइटिंग और थ्रू ईमेल। तो क्या PDF फाइल भेज सकते हैं? दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। देन वी आर सेइंग एवरी डायरेक्टर हु अटेंडेड द मीटिंग, जिन्होंने भी मीटिंग अटेंड की थी पर्सनली और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और थ्रू ऑडियो विजुअल मीन्स, शेल कन्फर्म और गिव हिज कमेंट इन राइटिंग अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डिंग। वो अपना कन्फर्म करेगा या थ्रू ईमेल ही वो वापस रिस्पॉन्ड बैक करेगा कि मिनट्स में क्या गड़बड़ है और क्या सही होना चाहिए, क्या इम्प्रूव होना चाहिए, वो अपने कमेंट्स साथ में देगा। तो या तो वो कन्फर्म करेगा कि सब कुछ बिल्कुल सही है या फिर वो अपने कमेंट्स वापस रिस्पॉन्ड बैक करेगा अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पर्टिकुलर मीटिंग इन द ड्राफ्ट मिनट्स एंड विद इन हाउ मच टाइम ही विल रिस्पॉन्ड बैक, विद इन 7 डेज। तो डेट ऑफ मीटिंग प्लस 15 डेज प्लस 7 डेज, तो 15 + 7 बिकम्स 22 डेज। और सम रीजनेबल टाइम एज डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स चाहें तो 7 डेज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं आफ्टर द रिसीट ऑफ द ड्राफ्ट मिनट्स, फेलिंग विच हिज अप्रूवल शैल बी प्रज्यूम्ड। अगर उसने रीजनेबल टाइम में 7 दिन में या जो भी रीजनेबल टाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फिक्स किया उतने में रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि उसने कंसेंट दे दी, कन्फर्मेशन दे दी और उसकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन मिनट्स के ऊपर नहीं है। आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द मीटिंग द मिनट्स शैल बी एंटर्ड इन द मिनट्स बुक इन सेक्शन 118। तो सेक्शन 118 इज़ अ कॉमन सेक्शन जिसमें बहुत सारे मिनट्स हैं, मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, मिनट्स ऑफ कमिटी मीटिंग, मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, मिनट्स ऑफ क्लास मीटिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ क्रेडिटर्स। सेक्शन 118 इज अ जनरल प्रोविजन फॉर मेंटेनिंग द मिनट्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ मीटिंग्स इन द कंपनी, मिनट्स ऑफ पोस्टल बैलेट एवरीथिंग। एंड देन साइंड बाय चेयरपर्सन, मिनट्स के ऊपर साइन कौन करेगा? चेयरपर्सन। ये साइनिंग में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि दैट इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ IPCC सिलेबस। बोर्ड मीटिंग के मिनट्स हों तो कौन सा चेयरपर्सन साइन करता है, जल मीटिंग के मिनट्स हों तो कौन सा चेयरपर्सन साइन करता है, पोस्टल बैलेट के मिनट्स हों तो कौन सा चेयरपर्सन साइन करता है, तीनों ही अलग हैं एक दूसरे से। तो अभी उसमें नहीं जा सकता हूँ, सेक्शन 118 है उसके साथ रूल्स हैं, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014, तो वो एक कहानी अलग है। लास्टली स्पीकिंग रूल 3 का आखिरी पॉइंट, और मैं कहूँगा आज के दिन का आखिरी पॉइंट, सेक्शन 174 वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की डेफिनेशन या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स की डेफिनेशन। और वो डेफिनेशन क्या कहती है?
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स अदर ऑडियो विजुअल मीन्स ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉयड विच इनेबल्स ऑल पर्सन्स पार्टिसिपेटिंग इन द मीटिंग टू कम्युनिकेट कॉन्करेंटली साइमल्टेनियसली कॉन्करेंटली विद ईच अदर विदाउट एनी इंटरमीडियरी. बीच में कोई बिचौलिया नहीं है उनके कम्युनिकेशन को ब्रेक करने वाला, काटने वाला या एक दूसरे से कट ऑफ करने वाला. एंड टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन मीटिंग, तो सारे डायरेक्टर एक साथ साइमल्टेनियसली एक दूसरे को देख सकें और सुन सकें और बीच में कोई बिचौलिया ना हो और प्रॉपर रिकॉर्डिंग मेंटेन होनी चाहिए. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. एंड नेक्स्ट क्लास में आने से पहले एक बार ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और रूल 4 वो 5 आइटम्स पढ़कर आइएगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास में काम आने वाला है. थैंक यू सो मच. जय माता दी. थैंक्स अ लॉट.